तो कैसे हैं आप लोग ओ ये तो कैरी की तरह हो गया चलिए जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Excel for Beginners इस चैनल पे आपको मिलती हैं Excel की अमेजिंग वीडियोस जिससे आप Excel सीख सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी ग्रो कर सकते हैं इस वीडियो में सर मैं आप लोगों के लिए खोलने वाला हूं ग्रोथ का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसको सर आप लोगों ढंग से परस्यू करें तो डेफिनेटली सर आप अपने करियर में जा सकते हैं 91, 91, कि एक्सेल इतना जरूरी क्यों है आप सर अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो सर एक्सेल आपके लिए तो बिल्कुल खून में चलने वाली चीज होनी चाहिए आपका करियर में ग्रोथ रुक जाएगी अगर सर आपको ये एक्सेल जो है चलाना नहीं आता और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आपकी डेली लाइफ में एक्सेल का बहुत उपयोग हो सकता है आपके पास बहुत सारा डेटा हो आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं आप आपसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप आपसे स्टॉक मार्केट को छोड़ के बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाहते हैं और कुछ नहीं तो अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं मैडम के सामने तो भी सर एक्सेल जो है बहुत 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 ज्यादा जरूरी है मैं सॉफ्टवेयर की इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है मैं यहां पे अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करता हूं एक्सेल को एक्सेल वर्ड को छोड़ के मैं एक वर्ड पकड़ता हूं स्प्रेडशीट एक्सेल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काफी मशहूर है एक्चुअली में सर जो सॉफ्टवेयर है जो बेस है वो है स्प्रेडशीट एक कारण ये भी है एक्सेल के जरूरी होने का कि सर वर्ल्ड में अगर आप ढूंढने जाते हैं सर कुछ अच्छे स्किल्स को तो उसमें से एक सबसे ज्यादा सॉर्ट आफ्टर स्किल है एक्सेल तो अगर आप एक्सेल सीखते हैं तो आप बन सकते हैं हीरो अपने घर पे अपने ऑफिस में मैडम के सामने मैडम के पापा के सामने और सर अपनी नजरों में तो आप हीरो बन ही जाएंगे अब सर इस कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है एक्सेल को सीखने की आग मैं लगा दूंगा आपके अंदर और सर फिर आप लोग जो एक्सेल के पूरे बेसिक्स इस कोर्स से सीख सकते हैं एडवांस लेवल पर जाने के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने जाना है लेकिन पहले अपनी पूरी की पूरी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहां से आप क्लियर कर लीजिए और यही नहीं आप सर इस कोर्स से मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं तो आपके लिए सर एम कोर्स भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यहाँ से एक्सेल सीखिए वहां पे जाके सर आप एम सी क्यूज अब अटैम्प्ट कीजिए अपने मार्क्स लीजिए और देखिए कि आप एक्सेल कितना सीख रहे हैं अब वो आप पूछेंगे सर कोर्स कैसे मिलेगा तो उस कोर्स के लिए सर कुछ नहीं करना है आपको हमारी ऐप आप है एडियो नाइनटी वन उसको डाउनलोड करना है और वहाँ पर सर आपको एक्सेल कैटेगरी में जाके एक्सेल से रिलेटेड एक फ्री एम सी क्यू कोर्स मिलेगा जिसके अंदर सर आपको कुछ रिसोर्स फाइल्स मिलेंगी जो फाइल्स मैं यहाँ पर यूज करूँगा कोशिश करूँगा क्यों मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर कर दूँ और सर हमारी टीम जो है वहाँ पर आपके लिए एम सी क्यूज भी बना रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिससे आपकी नॉलेज जो आपने सीखा वो साथ साथ टेस्ट भी होती जाएगी और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई एक्सेल कहना गलत होगा स्प्रेडशीट तो यहां मैं आपको एक्सेल तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा और साथ में मैं आपको गूगल शीट भी दिखाऊंगा जो कि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा सो so प्लीज इस कोर्स को इस वीडियो को पर्टिकुलरली पूरा देखिएगा और गूगल शीट की जितनी वीडियोज आएंगी उनको भी आराम से बैठ के एंजॉय कीजिएगा सर क्या बात कर रहे हो हमें एक्सेल भी खरीदना पड़ेगा और गूगल शीट भी खरीदनी पड़ेगी नहीं सर गूगल शीट आप सबके लिए फ्री है बिलीव में आप सब के लिए फ्री है एक्सेल आपको खरीदना पड़ सकता है और मैं जो सर इन वीडियो में यूज करने वाला हूं एक्सेल वो है एक्सेल दो आप दो भी यूज कर रहे हैं तो चलेगा

2,500 फाइव हंड्रेड लाइक्स का मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट झटपट 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 पूरा कर दोगे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा बेसिक्स की उन सब की मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करता जाऊंगा उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा ताकि आप सर जब भी एक्सेल शुरुआत करना चाहें और इस वीडियो को देखें तो आपको बाकी सारी वीडियोज भी एक कोर्स के फॉर्म में मिल जाए जहां से सर आप एक्सेल को आराम से सीख पाएं वीडियो कितने इंटरवल पर आएगी देखो यार मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना कोई छोटी बात तो है नहीं और मैंने वैसे भी सर दो सब्जेक्ट वहां पर जो कोर सब्जेक्ट है वो पढ़ाने के लिए सर ठान रखा है तो सर उसमें थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहा आपको टारगेट्स देता रहूंगा वो आप टारगेट्स अचीव करते रहिएगा और थोड़ा सा जो है बस पेशेंस थोड़े से अपनाइएगा ताकि सर आप मेरे को प्रेशर ना बनाए कि सर वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं नहीं आ आ रही रही फ्रस्ट्रेट मत कीजिएगा बाकी सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं हर 1500-2000 दो हजार सब्सक्राइबर जैसी कंप्लीट होंगे मैं सर जरूर 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 कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियोस लाता जाऊं अब आपके लिए अब आपको एक टास्क दे रहा हूं आपने करना क्या है सर सबसे पहले सर आपने वीडियो को लाइक करना है लाइक टारगेट मैंने आपको बता दिया चैनल को सब्सक्राइब करना है बेलाइकन को हिट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये चैनल मेरा नहीं ये आपका है ये चैनल चलेगा आप लोगों से आपको लगता है मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूं नहीं भाई बिल्कुल यूट्यूब कुछ पैसे नहीं देता खासकर एजुकेशनल वीडियो पे कुछ पैसे नहीं देता तो मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज फीस मांगूंगा कि आप जाके इस चैनल को सबके साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे फेसबुक पे जहां भी सर आपको मौका मिले जब भी सर आपको कुछ अच्छा लगे इस वीडियो के अंदर आपने कुछ नया सीखा तो बस शेयर बटन दबाएं और सर सबके साथ इस चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए चैनल को शेयर करने का लिंक मैं आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं आप सर वहां से भी उठाकर इसका लिंक जो है शेयर कर सकते

ताकि सर सीरियस कैंडिडेट्स वहां पे पहुंच पाए और उसको सीख पाए पावर पॉइंट सर आपको मदद करता है अपनी बातों को प्रेजेंट करने में कल को सर आप स्टार्टअप खोलते हैं या सर आप किसी कॉलेज प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं या आप सी स्टूडेंट हैं तो सर आप अगर आईसीआई के किसी कन्वेंशन में जा रहे हैं वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए सुपर ताकि देख के लोग बाग हो जाए फ्लैट तो वो कोर्स जो है हमारी ऐप यानी कि एडियो नाइनटी वन पे जाकर जो है देख सकते हैं उसका लिंक भी आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड अभी हमने बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रखा इंट्रोडक्टिव डिस्काउंट तो एक्सेल वाले एक्सल चैनल वाले सब्सक्राइबर्स को वहां पर जाकर बहुत सारा

चलिए शुरू करते हैं मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सेल खोलना आता है आपने एक्सेल इस समय जो है वो ओपन कर लिया है और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं आप मोबाइल में देखें कहीं भी देखें साथ में एक्सेल खोलने की कोशिश कीजिए एक्सल नहीं हम लोग गूगल ड्राइव गूगल शीट्स के बारे में बातचीत करेंगे वो कैसे एक्सेस करना है क्या करना है मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा बट अभी के लिए जरा देखिए ये इस समय जो है मेरे सामने एक्सेल की एक प्रॉपर जो है वर्क बुक इस वर्ड को पकड़ लीजिए वर्क बुक ओपन है और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है बुक वन बुक वन ये बाय डिफॉल्ट जो है नाम होता है बुक वन राइट सो यहाँ पे बुक वन इस समय लिखा हुआ है हम पूरा इस ये जो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं और सुपर बेसिक्स के हिसाब चले, से चलेंगे बिल्कुल ऐसा मान के कि आपको कुछ भी नहीं आता है देन मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पे एक मेरा नाम लिखा हुआ है मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे जो है लॉग इन कर रखा है देन गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है हम इस पर आएंगे देन यहाँ पर मिनिमाइज़ का ऑप्शन है यहाँ पर सर आप इसको मैक्सीमाइज़ कर सकते हैं रीस्टोर डाउन कर सकते हैं या फिर जब ये रीस्टोर डाउन होगा तो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं ओके okay? एंड फिर यहाँ पर को क्रॉस है देखिए मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बटन आ रहा है मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ ओके okay? यहाँ से आपकी जो एक्सेल की बुक वन है वो बंद हो जाएगी सो so ये कुछ ऑप्शन है शेयर के ऑप्शन नए हैं कुछ क्लाउड शेयरिंग वगैरह के लिए या आप किसी के साथ लिंक शेयर करना चाहते हैं उसके लिए थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन है अभी हम इसमें नहीं जाएंगे सो राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है बुक का नाम क्लियर हो गया है यहाँ पे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ये जो पूरा का पूरा जगह में पूरी ये जितना मैंने सिलेक्शन किया एरिया का दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार करंटली यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं ये एक सेव का ऑप्शन है ये अंडू का ऑप्शन है और ये रीडू का ऑप्शन है सब पे बात करेंगे क्या होती है और यहाँ पे ये यह जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये आप जो है पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको रखनी है और क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि नाम से ही क्लियर है बिल्कुल कि आपको यहाँ पे जो आपके फेवरेट कमांड्स हैं फेवरेट चीज़ें हैं वो यहाँ है पे आपको रखनी है जिसको आप बहुत आसानी से यूज़ कर पाएँ राइट सो so, ये स्ट्रक्चर अपना कम्प्लीट ये स्ट्रक्चर हमारा कम्प्लीट अब अब आपको मैं दिखाता हूँ ये फाइल राइट फाइल पर मुझे क्लिक नहीं करना था होम इंसर्ट पेज लेआउट नाउ दीज आर टैब्स इनको हम क्या बोलते हैं टैब्स राइट right? और हर टैब के अंदर हर टैब के अंदर जैसे कि मैं होम टैब में गया दीज आर ग्रुप्स ये देखिए दिस इज ग्रुप ऑफ क्लिप फिर दिस इज ग्रुप ऑफ फॉन्ट आजा भाई लो और आप देखेंगे कि हर ग्रुप जो है इस तरह की एक लाइन से हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है ओके सो so इस तरीके से हमारे पास सर क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पे एक बार रिवीजन जल्दी से ये हमारी बुक का नाम है वर्कबुक का नाम है और यहाँ पे मेरा अकाउंट आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास रिबन ऑप्शंस हैं और इसके बाद ये एक्सेल की जो जो ऐप है उसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज री और क्लोज करने का ऑप्शन है शेयर का ऑप्शन थोड़ा एडवांस्ड वो अगर आप किसी से फाइल का लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वो उसके लिए है बेसिकली क्लाउड पे अगर आप काम कर रहे हैं एनीवेज तो इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे समय लगा तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं टैब्स टैब्स के अंदर आते हैं ग्रुप ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर एक लाइन से जो है वो डिवाइडेड होते हैं अच्छा जी चलिए अब ज़रा चलते हैं यहाँ पर इसे हम क्या बुलाएंगे इसको हम लोग बुलाते हैं गाइज़ आपका नेम बॉक्स राइट नेम बॉक्स का क्या क्या चक्कर है जिस भी सेल पे आप होंगे उसका नेम आपको यहाँ पे नजर आएगा देखिए ये सेल कैसे बनाए मैं इसमें भी आपसे चर्चा करूंगा फॉर एग्जांपल मैं इस समय हूँ डी सिक्स पे हाँ जी D6 पे D6 कैसे बना इस पर भी मैं आऊँगा तो नेम बॉक्स में क्या लिखा रहा है D6 सिक्स इवन आप नेम बॉक्स में भी किसी सेल का नाम डाल के उसे सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने A5 किया और मैंने एंटर कर दिया तो आप देखिए यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो चुका है मामला आपका जो सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है अच्छा तो ये हो गया नेम बॉक्स ये है फॉमूला बार इस पर हम लोग आएंगे काफ़ी डिटेल में चर्चा होंगी बट पहले आप इन चीज़ों के नाम पता कर लीजिए दिस इज़ फॉमूला बार यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सल के कॉलम्स हैं राइट दिस इज़ कॉलम ए दिस इज़ कॉलम ई राइट और कॉलम्स जो हैं वो आपके ए बी सी डी ई यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसके थ्रू चलता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज ये एक्सेल की रोज हैं और रोज जो हैं वो हमेशा नंबर से चलती हैं ये देखिए राइट right? और जैसा कि मैंने सेल बोला था जहाँ पर सेल जहाँ पर आपका कॉलम और रो इंटरसेक्ट करें जहाँ पर आपका कॉलम और रो इंटरसेकट करे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आप पे आपको करके दिखाता हूँ ये देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये इस समय जो है मैंने डी नाइन सेलेक्ट कर रखा है नेम बॉक्स में भी यहाँ पे लिखा आ गया राइट अच्छा जी तो ये तो आपकी बात हो गई कॉलम की और कॉलम्स ऐसे आपके चले गए ये दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज राइट अच्छा कॉलम और रो के बाद मैं आपसे और कुछ बात करता हूँ आप इधर देखिए जरा नीचे एक्सेल में इस समय यहाँ पे आप देखिए लिखा रहा है शीट वन सो अगर आप ऊपर देखें तो लिखा रहा था बुक वन ये बुक वन यानी कि एक बड़ा फोल्डर और उस फोल्डर के अंदर जो है हम शीट्स लगा सकते हैं शीट्स हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं वेरी इजी यहाँ पे जो आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है इस प्लस के बटन को क्लिक करके हम लोग गाइज जो है शीट अपनी इंसर्ट भी कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहे आप शीट्स इंसर्ट कर दे जाइए एज सच कोई ऑब्वियसली एक लिमिट तो ज़रूर होगी लेकिन ऐसा नहीं कि बस दो चार शीट में खत्म हो जाएगी राइट right? सो so अभी शीट्स को आप इंसर्ट करने के बाद अगर डिलीट करना चाहते हैं मैं अभी की बोर्ड शॉर्टकट्स पर नहीं जा रहा हूँ राइट क्लिक कर सकते हैं राइट क्लिक करते ही डिलीट का ऑप्शन आएगा देन इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और तीन शीट्स में रहने देता हूँ शीट्स एक वर्कबुक का ही हिस्सा है वर्कबुक में आपके जितनी मर्जी आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं इन शीट्स को आपस में इंटरलिंक भी कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे और शीट्स का आप जो है नाम भी रख सकते हैं नाम कैसे रख सकते हैं ऑप्शन वन शीट वन पे हूँ मैं हूँ मैंने डबल क्लिक किया मुझे नेम लिखने का जो है ऑप्शन मिल गया फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एक्सल बेसिक्स वन राइट ऑप्शन टू आप राइट right क्लिक करके जो है रीनेम पे जा सकते हैं ओके okay. तो इस तरीके से आप शीट्स के साथ थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं नाउ कमिंग हेयर ये जो आपको नीचे छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं जो भी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये है एक्सेल का जूम बार बोल लीजिए जो भी आप बोलना चाहेंगे देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ अभी ये हंड्रेड परसेंट पे मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊँगा आप देखिए जूम होता जा रहा है और ये जूम आउट हो गया एक इसका कीबोर्ड के साथ भी आप कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके माउस के व्हील को अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे ये जूम इन हो जाएगा नीचे की तरफ ले आएंगे ये जूम आउट हो जाएगा ओके राइट और भी कुछ चीजें हैं उन्हें बाद में देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके काम आने वाली चीजें आपको पता है जब मैं टैब बोलूँगा तो आपने यहाँ पे कहीं जाना है राइट जब मैं ग्रुप बोलूंगा तो आपने इन इनमें से किसी ना किसी ग्रुप में जाना है राइट जब मैं बोलूंगा क्विक एक्सेस टूल बार वो ये रहा कॉलम ये रहा रो ये रही कोई पर्टिकुलर सेल ये रहा राइट right. इसके बाद आपके पास यहाँ पे रिबन के ऑप्शंस हैं, रिबन क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी रिबन कैसे आपने यूज़ करना है और ये सब बेसिक ऑप्शंस है जो ऑलमोस्ट हर ऐप में हर सॉफ्टवेयर में होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है या जो कोई भी और वेंडर बनाता है वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ओके okay. लीजिए अब यहां पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है और इंपॉर्टेंट बात क्या है वो है हमारे पास कर्सर को लेके बोलिए किसको लेके कर्सर को लेके ले तो जब भी आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं आप देखिए एक ये बैंडेड जैसा जो है इस समय कर्सर आपको नजर आ रहा होगा मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं यहां से जाके ताकि आपको वो चीज थोड़ी बड़ी बड़ी करके दिखा पाऊं लीजिए तो ये देखिए इसे बोलते हैं सिलेक्शन कर्सर इसे आप जिस भी सेल पर रखेंगे वो सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है राइट सो दिस इज फर्स्ट कर्सर एक होता है मूव कर्सर ये देखिए जैसे मैं बिल्कुल एज पे लाता हूँ तो ये चौथ शूल वाला मूव कर्सर जो है हमारे पास आ जाता है और जब को करता हूं, तो सेल राइट अब मैंने क्या किया ये तो हो गया जैसे मैं देखिए मैंने इस सेलेक्ट किया। नेम बॉक्स में इसका नाम लिखा रहा है सी थ्री और यहां पे फॉर्मूला में जो भी आपका सेल का कंटेंट होता है फॉर्मूला बार में वो यहां पे लिखा जाता है ओके ठीक है अब देखिए मैं यहां पे लाया मूव कर्सर उठाया मैं इसको उठा के मैं ऐसे ले गया एक्स लाइन वन वहाँ पर मूव हो गया इसको उठा के मैं नीचे ले गया एक्स लाइन वन यहाँ पर मूव हो गया तो दिस इज़ मूव कर्सर राइट और एक और ख़ास करसर है हमारे पास वो है फिल करसर फिल करसर कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ देखिए आपको जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है उस सेल के आप राइट एंड डाउन कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्वायर जो नज़र आ रहा होगा इस छोटे से स्क्वायर को आपने जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये वाइट बैंडेड की जगह एक ब्लैक क्रॉस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा देखिए ये देखिए ये देखिए और इसको बोलते हैं फिल करसर इसका बहुत ही मैजिकल यूज है एक्सेल के अंदर ये सेल्स को फिल करने के लिए यूज होता है सेल्स को फिल ये सेम डेटा से भी कर सकता है या सीरीज से भी कर सकता है सेम डेटा से मैं अभी आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी अब देखिए सीरीज से कर रहा करा क्योंकि मैंने एक्सेल 91 लिखा था तो यहाँ यह पर एक्सेल 92, 93 नाइन्टी लगाता जा रहा है अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूँ मैं सिर्फ एक्सेल लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर देखिए आया मैंने ब्लैक अपना क्रॉस पकड़ा और मैं नीचे ले गया देखिए फिल हो रहा है जहाँ जहाँ मैं इसको ले जाऊँगा वहाँ वहाँ ये इसको जो है वो फिल करता हुआ चला जाएगा राइट right. एनीवेज इस कर्सर की हम काफ़ी सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाद में सीखेंगे लेकिन आपको ये तीन तरह के कर्सर जो हैं बिल्कुल पता होने चाहिए सिलेक्ट कर्सर उसके बाद हमारा मूव कर्सर और उसके बाद हमारा फिल कर्सर ओके okay, अब जरा छोटी सी हम सेल की मूवमेंट देख लेते हैं देखिए मैंने अपना ये जो सेल है सेलेक्ट कर लिया सेल मैंने सेलेक्ट किया B2 अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ मूव कैसे कर सकता हूँ देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सल नाइन वन और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये बाय डिफॉल्ट एंटर से आपको नीचे वाले सेल में लेता जाएगा अब जब जब एंटर प्रेस करते जाएंगे आप राइट एंड वाले सेल में जो है मूव करना चाहते हैं तो आप टैप प्रेस करेंगे राइट नीचे वाले सेल में एंटर और राइट वाले राइट हैंड वाले सेल में आप जाना चाहते हैं तो आप टैब प्रेस करेंगे अब आप क्या करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आई वॉन्ट टू लर्न एक्सेल राइट जैसे ही आपने लिखा अब आप चाहते हैं कि मैं इस सेल पे इस सेल को ही सेलेक्ट करूं मैं एंटर मारूं और यही सेल सेलेक्ट हो तो वो होगा ही नहीं जैसे आप एंटर करेंगे नीचे चला जाएगा आप टैब दबाएंगे वो राइट में चला जाएगा तो आपने क्या करना है आपने जैसे किसी किसी भी सेल में कुछ लिखा दिस इज सेल आप चाहते हो यही सेल सिलेक्ट हो जाए तो एंटर मत प्रेस कीजिए कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए और इस समय वही सेल जो है वो सिलेक्टेड रहेगा इसका यूज कहाँ पे हो सकता है जब आप इसी सेल से बाकी डेटा को फिल करना चाहते हैं तो पहले आप एंटर करेंगे वो नीचे चला जाएगा फिर आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे फिर आप फिल करेंगे तीन स्टेप हो गए लेकिन अगर आप सर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो सीधा 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 वो बिल्कुल कहाँ जाने वाला है वो बिल्कुल चला जाएगा आपके उसी सेल को सिलेक्ट कर लेगा जिस सेल में आप लिख रहे थे आप काम कर रहे थे अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी टिप मैं आपको और देता हूँ और इसी तरह से जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे देखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको टिप्स देता जाऊँगा अब छोटी सी टिप गाइज ये है कि आप ये देखिए कि ये सेल की विथ इस कॉलम की विथ अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा डेटा जो है वो तो बाहर जा रहा है भाई इससे यहाँ भी बाहर जा रहा है हमारे पास बहुत सारे तरीक़े हैं इसको केटर करने के सबसे बेस्ट अभी के लिए जो तरीका है आप जाइए और जहाँ पे कॉलम की विथ खत्म हो रही है उस पर जाके डबल क्लिक कीजिए डबल क्लिक ये लीजिए और जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया गाइज ये देखिए विथ यहां पर बता रहा है कितना हो गई है और उसने अपने आप अप क्या किया इस कॉलम में जो सबसे ज्यादा विथ वाला आइटम था उसकी विथ पकड़ ली इस कॉलम में जो सबसे ज्यादा विथ वाला आइटम था उसकी विथ पकड़ ली फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो लव एक्सेल वेरी मच अब देखिए अभी बाहर जा रहा है मैं डबल क्लिक करूंगा अब ये इसकी विट पकड़ लेगा राइट तो ये छोटी छोटी चीज़ें सर कभी कभी जो है सीखने में बहुत टाइम लगता है एंड आई होप मैं आपको जो है सिखा पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें अब हम इस फाइल को जल्दी से सेव करना भी सीख लेते हैं इस, इस वर्क बुक को तो यहाँ पे अभी तक बुक वन लिखा आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कैसे जो है इसको सेव कर सकते हैं हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे एक ऑप्शन था ये जो फाइल की तरह बना हुआ है सेव इसको हम सेव आइकन बोलते हैं मैं इसको प्रेस करके से सेव कर सकता हूँ नहीं तो की शॉर्टकट मैं यूज़ कर सकता हूँ और कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है कंट्रोल एस जैसे मैं कंट्रोल एस दगाऊँगा वो मेरे को ऑप्शन दे रहा है सेव एज़ और अभी मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा सेव एज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप अलग अलग फोल्डर्स में जाके जो है इसको सेव कर सकते हैं राइट फॉर एग्जांपल मैं चला गया डॉक्यूमेंट्स में अब डॉक्यूमेंट्स में जाते मुझे और बहुत सारे जो फोल्डर्स हैं वो नजर आने लग जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स मैं कहाँ पर जो है सेव करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स में गया कि एक्सेल नाइन्टी वन कोर्सेज में बेसिक्स में और बेसिक्स मैंने यहाँ पर फाइल का एक बना रखा है और यहाँ पर मैं इसको एक नाम दे देता हूँ एक्सेल नाइन वन बेसिक बेसिक्स राइट और यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे सेव एज टाइप इसके अंदर भी हम डिटेल में नहीं जाते बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास मिल सकती हैं बट आप इसको बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक ही रहने देंगे और एक्सेल वर्कबुक का जो फॉर्मेट होता है वो होता है डॉट एक्स एल एस एक्स डॉट एक्स एल एस एक्स बेसिकली जिसे एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं वर्ड में होता है डॉट डी ओ सी एक्स पावर पॉइंट में होता है डॉट पी पी टी एक्स राइट तो अब जाके हम इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं सेव और देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वर्कबुक का नाम जो है वो भाइयों बदल चुका है राइट right? अच्छा जी ठीक है अभी हमने बिल्कुल एकदम जो स्टेप वन था वो ले लिया है हमें काफी काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से बेसिक्स की जो है वो पता चल गई हैं अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे वीडियो को और काफ़ी धीरे 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 हम लोग जो है डिटेल्स में एंटर करना शुरू कर देंगे चलिए अब थोड़ी सी बात जो है वो नेविगेशन की कर लेते हैं कि आप एक्सेल में कैसे जो है ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हो सकते हैं तो देखिए सबसे आसान तरीका तो है अब जिस भी सेल में है आपने सिलेक्शन कर सर वहाँ पर रखा उसके बाद आप डाउन एरो अप एरो राइट एरो लेफ्ट एरो दबा सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन और भी है पेज अप और पेज डाउन का ये देखिए मैं जैसे ही पेज डाउन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट अभी मैं एक कॉलम में हूँ बी वन जिस एक्सेल में हूँ जिसका नाम है बी वन अब देखिए मैं पेज डाउन दबाता हूँ ये मुझे सीधा बी ट्वेल्व में ले गया बी ट्वेंटी थ्री में ले गया बी थर्टी फोर में ले गया बी फोर्टी फाइव में ले गया सो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ राइट अब मैं सबसे ऊपर आ गया और अगर मैं आपको यही बताऊँ कि मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर पेज डाउन दबाता हूँ कंट्रोल प्रेस करके मैंने पेज डाउन दबाया या पेज अप दबाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंज आप फील कर पा रहे हैं आपने देखा होगा कि मित्रों यहाँ पे ये इस एरिया में जो है चेंजेस हो रहे थे बेसिकली मैं शीट्स के बीच में जो है नेविगेट कर रहा था राइट right? तो जब मैं कंट्रोल जब पेज डाउन करता हूँ तो मैं किसके बीच में नेविगेट करना शुरू कर देता हूँ शीट्स के बीच में एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा उसी एरिया पे कंट्रोल पेज पेजअप मैं शीट टू पे आ गया कंट्रोल पेज पेजप मैं एक्सेल बेसिक्स वन की शीट पे आ गया ऐसी कंट्रोल पेज डाउन करता जाऊँगा तो मैं डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पर जो है वो जाता चला जाऊँगा अच्छा एनी अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं नेविगेशन की आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं ये सिलेक्शन के लिए है मैं शिफ्ट दबा के इस समय जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं भी शिफ्ट दबा के राइट right साइड जा रहा हूँ शिफ्ट दबा के डाउन जा रहा हूँ तो इससे जो आप एक एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं राइट right. अच्छा जी अब मैं पेजअप पेज डाउन मैंने आपको ही दिया है और अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट right की दबा देता हूँ तो आपने देखा क्या हुआ ध्यान से देखिए फिर से अब मैंने कंट्रोल के साथ अब दबाया अब मैं कंट्रोल दबा के राइट की दबा रहा हूँ राइट एरो की तो आपको एक्सल के आखिरी कॉलम पे जो है वो पहुँचा दिया गया और ये है एक्सल का आखिरी कॉलम एक्सल 2016 इसमें चल रहा है अब यही काम मैं करूँगा क्या करके कंट्रोल के साथ मैं डाउन एरो जो है दबाऊँगा लीजिए सर आप पहुंच गए हैं सबसे नीचे वाली रो पे देख लीजिए और कितने नंबर ऑफ रोज आ रही हैं लगभग सर ये दस लाख से भी जो है ऊपर जा रही हैं राइट ओके सो वन मिलियन से ज़्यादा सर आपके पास जो है रोज यहाँ पे अवेलेबल हैं सो दिस इज़ हाउ नेविगेशन वर्कस आपको सर अपनी एरो कीज पे ध्यान रखना है पेज अप पेज डाउन पे ध्यान रखना है कंट्रोल पेज अप कंट्रोल डाउन कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन से आप लोग शीट्स के बीच में जो है वो नेविगेट करते हैं और आप सर अगर कंट्रोल के साथ एरोज दबा देंगे कंट्रोल के साथ अगर आप एरोज दबा देंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम्स में पहुंच जाएंगे जैसे कि मैं इस समय आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको कभी भी शीट के फर्स्ट सेल पे पहुंचना हो तो आप एक काम करिए आप जिस भी सेल में हो आप सबसे पहले कंट्रोल अप दबाइए और फिर कंट्रोल लेफ़्ट एरो दबा दीजिए आप ए वन में पहुंच जाएंगे राइट right? अगर आपकी वर्कशीट में बहुत सारा डेटा है शीट में बहुत सारा डेटा है तो आप यहाँ से ज़ूम इन जूम आउट करके जो है काम कर सकते हैं और डेटा को जो है अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं इस जूम इन जूम आउट के बारे में मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो दिया था ये रहा वो कर्सर जिससे आप जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं राइट right? सो so ये बहुत बड़ी बड़ी जब शीट्स बन जाती हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है सारे डेटा को एक साथ देखने में तो उस जगह पर जो है ये चीज़ यूज़ होती है नीडलेस टू से आप लोगों को आ, मैंने पहले बताया ही था कि आप लोग जो है माउस के व्हील से भी जू, जूम इन जूम आउट जो है कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं इवन आप लोग सर एक तरीका और है आपके पास नेविगेट करने का इधर से उधर जाने का ये है सर वो नेम बॉक्स नेम बॉक्स में आप जिसका भी नाम रखेंगे वहाँ से सर आप जो है आसानी से नेविगेट कर पाएंगे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए फाइव तो ए फाइव में जैसे मैंने डाला और देखिए मुझे वो ए फाइव पर जो है लिया है मुझे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है मुझे अच्छा लग रहा तो मैं इसको जल्दी से क्रिया कर दूंगा जूम कर दूंगा ओके अब बात करते हैं सर एक्सेल के कुछ कमाल की फीचर्स के बारे में ये जो एक्सेल का सर इवोल्यूशन हुआ है जो एक छोटे से सॉफ्टवेयर से एक बहुत ही जबरदस्त चीज बनता गया है उसके लिए सर बहुत मेन रोल निभाया है इस पोर्शन ने तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी फीचर्स जो हैं एक्सेल ने यहाँ पे दे दिए हैं सबसे पहले एक्सेल ने एक्सेल ने क्या बनाया टैब्स बनाए और टैब्स के नीचे आप लोगों के लिए ग्रुप्स बनाए गए और ये ग्रुप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा काम के हैं राइट right? और इन ग्रुप्स की अगर आप और डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा बटन दिखता है इसे बोलते हैं सर डायलॉग बॉक्स का बटन है डायलॉग बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए अपने फॉर्मेटिंग के लिए अपने फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए अपने जो टाइप टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए तो देखिए मैं यहाँ से जो है फॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट चूज कर सकता हूँ डिफरेंट साइज जो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ देन गाइज यहाँ पर एक बात और भी है कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये चीजें तो ठीक है लेकिन मैं और डिटेल में जाना चाहता हूं, तो जैसे मैं इसको प्रेस देखिए, ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वर्जन खुल गया इसी बॉक्स का इसका ही एक डिटेल्ड वर्जन है ये राइट यहां पे हमारे पास कम फीचर्स अवेलेबल थे यहां पे हमारे पास बहुत डिटेल में जो है फीचर्स अवेलेबल रहेंगे और आपने देखा हो कि यहां पे एक शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा था जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एफ़ तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एफ़ दबाएंगे आपका फॉर्मेटिंग का जो मेन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा राइट इस तरीके से, से आप देखते जाएंगे अलग अलग ग्रुप्स जो है यहाँ पे बने हुए हैं हर किसी के डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको अलग से दे रखा है अब आप ध्यान दीजिए जब मैंने इस पर क्लिक किया था इसको एक मिनट के लिए कैंसिल कर देता हूँ जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो यही डायलॉग बॉक्स खुला लेकिन फॉन्ट पे जाके राइट जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यही डायलॉग बॉक्स मिलेगा लेकिन कहाँ पे जाके अलाइनमेंट पे जाके तो अलाइनमेंट ग्रुप के लिए ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं बेसिक ऑप्शन जो है अलाइनमेंट के आपको यहाँ पे मिलेंगे लेकिन डिटेल ऑप्शन अगर आप अलाइनमेंट के जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएंगे और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा और ये सारे फीचर्स जो हैं आपके सामने फिर रहने वाले हैं अब इसमें से रिबन के साथ और क्या क्या फ़ायदे हुए मैं आपको दिखा देता हूँ आप जो है सर इसमें से चीज़ों को जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और एक बहुत ही जादुई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल सर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक मैंने किया है राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कस्टमाइज रिबन का जो है ऑप्शन आ गया यहाँ पर आपको इस समय जो सारे टैब्स विजिबल हैं वो दिखाई दे रहे हैं देखिए जैसे इंसर्ट है पेज लेआउट है फॉमूला है डेटा है रिव्यू है ये डेवलप वाला टैप जो अभी हमने ऐड नहीं कर रखा हम चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं राइट और अब किस टैप के अंदर कौन कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ होम टैब के अंदर मैंने जैसे क्लिक किया तो होम टैब के अंदर मुझे नज़र आ रहा है क्लिप आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान लगाइए जरा दिस इज़ क्लिप बोर्ड और वो यहाँ पे जो है क्लियरली लिखा हुआ है राइट right? अच्छा जी फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल एडिटिंग आप इसमें से कुछ भी जो है प्लस कर सकते हैं कुछ भी जो है माइनस कर सकते हैं इतना ही नहीं आप चाहें तो अपना खुद का जो है वो टैब आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं राइट सो अब इसके अंदर मेरे एक न्यू ग्रुप करने न्यू ग्रुप ऐड करने की कोशिश करी न्यू टैब जो है वो ऐड करने की कोशिश करी मैंने इसका रीनेम कर दिया मैंने इसको मैंने नाम लिख दिया नीरज फेवरेट राइट या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार्टड अकाउंटेंट चार्टड अकाउंटेंस का कोर्स करें कोई भी कोर्स करें और आपको ऑडिट के लिए जो है बहुत जरूरत पड़ती है तो आपने इसका नाम रख दिया ऑडिट राइट आप इसके अंदर फिर जो है न्यू ग्रुप बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कुछ टूल्स जो हैं वो सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप इसके अंदर न्यू ग्रुप का जो है रीनेम कर देंगे और इसके लिए कोई आइकन भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आइकन चूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया सैम्पलिंग अब अपने फेवरेट टूल्स जो आप सैम्पलिंग करते समय यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल वो इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं राइट right? कैसे डालेंगे अपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रखा है आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे ऐड वाला बटन जो है दबा दिया राइट फिर आपने फॉर्मेट सेल्स को सेलेक्ट किया फिर ऐड वाला मैंने ऐसे कुछ भी चीज़ें जो है इसके अंदर डालता जा रहा हूँ ठीक है जी अब जैसे मैं इसको ओके okay करता हूँ देखिए क्या कमाल हो जाएगा ऊपस ये देखिए हाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑडिट का टैब जो अलग से आ गया और जैसे मैं ऑडिट के टैब के अंदर जो है क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि ऑडिट के टैब के अंदर मेरा एक ग्रुप भी आ गया जिसका नाम रखा हुआ है सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के साथ साथ मेरे पास मेरी फेवरेट चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मेरे फेवरेट कमांड्स जो मुझे चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए तो ये एक बहुत ही यूज़फुल हैक है जिन फंक्शंस को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने नाम के साथ या आप जिस भी काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप एक टैब बना के अच्छा सा ग्रुप बना के जो है उसको अपने पास रख सकते हैं ताकि वो आपको समय समय पर जो है काम आते रहें और आपका जो काम है ज़्यादा एफिशियटली और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए जिस तरीके से हमने टैब्स को कस्टमाइज़ करके देखा उस तरीके से हम लोग अपना क्विक बार जो है उसको भी हम लोग जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं और वहां पे जो है आपके पास एक और ऑप्शन भी है शो क्विक बार टूल बार बिलो द रिबन यानी कि जो आपका रिबन है रिबन पहले समझ लेते हैं ये पूरा का पूरा जो आपका रिबन है आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो है करंटली यहां पे है जब आप इसको रिबन के नीचे कर देंगे तो ऑब्वियसली वो इस जगह पे कहीं पहन लग जाएगा बट मैं चाहूंगा कि वो ऊपर ही रहे क्योंकि ऊपर जब वो रहता है तो मुझे थोड़ा स्पेस जो है ज़्यादा मिल जाता है काम करने के लिए ना हो यहाँ सर आप एक फीचर देख रहे होंगे कस्टमाइज अ क्विक एक्सेस टूल बार अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं तो जैसे ही मैं किसी भी टैपे जाकर राइट क्लिक करता हूं मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको यह बताता है कि भाई क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या डालना चाहते हो अभी आप करंटली देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं सेव अंडू रीडू डू वो तीन चीज़ें यहाँ पे सेव अंडू रीडू डू आप जो भी फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन में भी कस्टमाइजेशन है कि आप जो फीचर्स एड कर रहे हैं या आप सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्क बुक के लिए करना चाहते हैं या फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी खोलेंगे उसके लिए करना चाहते हैं राइट सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है एक कॉपी का फीचर मान लेते हैं मैं बहुत यूज़ करता हूँ मैंने कर दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर अब ये सब क्या होते हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये फीचर बहुत यूज़ करता हूँ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने इसको कर दिया ओके अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी और फॉर्मेट पेंटर जो है अलग से आ गए हैं और अब जब भी मुझे कुछ करना होगा तो समय कॉपी और फॉर्मेट पेंटर वाला फीचर जो है कहीं पे ढूंढे बिना अपने कोई एक्सेस टूल बार से जो है यूज़ कर सकता हूँ और वो भी हर डॉक्यूमेंट में क्योंकि मैंने वहाँ पे वही ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर रखा था अब मैं आपको एक खास चीज़ और सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर और वो जो है आपको बहुत 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 ज़्यादा जो है वो काम आने वाली है क्या है वो चीज़ वो चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों हो कि भाई आप एक्सेल खुद भी जो है थोड़ा बहुत सीख सकते हैं बस आपको एक बटन प्रेस करना कराना चाहिए ऑल्ट राइट कौन सा बटन जल्दी से बता दीजिए ऑल्ट तो जैसे आप ऑल्ट बटन दबाते हैं देखिए क्या हो रहा है मैंने ऑल्ट दबाया और यहाँ पर आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी आने लगी जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव एफ एच फाइव वन एन पी एम ए आर डब्ल्यू वाई टू ये सब चीज़ें क्या हैं ये सब चीज़ें सर आपको इशारा कर रही हैं कि अगर आप ऑल्ट के साथ ये बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है चल जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑल्ट के साथ एफ़ प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ मैंने एफ़ प्रेस किया तो यहाँ पे फाइल मतलब मैंने ऑल्ट प्रेस करने के बाद एफ प्रेस करूँगा मैं जब मैं ऑल्ट प्रेस कर हूँ ओके ठीक है हाँ जी मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मैंने उसको एफ़ प्रेस किया तो देखिए ये खुल गया और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है सारी चीज़ें एज़ इट इज़ जो हैं लिखी आ रही हैं कि कौन से बटन से आप क्या कर सकते हैं राइट फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई चीज़ नई कोई मैं नई फ़ाइल खोलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा पहले मैं इसको एक स्कीप कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने होम पे वापस मैंने अपनी वाली वर्कशीट खोल रखी थी मैंने फिर से ऑल्ट प्रेस किया मैंने एफ़ प्रेस किया और मैंने एन प्रेस कर दिया तो तभी मुझे सर न्यू फाइल खोलने का एक शॉर्टकट पता चल गया अब न्यू में भी सर आप सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट में और क्या क्या आपके फीचर हैं ब्लैंक वर्कबुक के लिए आप एल दबा दीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एल प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरी एक और ब्लैंक वर्क बुक जो है वो खुल के तैयार हो गई तो इस तरीके से जो है आप खुद भी बैठ के ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सेल के और ऐसी ही बहुत सारी और चीजें और बहुत बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको एक्सेल के यहाँ पर बताता रहूंगा पावर पॉइंट का जैसे मैंने आपको कोर्स बताया हमारी ऐप पर अवेलेबल है एड यू नाइनटी वन पे जाके पावर पॉइंट के कोर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सेल मेरे साथ बैठ के जो है यहाँ पर सीखते रहिए राइट गाइज सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक्सेल में एक्सेल के अंदर डेटा किस किस फॉर्मेट में आ सकता है और हाँ आप लोगों के लिए सर एक

और अब मैं प्रेस कर दिया मैंने डिलीट तो सब कुछ अब डिलीट हो चुका है राइट तो मैं क्या करता हूँ मैं एक शीट बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें लिखता हूँ नेम और उप ये पेज अब जो है ना मेरे लैपटॉप का बहुत छोटा सा है तो इससे प्रेस हो जाता है नेम और मैंने यहाँ पर लिख दिया एज नेम मैंने सबसे पहले लिख लिखा अपना नाम फॉर एग्जाम्पल नीरज और दिस इज टेक्स्ट फॉर्मैट और अब मैं एज में जाके लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपनी एज दिस इज नंबर राइट अब इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको कैसे मॉडिफाई करते हैं कैसे फॉर्मेट करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल मैं सर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सब्सक्राइबर्स और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइव थाउजेंड तो सब्सक्राइबर्स जो है वो टेक्स्ट फॉर्म हो गया और फाइव थाउजेंड जो है वो नंबर फॉर्म हो गया और ये फाइव थाउजेंड जो है आपका आपका टारगेट भी है हमने बहुत सोचा कि कितने सब्सक्राइबर्स में नेक्स्ट वीडियो डालें तो भाई मेरी जो टाइम जो मुझे अलाउ कर रहा है आप लोगों को से सिखाने का वो है सर 5000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही सर 5000 हजार सब्सक्राइबर बड़ा करेंगे एक एक्सेल का वीडियो जो है आपके पास आ जाए करेगा एनीवेज अब सर आगे बढ़ते हैं इस डेटा के साथ तो हम सब बेसिकली टेक्स्ट और नंबर्स के थ्रू एक्सेल में जितना मर्जी चाहे खेल सकते हैं फिर आगे जाके सर हमारे पास इतने फॉर्मेटिंग ऑप्शन होंगे हम उनको किसी में भी जो है फॉर्मेट कर सकते हैं और उससे अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं अच्छा बना सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग कैन बी डन बस याद रखिए दो ही बेसिक फॉर्मेट टेक्स एंड नंबर्स पिक्चर्स भी आ सकती हैं वो लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे कैसे पिक्चर्स आती हैं उसका जरूरत कितनी पड़ती है उसका क्या यूज केस होता है वो हम जरूर 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 देखेंगे अब आपने जो है बस एक बात ध्यान रखनी है कि भाई डेटा डे, डालना और डेटा डिलीट करना आपको आना चाहिए तो डेटा इंसर्टिंग तो बहुत आसान है सेल को सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको टेक्स्ट या नंबर आपके पास है आप उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए तो डेटा इसके अंदर आ जाएगा नाउ लेट्स डू समथिंग फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो तीन लोगों के लिए जो है और डेटा लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा Uh, पूजा और पूजा की भी एज में यहाँ पे लिख देता हूँ असली एज जो है मैं उसके लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए अराउंड सिक्सटी फाइव ईयर्स एंड देन हमारे पास है वृंदा वृंदा की भी असली एज में यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप उनको बाद में मिलकर उनको बता पाए फिफ्टी सिक्स राइट तो वृंदा इज़ जूनियर टू पूजा अब मुझे सारा डेटा जो है एकदम से डिलीट करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है मुझे एक सेल का डेटा डिलीट करना है मुझे इस पूरी रेंज का रेंज मीन्स इस पूरी सिलेक्शन का मुझे जो है डेटा डिलीट करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको डेटा डिलीट करने की सिखाऊंगा और एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो डेटा डिलीट करते समय होती है वो

फाइव थाउजेंड तो डिलीट हो गया लेकिन येलो जो है वो डिलीट नहीं हुआ चलिए उस पर वापस आएंगे और देखेंगे सर उसको कैसे डिलीट करना है बट अभी के लिए आप देख रहे हैं मेरे पास सबसे आसान जो ऑप्शन है मैं कंट्रोल जेड करके अपना डेटा वापस ला रहा हूँ कंट्रोल जेड इज अंडू राइट सबसे आसान जो ऑप्शन है गाइज मेरे पास वो है कि किसी भी सेल को सिलेक्ट करूँ और उस पर जाकर मैं डिलीट बटन जो है वो प्रेस कर दूँ राइट right? मैं पूरी रेंज को अगर सेलेक्ट कर लूँ यानी कि मैं कुछ सिलेक्शन बना लूँ कि मैंने ये इसको जो है डिलीट करना है वहां पर जाकर फिर मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो फिर से सब कुछ डिलीट हो गया फिर भी ये येलो येलो डर्टी येलो जो है ये डिलीट नहीं हो रहा है ओके सो so, ये तो मैंने आपको एक डिलीट बटन के यूज से डेटा डिलीट करना सिखा दिया अब दूसरा थोड़ा घूम फिर के जाना है तो भाई देखिए सेल को सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे डिलीट का पक्की बात है आपने सर वो डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है कामयाब हो जाना है राइट तो चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ ये यह लीजिए यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ मैंने कर दिया इसको कहाँ गया कहाँ गया डिलीट राइट लीजिए सर एक बात मैं आपको और भी बताता हूँ इसमें फॉर एग्जाम्पल आप राइट क्लिक करते हैं राइट क्लिक करने के बाद आप डी दबाते हैं तो ये आपको फिर से डिलीट में ऑप्शन दे रहा है और इस बार जो आपको डिलीट का ऑप्शन दे रहा है आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो सेल्स डिलीट करना चाहते हो रो डिलीट करना चाहते हो कॉलम डिलीट करना चाहते हो वेटसाइट एट्सट्रा लेकिन अब सिंपली जाकर इस पर क्लिक कर देंगे तो भी सर आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा राइट सो so ये भी हमारे पास तरीके हैं कि आप डिलीट ऐसे भी कर सकते हैं अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ दो मिनट के लिए मैं इसकी फॉर्मेटिंग ओके कर देता हूँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है जो आपने पूरे करने हैं और लाइक like टारगेट भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ लाइव टारगेट क्या रहेगा आपके लिए लाइव टारगेट रहेगा आपके लिए 5000 नहीं इस वीडियो का लाइक टारगेट कम रखते हैं और मुझे उम्मीद है क्या पूरी कर देंगे लाइव टारगेट रखते हैं 2500 का राइट चलिए जी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक टारगेट ओके टेक्स्ट डाला नंबर डाला अब क्या करने वाला हूँ मैं अब मैंने इसको सर दोबारा हाईलाइट करना है और मैं यहाँ पे गया और नो no फिल मैंने सेलेक्ट कर लिया हाईलाइट में दोबारा आएंगे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा डेटा को दिखाने के लिए मैं अपने होम टैब में जा रहा हूँ ये देखिए दिस इज होम टैब और होम टैब के अंदर मेरे पास जो है फॉर्मेट का जो ग्रुप है उसके अंदर मैं गया और मैंने यहाँ पे देखा कि यार मैं अगर अच्छे से बॉर्डर्स बना दूँ बॉर्डर्स के लिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास होता है अगर मैं अच्छे से बॉर्डर बना दूँ यहाँ पे तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा मैंने डेटा को सेलेक्ट किया यहाँ से गया मैं बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जाके थिक बॉर्डर थिक आउटसाइड बॉर्डर्स या कोई भी एक अच्छा सा जो है बॉर्डर का और ऑल बॉर्डर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है सर डेटा मेरा राइट right. अब प्रॉब्लम क्या होगी अब मुझे सर गुस्सा आ रहा है मुझे टेबल डिलीट करनी मैंने सर रेन सेलेक्ट करी डिलीट प्रेस कर दिया हाय अल्लाह ये टेबल यहाँ से क्यों नहीं जा रही है तब भाई मचा के रख रखी है स्टेबल ने तो ये जा ही नहीं रही है और अगर ऐसा होता कि मैंने मान लेते हैं इन दोनों को जो है हाईलाइट कर रखा होता राइट right. इन दोनों को मैंने सेल को फिल कर रखा होता है इस कलर से येलो कलर से और मैं चाहता भाई ये डिलीट कर दूं डेटा मैं फिर से आके डिलीट दबाता और फिर से फ्रस्ट्रेशन मेरे हाथ लगती तो इसका भी एक तरीका है बिलीव मिसाइस इसका भी एक तरीका है कि आप अभी क्या हो रहा है अभी आपका कॉन्टेंट तो डिलीट हो रहा है मैं कंट्रोल जेड करके वापस आ गया जब आप सेलेक्ट करके डिलीट दबाते हैं आपका कॉन्टेंट डिलीट हो जाता है लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो डिलीट नहीं होती समझे कि नहीं समझे अब आइए मैं आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करना सिखाता हूँ तो जब आप फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ इस

ये तो वही हुआ जो पहले हो रहा था तो ये कंटेंट मतलब आपका सेल में जो भी डेटा था वो डिलीट हो गया क्लियर फॉर्मेट ये लो भाई अच्छा यार प्लीज मैं ऐसे मजे ले लेके पढ़ाता हूं तो आप लोग कुछ इसका गलत मतलब मत निकालिएगा और जज मत कीजिएगा यार अभी मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूं अभी ठीक है ना लीजिए तो आप ये देखिए कितने काम की चीजें यहां पर मैं वापस कंट्रोल सेट करता हूं अब मैं क्लियर ऑल अगर प्रेस कर दूंगा टन फॉर्मेटिंग भी गई और सर आपका कॉन्टेंट भी गया और मच गई है तबाही तबाही

एच प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहां पे क्लियर क्लियर शॉर्टकट क्या आ रहा है ई राइट सो अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं कि आप उसका कीबोर्ड बोर्ड शॉर्टकट कैसे करेंगे तो ऑल्ट दबाएंगे एच दबाएंगे ई e दबाएंगे और आपके पास फिर से मेन्यू खुल गया और ए दबा देंगे अब देखिए मैं आपको कीबोर्ड बोर्ड की मदद से करके दिखाता हूं स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको मैंने पहले डेटा सेलेक्ट कर लिया है ये मैंने माउस से किया है उसके बाद मैंने ऑल्ट दबाया है एच दबाया है ई e दबाया है और ए दबाया है लीजिए सर सो की बोर्ड के शॉर्टकट्स में जानबूझ के अपनी वीडियो में नहीं बताता क्योंकि ये अपने आप सेल्फ डिफाइंड है एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में बैठ जाएंगे अगर आपको ढूंढने हैं तो आपने सिंपली क्या करना है आपने सिंपली जहां पे भी हैं आप लोग अपनी शीट में आप और दबा के देखिए आपको सब कुछ जो है अपने आप बताने लग जाएगा आइए अब बात करते हैं सर हम लोग जल्दी से कि भाई हम लोग जो है डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं सेल्स के अंदर जा जाके राइट अच्छा गाइजिए एक बार मैं इस पर क्लैरिफिकेशन देखो रोना मत पांच सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं मेरे पास समय कम रहता है तो इसलिए अभी आप आपको जितने भी सब्सक्राइबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे जैसे ही उसमें 5000 थाउजें एड हो जाएंगे डेफिनेटली सर नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी अच्छा आओ अब मुझे सर एडिट करना है फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एज जो एडिट करना चाहता हूं so, आप देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन uh, क्या है मैं माउस ले गया मैंने माउस को सेलेक्ट किया अब मैं माउस को जैसे मैंने मैंने माउस से सेल सेलेक्ट किया अब मैं जो भी लिखूंगा वो इसके अंदर आ जाएगा राइट right? मेरी एज जैसे सिक्सटी नहीं है मैं अपनी असली एज आपको बता देता हूं ट्वेंटी सिंस लास्ट फोर ईयर्स ओके okay. चलिए सर तो यहाँ मैंने देखा कि सेल को एडिट करने का एक तरीका यह है दूसरा तरीका यह है कि सर आप सेल को एडिट करने के लिए यहां पे जो है जो भी लिखेंगे वो सेल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा सेल को सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सी हाउ तो यहां पे लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल ट्वेंटी सिक्स अब आप देखिए वहां पे 26 आ गया ओके okay, सो so या तो आप डायरेक्टली सेल पे क्लिक करके काम कर सकते हैं या फिर सर आप जो है यहाँ पे जो आपका फॉर्मुला बार होता है इसके अंदर जाके आप जो भी लिखेंगे वो आपके सेल में आ जाएगा नाउ इज अनदर वे आप क्या कर सकते हैं किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कीजिए और वहां पर जाने के बाद एफ प्रेस कर दीजिए मैं रिपीट कर देता हूं क्या प्रेस कर दीजिए एफ प्रेस कर दीजिए और जैसे मैंने आप एफ टू प्रेस किया आपने देखा कि वो सेल एडिटिंग मोड में चला गया और अब यहां पर जो भी लिखना चाहते हैं वो आप जो है लिख सकते हैं लीजिए सो वट यू कैन डू आप सेल को सिलेक्ट करके एंटर हिट करके सेल को सेलेक्ट करके सीधा टाइप करना शुरू कर सकते हैं या फिर आप सर फॉर्मूला बार में जो है लिख सकते हैं या फिर सर आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करके वहां पर जाके F2 जो है प्रेस कर सकते हैं दैट्स इट ओके हाँ अगर आप सेल पर जाके सीधा एंटर प्रेस कर देंगे तो वो आपको नेक्स्ट वाले सेल में लेता जाएगा इसलिए सेल पर जाकर आपको जो भी टाइप करना है जो भी एडिटिंग करनी है सीधे वो प्रेस कर दीजिए ओके okay. अच्छा जी और कोई तरीका है हमारे पास अभी तो सर इतना तरीका आपके लिए बहुत है अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप एक और तरीके से डेटा को जो है रिप्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा जो यहाँ पर रखा हुआ है आप चाहते हैं सर इस डेटा को यहाँ से यहाँ पहुँचाना तो आपके पास से आपको याद होगा एक मैंने मूव कर्सर के बारे में आपको बताया था एक सिलेक्शन कर्सर के बारे में बताया था और मैंने आपको एक फिल करसर के बारे में बताया था तो मैं यहाँ पर मूव कर्सर का यूज़ करूँगा और देखिए मैं इसको उठा के यहाँ ले गया अब वो मुझसे क्या बोल रहा है एक्सेल एक्सेल बोल रहा है बाबू पहले से ही वहाँ पर डेटा है क्या आप उसको रिप्लेस वा करना चाहते हैं मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई हाँ मैं उसको बिल्कुल 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 रिप्लेस करना चाहूंगा मैंने दबा दिया ओके लो भाई लो तो डेटा जो है रिप्लेस हो गया एक बार फिर से देखिए ये डेटा इस सेल में था मुझे इस इस, इस, इस डेटा को मुझे यहाँ पे ले जाना है तो मैं क्या करूँगा मैं इस पर मूव कर्सर लाऊंगा और मूव कर्सर के थ्रू देखिए मैं यहाँ पे आके उसको ड्रॉप कर दूंगा मुझसे प्रॉम्प्ट पूछेगा क्योंकि वहाँ पे पहले से डेटा है मैं ओके कर दूंगा और वहाँ पर डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा राइट आई होप कंट्रोल जेड आपको याद है कंट्रोल जेड इज अंडू ओके okay. तो देखिए हमें डेटा एंटर करना आ गया डेटा एडिट करना आ गया डेटा हमें डिलीट करना आ गया ये है कुछ बेसिक फंक्शंस जो आपको जरूर जरूर पता होने चाहिए और अभी तक यहां पे पहुंच गए और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम पापी हो पापी अभी और पढ़ाने वाला इस वीडियो में डोंट वेरी एट ऑल और अच्छे से सीखते जाइए क्योंकि भाई एक्सेल जो है ना आपको बनाएगा सुपर सुपर से भी ऊपर अच्छा जी चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे पास ओके okay, तो अब एडिटिंग को लेके दो तीन बातें और सीख लेते हैं फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे मेरा नाम है मेरी एज है मैं अपनी असली एज दोबारा डाल देता हूं यहाँ पे और आप जो है इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इनकी एज से राइट right? तो यहाँ पे लिखा आपने सानिया यहाँ पे लिखा आपने स्वीट 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 एटीन और आप चाहते हैं कि सर सानिया मेरी नाम मेरी नाम की जगह सानिया का नाम आ जाए और उसकी एज आ जाए तो आपने क्या करना है इन दोनों सेल को जो है आप सेलेक्ट करेंगे मूव कर्सर को जो है उठाएंगे और आप देखिए यहाँ पे लेके आ जाए फिर से ये पूछेगा क्या रिप्लेस कर दूं आप बोलेंगे यस तो ये रिप्लेस कर देगा यानी कि आप मल्टीपल सेल्स को भी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और मल्टीपल सेल्स को भी सर आप लोग जो है एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं दिस इज समथिंग अमेजिंग राइट अच्छा जी अब चलते सर आगे और आज की एक खास बात मैं आपको दिखाता हूं कोई भी डेटा है आप किसी भी सेल में कोई डेटा डालते फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर डाला मोदी जी अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया मैंने टाइप किया मोदी जी मैंने एंटर प्रेस कर दिया अगर मैं लिखता हूं मोदी जी और मैं एस्केप प्रेस कर देता हूं लेट मी टेल यू मैं क्या प्रेस कर देता हूं एस्केप प्रेस कर देता हूं मैंने एस्केप प्रेस किया उपस, कुछ भी नहीं हुआ ये तो ओके मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको मोदी और मैंने यहां पर सर जो है एस्केप प्रेस कर दिया आपने देखा ध्यान से अच्छा चलो मैं इस पर काम करता हूँ यहां पर राहुल लिखता हूँ राहुल राइट right. वो क्यों नहीं होता मैं बताता हूं राहुल लिखा मैंने और राहुल लिख के मैंने एस्केप प्रेस कर दिया ओह माय गॉड राहुल से भी मोदी जी आ रहे हैं ई कैसा जादुआ हो गया भैया फिर से देखिए राहुल लिखा एस्केप प्रेस कर दिया एस्केप का मतलब है जो आपने अभी डेटा फिल किया था वो सही नहीं है आप वही चाहते हैं जो सेल में पहले से था वही आए राइट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोदी अब मैंने एस्केप प्रेस किया तो देखिए ब्लैंक आ गया राइट क्योंकि पहले ये इनिशियली सेल ब्लैंक था एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया मोदी जी और अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सोनिया जी तो मैंने क्या क्या कि पहले एंटर प्रेस कर दिया अच्छा कैसे ये सेल में डेटा पक्का हो जाता है देखिए दो तीन तरीके हैं मैंने लिखा सोनिया जी सोनिया जी सारे पॉलिटिशियंस के नाम के आगे जी लगाना वैसे तो अच्छी बात नहीं बट कोई बात नहीं और उसके बाद मैंने जो है एंटर प्रेस कर दिया तो भी ये डेटा सेल के अंदर आ जाएगा मैंने कोई एरो की प्रेस कर दी तो भी ये डेटा सेल के अंदर आ जाएगा या मैंने बाहर जाके कहीं भी क्लिक कर दिया तो भी ये डेटा सेल के अंदर आ जाएगा देखिए सोनिया सोनिया जी एंटर राहुल जी जा जी चलो राहुल मैंने राइट एरो दबा दिया राहुल रॉबर्ट और मैंने रॉबर्ट की स्पेलिंग गलत बंदा ही गलत है रॉबर्ट जी नहीं लगाएंगे इनके आगे और मैंने डाउन एरो प्रेस कर दिया राइट अब अगर मैं यहाँ पे सर लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं प्रियंका लिखना चाहता हूँ प्रियंका लेकिन ना मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी सेल के अंदर जा रहा हूँ मैं सिंपली क्या करूँगा मैं स्केप दबा देता हूँ तो इसका मतलब सर अब वो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी राइट ये डेटा का सर खेलना आपको जरूर आना चाहिए और कभी कभी जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि क्या हो रहा है ये कैसे सर हम जो करना चाहते हैं होता क्यों नहीं तो उसके छोटे छोटे कारण होते हैं जैसे मैंने आपको डिलीट करना सिखाया जैसे मैंने आपको एसके बटन का यूज समझाया या इंटर का यूज समझाया अब जल्दी से सर जरा चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि सर अगली वीडियो में होने वाला है बवाल क्या है वो एक्सल का जादू चली जल्दी से देखते हैं और एकदम तबाही मचा देंगे भाई इस फॉर्मूले से हम लोग ऑफिस के अंदर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा हिट और यहाँ सर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ देखिए यहाँ पे आपके पास जो है लगभग नॉन

चलो मैं बोलता हूं कि आपको दस नहीं आपको दे दिए गए हैं दस हजार नाम और सरनेम और आपको दोनों को अलग अलग करना है अब बताओ क्या करोगे मचेगी ना असली तबाही तो देखो भाई इस तबाही से बचने का एक तरीका है और वो तरीका सर एक्सेल में दिया हुआ है उसका नाम है फ्लैश तो फ्लैश वेल का जादू मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए मैंने सिर्फ पहले वाले सेल में यहाँ पे जो सेल है जिसे मैं बुलाऊंगा बी टू इस बी टू के अंदर जो है मैंने सिर्फ नीरज लिखा ओके okay. अब एक्सेल बहुत ज्यादा समझदार है मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ कहाँ पे? ये डेटा वाले टैब में राइट और ये टैब्स वगैरह मैंने सब आपको शुरू की वीडियो में बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं जाके वो वीडियो देखिए और ऐसे ही अगर आप पावर पॉइंट भी सीखना चाहते हैं जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको बिल्कुल बेसिक से तो उसका लिंक मैं आपको नीचे कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जाके पावर पॉइंट का कोर्स कर लीजिए सर्टिफिकेट्स भी उसके इशू होंगे लेकिन सर्टिफिकेट्स जो है छः महीने बाद इशू होंगे राइट तो अभी के लिए आप जाके कोर्स करिए उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी उसका जरूर 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 देंगे ना कमिंग टू द पॉइंट सर यहाँ पे मैंने नीरच लिखा और अब मैं यहाँ पे आके देखिए डेटा टैप में गया और डेटा टैप में जाने के बाद मेरे को ये वाला जो ग्रुप है डेटा एंड टूल्स वाला जो ग्रुप है मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे राइट डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा एंड डेटा टूल्स वाला जो हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर जाके आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है फ्लैश फिल और यही है वो कमाल की चीज़ जिसको यूज़ करके हम लोग जो हैं कर सकते हैं बहुत बढ़िया काम लीजिए तो मैं अब से काम करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ अब फ्लैश फिल पर क्लिक कर देता हूँ ये देखिए सारे के सारे नाम एक्सेल समझ गया कि जब यहाँ नीरज चाहते हो तो आपको यहाँ पूजा चाहिए यहाँ वृंदा चाहिए यहाँ अपूर्व चाहिए एक्सेल को सारी काउंटिंग आती है बाबू अब सरनेम अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए अरोरा अच्छा अब एक चीज़ आप लोग फील कर पा रहे हैं मैं भी वहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और टाइप करते करते आप देखिए यहाँ पर मैं भी टाइप कर रहा हूँ अब मेरे पास डेटा वाला टैब जो है वो इनएक्टिव है बल्कि मैं पूरा का पूरा टैब किसी भी ग्रुप में कोई भी बटन जो है मैं इस समय यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सर अभी वो मेरा सेल जो है वो एक्टिव सेल है इन द सेंस उसके अंदर कुछ काम चल रहा है प्रोग्रेस चल रही है और जैसे मैंने अरोरा टाइप किया देखिए अभी सारे जो है यूजेबल बन गए ये छोटी छोटी बातें सर आपको फील करनी है और आपको सीखना है कभी कोई बच्चे कहते हैं सर हमसे तो हो ही नहीं रहा हमसे तो हो ही नहीं रहा ये देखिए अब देखिए सारे एक्टिव हो चुके हैं राइट चलिए अब आगे चलते हैं अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या शर्मा और देखिए मैंने शर्मा लिखा ही है अभी बस अभी बस मैंने शर्मा टाइप ही किया और ये अपने आप दिखा रहा है क्या ये भर दूं और जैसे ही हम शर्मा के पास जाके यहाँ पे एंटर मारेंगे मैं दोबारा लिखता हूँ शर्मा और देखो को यहाँ पे फ्लैश फिल दबाना था फ्लैश फिल मैंने यहाँ दबाया लीजिए पहले मैंने जैसे शर्मा लिखा उसमें सजेशन दिया था मैंने उसको स्केप कर दिया था और फिर जाके मैंने फ्लैश फिल दबाया देखिए सारे के सारे इसने सरनेम जो है यहाँ पे लिख दिए यही तो है बाबू एक्सेल का जादू वो ऑटो सजेस्ट भी करता है अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर और इसके इतने सारे यूज़ केस मैं आपको दिखाऊंगा बीइंग अ बिजनेसमैन मैंने इसको बहुत यूज़ किया है बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैं आपको बताऊंगा कैसे हम जब ई e कॉमर्स का बिज़नेस हमने शुरू किया था तो हमने इसका कैसे उपयोग किया था फर्स्ट लेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एन ओके okay? और एन के बाद एन लिखने के बाद मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करने की कोशिश करता हूँ ये देखिए सबका जो है यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखा गया नीरज का एन अरोड़ा का उसके बाद पूजा का पी वृंदा का वी उसके बाद हमारे पास अपूर्व का ए और सबके जितने भी पास फर्स्ट लेटर्स थे वो लिखे हुए यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी जो है वो सीख सकते हैं एक मिनट के लिए मैं फर्स्ट लेटर्स को जो है यहां से डिलीट कर देता हूं मैं फिर से करता हूं एंड टाइप और उसके बाद मैं यहां पे आके क्या करूंगा कंट्रोल ई -E, रिपीट करिए कंट्रोल ई एक बार और रिपीट करिए कंट्रोल ई जैसे मैंने कंट्रोल ई -E प्रेस किया वैसे सारे के सारे फर्स्ट लेटर जो है मेरे पास यहाँ पे आ गए अब हम लास्ट लेटर यानी कि आपके सरनेम के फर्स्ट लेटर के साथ भी ऐसा करके कहेंगे सरनेम फर्स्ट लेटर देखते होता है कि नहीं होता है भाई जादू तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए राइट अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं यहाँ पे पहले आपको ना एक एस लिख के दिखाता हूँ कुछ नहीं हुआ हमारे पास अब मैं क्या करूँगा मैं अपना सर की शॉर्टकट इस वाले मैंने सेल को सेलेक्ट किया कंट्रोल ई मैंने प्रेस कर दिया वो लीजिए सर है ना सर ये जादू बिल्कुल तो फर्स्ट लेटर आ गया आपके पास आपका सर नेम का फर्स्ट लेटर आ गया फ्लैश के और क्या यूज हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ बिजनेस यूज और उसके बाद में फिर से इसी डेटा पे आऊंगा और आपको और भी आपकी डेली लाइफ में जो यूज हो सकते हैं वो करके दिखाऊंगा राइट पहले बताओ अपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो जैसे मैंने आपको बोला भाई लाइक और सब्सक्रिप्शन ये मेरी मोटिवेशन है आप मुझे मोटिवेट करते रहिए आपको फ्री में ऐसी एडवांस लेवल वाली वीडियोस भी मैं देता रहूंगा राइट और बस यार चलो आप जल्दी से देखते हैं इसका अगला यूज़ केस क्या होता है अगला यूज़ केस वेरी सिंपल वेरी 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 सिंपल आपने क्या करना है आपने सिंपली एक काम करना है अब इसके अंदर आपने मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पे यू मनी में यूज़ करते थे हमें पे यू मनी से पेमेंट आती थी तो वहाँ पे जो है डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में होता था वहाँ पे नेम फ़ोन नंबर एड्रेस uh, और एड्रेस में आपको पता ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पेसिफिकली हम लोग ढूंढते थे पिन कोड ये सारी चीज़ें सब कुछ एक ही सेल में लिखी हुई होती थी एक ही सेल में अब मैं यहाँ पे इस डेटा को जो है या तो और हमारी सेल होती थी मान लो 200 बच्चों ने दिन में खरीद लिया 300 बच्चों ने दिन में कोई प्रोडक्ट खरीद लिया अब हम परेशान रहते थे कि हम इन सबको अलग अलग कैसे करें सोम so, इन सबको अलग अलग कैसे करते थे फ्लैश फिल लगा के है ना अब यहाँ पे सोचो बच्चे का नाम लिखा है फोन नंबर लिखा है एड्रेस लिखा है पिन कोड लिखा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहा है बस मुझे यहाँ पे आके फ्लैश कोड फ्लैश फिल लगाना है और नेम अलग निकल जाएंगे फोन नंबर अलग निकल जाएंगे एड्रेस अलग निकल जाएंगे पिन कोड अलग निकल जाएगा है ना कमाल की चीज़ लीजिए तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप जो है फ्लैश फिल को एक बेसिक यूसेज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है काफी सारी चीज सर आप फ्लैश फिल से कर सकते हैं मैं आपको एक आधा यूज केस और भी दिखाता हूँ अभी के अभी अब मैं आपको एक और चमत्कार चीज दिखाता हूँ मेरे को एक दो यूज़ के सिखाने हैं मैं आपको एक दो और चमत्कारी चीजें जो है वो बताता हूँ uh, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है अब मैं इसी डेटा को लेके ना मैं मिलाना चाहता हूं मैं इस डेटा को मिलाना चाहता हूं तो बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते हैं इवन इस डेटा को अलग करने की बहुत सारे ऑप्शन थे फ्लैश विल एक चमत्कारी शक्ति है ठीक है ना अब इन दोनों डेटा को मैं मिलाना चाहता हूँ यानी कि रिवर्स फ्लैश विल दिखा रहा हूँ आपको इस समय ऐसा इसको कहते नहीं है मार्केट में मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है सो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेटा जो है अलग अलग टाइप कर दिया होता है कहीं पे अलग अलग डेटा जो है वो टाइप होके जो है रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल हेयर और मैं यहाँ पे सर उस डेटा को मर्ज करके लिखना चाहता हूँ सो आई विल राइट लाइक दिस एंड आई विल देन प्रेस कंट्रोल ई ये लीजिए आपके सारे नाम जो है इन्होंने जोड़ के आपको यहाँ पे दे दिए हैं है ना कमाल की चीज़ ओके okay, अभी एक चीज़ हम लोग और समझेंगे कि आपने फ्लैश फिल लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आपको बताऊंगा एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने यहाँ पे करके देखता हूँ मैं यहाँ पे नीरज लिखता हूँ और नीरज के साथ मैं यहाँ पे जो है अरोड़ा लिख देता हूँ राइट अब फ्लैश फिल्म मैं यूज़ करता हूँ आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं लीजिए यहाँ पे भी कर दी मैं यहाँ पे करने से क्यों डर रहा था मैं सोचता था डेटा कहाँ से उठाएगा सिंस मैंने नीरज लिखा था तो और नीरज लिख के मैंने अरोड़ा लिखा था तो इसने डेटा अब मजे की बात है मुझे आइडिया नहीं है इसने इस सेल से उठाया है या फिर इन दोनों को सेल मर्ज करके उठाया है राइट सो दिस इज़ अ मिस्ट्री बट इसने सर हमारा काम जो है वो कर दिया है कहीं ना कहीं से देख के एक चीज़ आपको फील करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप जब डेटा देखते हैं तो एज सच आपको फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला लगा हुआ नजर नहीं आता यानी कि एक तरीके से ये डेटा मैनुअली ही एंटर हो गया है और जब मैनुअली एंटर हुआ है ना भाई तो एक इसका रिस्क भी है वो मैं रिस्क आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जरा देखेगा फॉर uh, एग्जाम्पल मैं वृंदा का यहाँ पे जो है नाम चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नाम करता हूँ वृंदा मल्होत्रा लो जी ना मनोतर तो मैंने यहाँ पे नाम कर दिया तो अब देख रहे हैं यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ ये भी चेंज नहीं हुआ ये भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने बोला कि ये इस तरह से ऑटोमेशन से नहीं लगा हुआ कि वहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा तो द डेटा विल रिमेन सेम बच्चो अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता दूँ मैंने यहाँ पे लिखा अरोरा और मैंने यहाँ पे आप दबा दिया फिर से आके फ्लैश फिल ये देखिए अब यहाँ पे ये कहता है जी वी लुकड ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर यूर सेलेक्शन सी अ पैटर्न हमें पैटर्न नजर नहीं आ रहा है समझे आप मेरी बात को इसको जो है पैटर्न नज़र आना बंद हो गया मैं लगता हूँ शर्मा और मैं इनको एक बार ब्लैंक कर देता हूँ मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फ्लैश फिल की लिमिट्स कहाँ तक है ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फिर से फ्लैश विल दबाता हूँ ये देखिए क्या गलती करी है इसने क्या आपने गलती नोटिस करी यहाँ पे मलोत्रा का सलोत्रा हो गया जी क्यों क्योंकि वृंदा के साथ पहले चुग लगा हुआ था ये अभी भी कुछ ना कुछ डेटा वहां से उठा रहे हैं दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फ्लैश फिल जो मैं आपको दिखाना चाहता था राइट तो देखिए आपको कब यूज़ करना चाहिए फ्लैश फिल ये फ्लैश फिल आप तभी यूज़ करें जब आपका जो डेटा है ना वो ये जो बेस डेटा है यानी ये जिस डेटा से आपको आगे चीज़ें निकालनी है वो डेटा आपका ये डेटा आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बहुत स्टेडी बहुत स्टेबल होना चाहिए इसमें आप श्योर करिए कि इसमें आप कोई चेंज नहीं करने वाले हैं क्योंकि अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा ख़राब हो जाएगा और फिर आपको दोबारा सब कुछ डिलीट करके फ्लैश फिल लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे इट एंटर्स दी डेटा एज इफ एज इफ एज इफ एज इफ मैनुअली एंटर मैनुअली डेटा इज़ बींग एंटर्ड और यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक करिए फ्लैश फिल ने सो ये हमें साथ साथ इसकी लिमिटेशन जो है वो भी ध्यान में रख के चलनी होगी अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी मैं वापस कंट्रोल जेड करके आ रहा हूँ यहाँ पे और लीजिए मैंने वृंदा चूक की यहाँ पर वापस लिया आऊँ मैं कंट्रोल जेड कर कर करके यहाँ पर वापस आ गया सो फ्लैश विल की लिमिटेशन को भी हमने अपने ध्यान में रखना है तो अभी तक मैं फ्लैश विल जो है आपके साथ यूज़ कर रहा था लोगों के नाम के लिए फ्लैश विल सर नंबर्स के साथ वैसे ही काम करता है फ़ोन नंबर्स ऑब्वियसली नंबर फॉर्मेट में ही है तो उनके साथ वैसे ही काम करता है अब हम देखेंगे कि फ्लैश विल नंबर्स के साथ जो है वो कैसे काम करता है तो फ्लैश फिल नंबर्स के साथ कैसे काम करता है ये करने के लिए सर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जो है जनरेट कर लिया है पहले सर हम एक काम करते हैं इस डेटा को जो है यहाँ से कर देते हैं डिलीट अब आपके पास सर कुछ नाम है और साथ में कुछ फोन नंबर है।, है और ये फोन नंबर हमारे ऑब्वियसली ऐसे फोन नंबर नहीं है कोई ट्राई मत कीजिएगा ये मैंने रेंडमली जनरेट करे हैं ओके चलिए अब सर देखते हैं इस पर कैसे फ्लैश फिल लगाना है और यहाँ पे काम क्या होने वाला भाई फ्लैश फिल का आप देख रहे हैं हर नंबर के आगे इंडिया का कोड लगा है जिसे बोलते हैं नाइन्टी वन जैसे कि एडियू नाइनटी वन एक्सएल नाइन्टी वन फिन नाइनटी वन ऐसे सर इंडिया का कोड है हमारे पास क्या क्या वन अब सर मैं चाहता हूँ भाई मुझे मैसेज निकालना है मैं एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज ले रहा हूँ लेकिन वो कहता है जी आप बिना कोड के जो है नंबर डालिए मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई या मुझे सर किसी कॉलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर डालने और वो मुझसे मुझे बोलता है कि बिना बिना कोड के आप नंबर डालिए अब भाई मैं क्या करूंगा पहली बात तो ये मैं मैनुअली दिहाड़ी बनाऊंगा नाइन एट वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट अब मैं दूसरा भी जाके लिखूँ मैं तीसरा भी जाके लिखूँ और ऐसे दस हज़ार नंबर होंगे तो बस जीवन में हमारे आराम ही आराम है अपना करते रहेंगे सालों साल ये काम मोदी जी जाते रहेंगे मोदी जी जाते रहेंगे लेकिन हमारे नंबर चलते रहेंगे दूसरा अब आप बताइए मैं क्या करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू यूज़

ठीक है साहब ऐसे कर लेते हैं कि गल हो गई एक्सेल इज वेरी स्मार्ट जी लीजिए सर तो ये है सर फ्लैश फिल फंक्शन का यूसेज प्रिकॉशनरी मेजर बस ये है कि याद रखिएगा ये डेटा ऑटोमेटेड नहीं आया है ये डेटा जो है सर यहाँ पे आया है मैनुअली uh, एक तरीके से तो अगर आप यहाँ पे आप कुछ चेंज करेंगे इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली हैं

क्या करता है आप लुकअप के फॉर्मूले को सबसे पहले एक वैल्यू बताते वी हुए कॉलम में से डेटा उठा के आपको पकड़ा देता है बस इन बात को याद रखिए आप वैल्यू बताएंगे वो वैल्यू जाके वो एक टेबल में ढूंढेगा और उस टेबल में जैसे ही वो वैल्यू मिल जाएगी मी रिपीट उस टेबल में जैसे वो वैल्यू मिल जाएगी वो उस वैल्यू के साथ उस, वैल्यू, उस वैल्यू की रो में, आपके में से डेटा के आपको, दे देगा। ये अगर चार आपको समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं वर्टिकल और वर्टिकल क्यों मैं आपको बताता हूं वी लुकअप सबसे सब आप पहले आपसे पूछ रहा है वैल्यू आप किसके बारे में ढूंढना चाहते हो मैंने बोला साहब मैं राम के बारे में ढूंढना चाहता हूं मैंने राम को सिलेक्ट कर लिया ओके okay. ढूंढना चाहता हूं राम की जो रो चल रही होगी ध्यान से देखिए जैसे वी लुकअप को फॉर्म लगेगा और राम को ढूंढेगा और राम की रो ये है और राम की रो में मैं चाहता हूं कि सर मुझे सैलरी उसकी यहां पे मिल जाए तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखिएगा मैं यहां पे आने के बाद अब सेलेक्ट करूंगा वो कॉलम नंबर जो मुझे राम वाली रो में से चाहिए और राम वाली रो में से मुझे कॉलम नंबर टू का जो डेटा है वो यहाँ पे चाहिए मैंने देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें लगा दी हैं जरा ध्यान से सुनिएगा गाइज तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस समय समझदारी दिखाएंगे तो आपको विलुको का फॉर्मुला हमेशा के लिए समझ आ जाएगा देखिएगा मैंने मैंने सबसे पहले बताया सर वैल्यू मुझे वैल्यू मुझे बता दिया जी इस वैल्यू को ढूंढो राम को ढूंढो कहां पे ढूंढो इस टेबल में ढूंढो कौन सी टेबल में ढूंढो B10 टेन टू सी का मैंने इनको डेटा दे दिया B10 टेन टू सी का मैंने इनको डेटा दे दिया इस टेबल में ढूंढो ओके और जब राम मिल जाए तो राम की रो में कॉलम नंबर टू उठा लेना ये राम की रो है और ये उसका कॉलम नंबर है राइट right? राम की रो में कॉलम नंबर उठा लेना मैं एक बार फिर दिखाता हूं ये राम की रो हो गई और ये सर उसका कॉलम 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 नंबर 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 हो गया कैसे हुआ ये ये था ये है ओके okay? और अब जाके सर मैंने इसमें क्या कर दिया एक कॉमा और लगा के अब ये ट्रू और फॉल्स में आपको समझाऊंगा अप्रोक्सीमेट और अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा मैंने अभी के लिए जीरो कर दिया यानी फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर और यहाँ पे आपको राम की सैलरी मिल गई

राम को ढूंढो ओके राम को ढूंढो इस टेबल में ढूंढो और जैसे ही राम मिल जाए राम वाली रो में से मुझे कॉलम नंबर कौन सा चाहिए मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं अब देखिए मैं दोबारा से रेंज सेलेक्ट करूंगा आपको एक चीज दिखाऊंगा खास जब आप सर ऐसे रेंज सेलेक्ट करते हैं फिर से एक बार हम रेंज सेलेक्ट करेंगे जब भी आप ऐसे रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ लिखा आता है थ्री आर टू सी दिस इज थ्री आर टू सी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर देखिए ये आपको बता रहा है कॉलम कितने हैं ये आपको बता रहा है रो कितने हैं आप गिन भी सकते हैं वन टू थ्री दीज आर दी कॉलम्स आर दी रोज और सर वन एंड टू दीज आर दी कॉलम्स सो देर फोर हमारा सैलरी हमें चाहिए तो सर वो सेकेंड कॉलम में होगा ऐसे सर यहां पे मान लेते थर्ड कॉलम होता एज का डेट ऑफ ज्वाइनिंग का अगर वो चाहिए होता तो हम अपने वी लुकअप के फॉर्मूले में कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या लिखते थ्री लिखते खैर अभी सर मैं इसको थ्री यहां पे लिख देता हूं और थ्री लिखने के बाद मैं यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ जीरो मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा दूँगा लगा के मैं जीरो लिख रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा समझाऊँगा उसका ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर देता हूँ अभी मेरे से फॉमुले में कुछ गलती हो गई होगी डोंट वरी हम उसको एक बार ठीक कर लेंगे वी लुकअप दोबारा से करते हैं समझाते समझाते थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ठीक है जी टेबल अरे मुझे ये टेबल चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे टू चाहिए और को मैंने लिख के भी समझाया प्लीज सो so, सबसे पहले हम सर कमांड फॉर फॉर्मुला देते हैं टू वी लुकअप फिर हम सर अपने ब्रैकेट को ओपन करते हैं एक्सेल के टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं मैं भी उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं ओपन करने के बाद सर हम लोग क्या ढूंढते हैं लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू वही सर हमें

अब हमें कॉलम नंबर चाहिए किसका मैंने आपको जैसे हिंदी में बताया था ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं एक बार आपने राम को ढूंढ लिया तो राम जिस रो में आता है उसी रो में से एक कॉलम नंबर मुझे चाहिए और वो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे कॉलम नंबर आपकी रेंज के हिसाब से डिसाइड होता है अगर आपने सर सेलेक्ट कर लिया इस रेंज को यहां पे तो भाई ये कॉलम नंबर वन है कॉलम नंबर टू है तो आपको कॉलम नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड उसके बाद सर हम लोग अप्रोक्सिमेट अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच अभी समझने वाले हैं थोड़ी देर में तो उसको हम बाद में देखेंगे अब यहां एक खास बात मैं आपको बताता हूं वी लुकअप में जो भी आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो हमेशा आपके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इसलिए वी लुकअप की बहुत बुराइयां भी होती है मैं आपको बताऊंगा कैसे देखिए अभी मैं दोबारा फॉर्मुला हूं, हूं तो भाई राम जब मैं यहां पे लिख दूंगा तो मुझे ये बात का ध्यान रखना है कि राम मेरे टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आता हो तभी बात बनेगी अदरवाइज बात नहीं बनेगी राइट दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द बी लुकअप ओके अच्छा चलिए ये चीज आपको लेफ्ट मोस्ट वाली ध्यान में रखनी है अब रेंज फिक्स करने वाला क्या केस है मैं आपको बताता हूं इससे पहले हम एक बड़ा एग्जाम्पल करते हैं इंप्लॉई का बहुत सारा डेटा है मेरे पास हम यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं डेटा में से आपको सर्च करना सिखाता हूँ मैं कि कैसे आप लोग डेटा में से वीलो कप लगा के आइटम्स को बाहर निकाल सकते हैं और फिर हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों पे चलेंगे जो सिर्फ फाइनेंस वर्ल्ड में यूज होते हैं ऑडिटिंग के टाइम पे अकाउंटिंग के टाइम पे जो फंक्शन काफ़ी यूज हो सकते हैं वो देखेंगे और फिर हम अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब भी समझेंगे कि अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या है और एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है वी लुकअप लगाते समय क्या गलतियां होती हैं मुझे आपको वो भी बताना है जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं हम उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि भाई वी लुकअप लगाते समय गलतियां जो है वो किस किस तरीके की हो सकती है आइए तो अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे चलिए सबसे पहले मैं काम करते हैं इस शीट के अंदर वी लुकअप लगाना सीखते हैं आइए साहब तो वी लुकअप लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सर मैं क्या करता हूँ मैं अपने लिए एक आ, सिंपल सी चीज बनाता हूँ नेम एंड या मैं ऐसे कर देता हूं इंप्लॉई कोड सबसे पहले इंप्लॉय कोड राइट क्योंकि इंप्लॉई कोड यूनिक होगा और यहाँ पे मैं सर उसकी जानना चाहता हूं क्या सैलरी अब आप लोग वैसे समझ चुके हैं मैं कैसे काम करने वाला हूं मुझे मैं ही बस यहां पे इंप्लॉई कोड डालू और मैं सर उम्मीद रखता हूं कि मुझे क्या मिल जाए सैलरी मिल जाए अच्छा जी ऐसा ही होगा सर ऐसा ही होगा डोंट वरी एट ऑल लीजिए इंप्लॉई कोड एंड देन वी विल गेट वॉट सैलरी आ जाओ भाई तो मैंने यहां पर लिखा जी एन ए सी जीरो जीरो मैं आपको दिखाऊंगा गलतियां भी क्या क्या होती हैं तो ध्यान से बिल्कुल समझते जाएगा अब मुझे सैलरी चाहिए NAC जीरो जीरो नाइन की मैं वी लुकअप लगा रहा हूं वी लुकअप सबसे पहले आपने डिसाइड किया ढूंढना है मुझे एनए सी जीरो जीरो नाइन ढूंढना है कहां ढूंढना है मुझे NAC सी जीरो जीरो नाइन इस टेबल के अंदर जो है वो ढूंढना है और याद रखिएगा इस टेबल में अब मेरे पास कितने कॉलम आ रहे हैं इस, इस बात पर आप देख सकते हैं मेरे पास दस कॉलम है और कितनी रोज है बीस रोज है ओके अच्छा तो मैं एक बार दोबारा से रेंज सेलेक्ट करता हूँ कहीं किसी तरह की मिस्टेक ना हो जाए लीजिए और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे फॉर्मा डाल के अपने फॉर्मूले को और आगे बढ़ा देता हूं और मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर अब मैं बताऊंगा कि भाई मुझे क्या ढूंढना है मुझे इंप्लॉई का नाम जानना है सैलरी जानना है क्या जानना है और अब देखिएगा जरा मेरे साथ जो काम मैं करने जा रहा हूं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मुझे सैलरी जाननी तो मुझे सैलरी का कॉलम नंबर पता करना है कॉलम नंबर देखेंगे कैसे दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर सिक्स से डेटा चाहिए मैंने बोला मुझे एन ए सी जीरो जीरो नाइन ढूंढना है फिर मैंने बोला मुझे इस में ढूंढना है फिर मैंने बोला, जैसी मैं उसी हिसाब से अपने फॉर्मुले को जो है वो बना लिया मैंने बोला जी सिक्स और प्लीज रुकिएगा भी गलती हो सकती है फिर सर जीरो लगाया मैंने जीरो क्यों लगा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स राइट वन ट्रू के लिए वन यूज होता है और अपना उसके लिए फॉल्स uh, के लिए जीरो यूज होता है मैंने एंटर कर दिया सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ गया आप चेक भी कर सकते हैं चलते हैं एक बार एन एस जीरो जीरो पे एन एस जीरो जीरो में सोमेश है सोमेश की जो सैलरी सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है क्या बात है क्या बात है क्या बात है अब यहाँ पे एक मैं आपको गलती भी करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कॉपी करने में कैसे मिस्टेक होती है पहले आपको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए राइट अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी गलती करके दिखाऊंगा खुद से गलती करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा वो गलती क्यों हुई पहले आपको यहां तक चीज़ें समझ आई या नहीं आई मुझे बताइए बिल्कुल आई सर चलिए अब सर वो गलती करते हैं आइए तो अब मैं कह रहा हूं जी मुझे ना चार एम्प्लॉय कोर्स की और सैलरी चाहिए मैंने यहाँ पे लिखा एन और मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो वन फोर की मुझे सैलरी चाहिए और एन ए सी जीरो जीरो वन सेवन की मुझे सैलरी चाहिए साहब वी लुकअप का फॉर्मुला मैंने ऊपर तो लगा ही रखा है चलो ड्रैक कर देता हूँ देखते हैं क्या होता है देखते हैं हैं मुझे नहीं पता 14 पे चलते हैं सर 14 में रोहित है और रोहित की सैलरी अरे क्या बात है बिल्कुल सही एन ए सी सत्रह की सैलरी भी सर इन्होंने बिल्कुल सही उठा दी चलिए आपका काम सर बहुत सही हो रहा है क्यों सही हो रहा है सर जी अभी आपको मैं बोलता हूँ कि अब आप मुझे ना एक काम करो मैं आपको एक अगला होमवर्क देता हूँ एन एस सी जीरो जीरो टू की सैलरी मुझे चाहिए आपने बोला लो सर अब भी क्या मैं इसको ड्रैग करता हूँ क्या हो गया मैं आपको बताता साहब क्या हो गया बहुत बारीकी से समझिएगा बहुत बारीकी से और ये सबसे कॉमन एरर है वी लुकअप लगाते समय और इसका कारण क्या है उसको ठीक कैसे करना है मैं वो आपको भी समझाने वाला हूँ देखिए चौदह और सत्रह के पता ठीक क्यों आ गए थे मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ इस फॉर्मुला पे जरा ध्यान दीजिएगा आपने अपनी टेबल जो है वो कौन सेलेक्ट कर रखी थी बी टू से K21 ट्वेंटी वन तक अच्छा जी ठीक है जी हम आ गए हमने इसको कैंसिल कर दिया इसमें आप देखिए जैसे मैं उसके नीचे आया आपकी टेबल कौन सी से सिलेक्ट हो गई बी थ्री से K22 के ट्वेंटी टू तक यानी कि कहीं ना कहीं पे आप जब उसको ड्रैग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली सर आपकी टेबल की जो सिलेक्शन है वो भी चेंज हो रही है अब 14 और 17 पे फर्क क्यों नहीं पड़ा था क्योंकि 14 और 17 जब आप सेलेक्ट कर रहे थे तो सर वो उस रेंज में फॉल कर रहे थे मैंने जानबूझ के 9 से कम जैसे नंबर लिया मैंने 9 से कम जैसे नंबर लिया अब देखिए इसमें क्या होगा इसकी रेंज क्या निकली है b5 से जबकि मुझे ढूंढना क्या है 002 अब भाई जब आपकी रेंज ही यहां से शुरू हो रही है बी पांच से तो आपका जीरो जीरो टू वाला पॉइंट तो यहां पे कवर ही नहीं हो पाया और जब जीरो जीरो टू वाला कवर ही नहीं हो पाया सर उस पे वी लग ही नहीं पाया ताली बजा दो इसी बात पे वहां बैठे बैठे मैंने एन एस जीरो जीरो टू ढूंढना था और वो सर इस रेंज के अंदर कवर हो ही नहीं पाया अब इसका तरीका क्या है ये तो हो गई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि जब सर आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो वहां पे सर आपके जो सेल्स हैं वो अपने आप चेंज होते रहते हैं रेंज जो है वो चेंज होते रहते हैं आप लोग यहां पे नजर रखिएगा प्लीज थोड़ी देर के लिए प्लीज यहां पे नजर रखिएगा मैं आपको सेल यहां पर स्क्रॉल करूंगा आपने यहां पर नजर बना के रखनी है देखिएगा क्या हो रहा है मैं जैसे ही यहां से सेल को नीचे लाया देखिए रेंज में फर्क आ रहा है M4, M5 तो ठीक है क्योंकि वो कह रहे जी 14 को ढूंढो 17 को ढूंढो लेकिन अब रेंज पे नजर रखिए

आपकी सर जीरो जीरो नाइन की सैलरी ठीक है फॉर्मूला नीचे लाइए ड्रैक कीजिए अब आपकी सब सबकी सैलरी बिल्कुल ठीक निकलेगी क्योंकि तो अब आप देखिए अब प्लीज फिर से यहां पे ध्यान रखिएगा गाइज ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे मैं सेल नीचे करूंगा और रेंज हिलेगी भी नहीं बिल्कुल भी रेंज हिलेगी भी नहीं सिर्फ आपका एम 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 वाला जो है वो चेंज होगा और वो चेंज होना भी चाहिए क्योंकि हमें सर हमेंटीन की सैलरी चाहिए यहां 14 की सैलरी चाहिए तो ये आपका चेंज होता रहेगा लेकिन आपकी रेंज जो है है अब फिक्स हो गई है। पहला एरर जो आता है मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों आता है राइट अब मैं आपको एक और एरर दिखाता हूं हो सकता है हो सकता है ना आए लेकिन इस गलतियों पर ध्यान देना जरूरी है मैंने क्या किया मैंने एनएससी जीरो जीरो फोर लिखते समय एक एक्स्ट्रा स्पेस बार जो है वो दे दिया अब मैंने यहां पे लिखा जी एन ए सी जीरो क्यों आ गया जी रेंज भी सही है सब कुछ बढ़िया है फॉर्मुला भी लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा स्पेस जो सर आपके डेटा में गया ना वो दिक्कत दे रहा है मैं जैसे ही इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाऊंगा देखिए वहां पे काम हो गया और दिस इज समथिंग सर जो बहुत एक्सपीरियंस से आता है बहुत सोचने समझने की बात आता है अदरवाइज आप लोग ढूंढते रहेंगे एरर आ क्यों रहा है एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बहुत ज्यादा राइट right. तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को आपने देखना है कि आपका डेटा जब आप मेंटेन करते हैं तो सर जिसने भी डेटा मेंटेन किया जिसने डेटा एंट्री करी है वो बहुत सही करी हो आपके डेटा एंट्री फील्ड्स जो हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए ओके okay. लीजिए सर तो मजा आया सर वी लुकअप का ये पार्ट सीख के अगर मजा आया तो सर वीडियो को पूरा देखते रहिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है राइट right? और रटने में और समझने में क्या फर्क होता है वो आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ समझाता रहा यही फर्क होता है रटने और समझने में भी आप वी लुकअप समझ रहे हैं आप रट्टा नहीं मार रहे हैं वीलूकप का राइट वैसे हैरानगी होती है कि एक्सेल में भी रट्टे लग रहे हैं लीजिए अब मैं आपको बताता हूँ वीलूकप की थ्योरी में हम लोग कहां पहुंच चुके हैं सर वीलूकप किस लिए यूज होता है सर्च के लिए यूज होता है हमने देख लिया वी लुकअप क्या करता है सर ये वी लुकअप वी लुकअप हमेशा अपने लेफ्ट की तरफ ही दैट डेटा देखता है लुक फॉर द दे डेटा टू तो द लेफ्ट आंसर इज नो लेफ्ट की तरफ ना देखे और सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है डेटा टू द तो राइट देखता है इस बात को याद रखेगा राइट तो अब उसका भी एक इलाज है नई नई चीजें आ गई हैं एक्स लुकअप आ गया है इंडेक्स है मैच है बहुत सारी चीजें हैं ना वाई एरर्स सर सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया एरर क्यों आता है जब आप रेंज को फ्रीज नहीं करते मैंने यहाँ आपको आप यहाँ पे भी आपको बोला था ऑलवेज फ्रीज द रेंज आपको मैंने उसका कारण बता दिया तो एक एरर आता है सर आप लोग जो है रेंज को फ्रीज नहीं फ्रीज नहीं करते दूसरा एरर क्या था स्पेसिंग इशूज मैंने आपको कवर करा दिया अब तीसरा एरर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इंप्लॉडी डेटा के अंदर ही आइए जरा चलिए मेरे साथ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ अभी के लिए राइट अभी एन आ रहा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन और स्क्रॉल कर देते थोड़ा सा या इसको हटा देते हैं अभी के लिए हमें यहाँ पे लिखता हूँ एन ए सी राइट एन ए लिखा मैंने अब मैं सर इसको नीचे लगा स्क्रॉल कर रहा हूँ ये लीजिए अभी भी आपको ये दिखा रहा है कि भाई नहीं अवेलेबल नहीं है सर डेटा हमारे पास अब बताइए क्या करना है तो अब वो क्यों है मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ ये एरर भी क्यों आ रहा है ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सर देखिए मेरे पास एन ए कोई एम्प्लॉई है ही नहीं यानी कि वो डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करता और यहाँ से आप एक्सेप्शन निकाल के चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों आई है राइट right? सो so, ये आपको एक बड़ा हेल्पफुल टूल रहेगा आपके लिए राइट right? अब आप ये सोचिए एक आपको क्विक टिप देता हूं ये डेटा बहुत बड़ा होता हजारों लाइन होती तो आप एन को कैसे ढूंढते वेरी 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 सिंपल आप सर जाते और सर इसके ऊपर जो है फिल्टर लगा देते फिल्ट सॉरी आप जाते और सर इसको सेलेक्ट करके क्या लगा देते आप फिल्टर लगा देते और फिल्टर लगाने के बाद यहां सेलेक्ट डी सेलेक्ट सबको कर लेते सिर्फ एन ए को सिलेक्ट करते तो आपको सिर्फ एक्सेप्शन वाली चीजें जो है यहाँ पे दिख जाती आइए सर ये सर मैंने आपको सारे तरह के जो एरर्स आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए ये तीन मेन एरर हैं जो वी लुकअप लगाते समय आते हैं आई होप आपको भी एरर परेशान नहीं करेंगे अब सर एक बार अप्रोक्स मैच को समझ लेते हैं और हम लोग अपने एग्जैक्ट मैच को समझ लेते हैं कि वो किस लिए काम आते हैं कैसे काम करेगा अप्रॉक्स मैच और आपका एग्जैक्ट मैच इसके लिए मुझे आपको ये चीज दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है ये शीट देखिए अप्रॉक्स मैच क्या है अब मैं आपको बोलता हूं सर मुझे आप बताएं कि मैं आपको अगर सेल्स बताऊं तो आप वैसे आपने अपने ये टेबल बना रखी है भाई जिसकी सेल्स इतनी होगी उसको उतनी कमीशन मिलेगी किसी की सेल जीरो है उसको सर कमीशन कितनी जीरो अगर उसने हजार कर दी तो दस परसेंट हजार से लेके एक हजार नौ सौ निन्यानवे तक करी तो भाई उसकी कमीशन कितनी होगी दस परसेंट लेकिन जैसे दो हजार टच करेगा उसकी कमीशन कितनी हो जाएगी बीस परसेंट इसमें आप युकअप कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ सर यहाँ पे रैंडम रैंडम इंप्लाइज की सेल में आपको बता रहा हूँ किसी ने पाँच सौ की सेल करी है किसी ने दो सौ की सेल करी है किसी ने सर पच्चीस सौ की सेल करी है किसी ने तेईस सौ पचास रुपए की सेल करी है किसी ने चार सौ चार रुपए की सेल करी है मैं आपको बताता हूँ आप मुझे आप मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साहब प्लीज एक काम कर दो मुझे इन सब की आप क्या बता दो मुझे आप इन सब की बता दो कमीशन राइट तो आपके पास एक मास्टर डेटा तैयार है कि सर सेल सेल इतनी होगी तो कमीशन इतनी होगी स्लैब रेट्स आपके पास तैयार हैं तो आपसे पूछ रहे हैं कि सर आपको कमीशन बतानी है मैं आपको एक बात बता दूं सर यहाँ पे आप इफ के फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं लेकिन सर जो आपको परेशानी होगी यहाँ पे इफ नहीं यानी यानी के 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 अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, चार पांच तो आप भी आपके साथ होंगे तो हम बता देंगे कहा गलती होने के चांसेस चांसे है वी लुकअप लुकअप मुझे ढूंढनी है ये वैल्यू मुझे ढूंढनी है ये वैल्यू इस टेबल में मुझे ढूंढनी ये वैल्यू इस टेबल के अंदर बहुत बढ़िया और इस टेबल में जब मुझे 500 वैल्यू मिल जाए अब आप बोलोगे सर 500 तो इस टेबल में है ही नहीं यही तो कमाल है इस टेबल में जब मुझे 500 की वैल्यू मिल जाए तो मुझे आप कॉलम नंबर में से जो वैल्यू हो उस रो के साथ में कॉलम नंबर टू में से जो वैल्यू हो वो मुझे लौटा दीजिएगा लेकिन इस बार मैं चाहता हूं सर अप्रोक्सीमेट मैच हो क्योंकि एग्जैक्ट पांच तो है नहीं एग्जैक्ट पांच तो है ही नहीं ना इसलिए इस बार मैं चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेट मैच बने कि 500 किस रेंज में आ रहा है मुझे बस वो पता चल जाए तो मैंने बोला ठीक है साहब तो इस बार मेरी कितनी बनी? जीरो। भाई, अगर हजार से नीचे हूं, तो मेरी जीरो अब मैं इसको ड्रैक कर रहा हूं रोको मुझे रोको ड्रैक करने मैंने गलती करी है क्या गलती करी है बताओ मुझे ड्रैक करने में मैंने बेटा गलती करी है क्या गलती करी है बता दो मुझे मैंने ये गलती करी है मित्रों कि भाइयों मैंने रेंज को फ्रीज नहीं किया तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के अंदर जाऊंगा और सर मैं यहाँ पे जाने के बाद एफ फोर दबाऊंगा एफ फोर दबाने के बाद मेरी सर रेंज जो है वो फ्रीज हो जाएगी मैं पूरे को सेलेक्ट करके एक बार मैं एफ दबाऊंगा तो एक बार में सर फ्रीज हो जाएगी और अब मैं फॉर्मूला जो है नीचे ड्रैक करने वाला हूँ देखिए क्या कमाल की बात निकली है सर आपको धनाधन 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 कमीशन निकल गई है ये पैंतालीस वाला जो है नहीं बिल्कुल सही कार है कोई दिक्कत की बात नहीं सर 2000 से लेके फोर ट्रिपल नाइन तक मेरे को बीस परसेंट की कमीशन मिलेगी मैं और लिख देता हूँ छप्पन सौ सत्तर रुपए की सेल है आए गजब गजब एक्ट मैच।, मैच, मैच का मतलब जब इस टेबल में मिलेगी तो मैं आपको जो है यहां पे कुछ रिटर्न में दूंगा और अप्रोक्सीमेट मैच होता है कि सर जो वैल्यू आपने इस टेबल में सर्च करी है वो उसके जो सबसे नियर बाय मुझे वैल्यू मिलने वाली है मतलब उससे

जिसके जीरो मार्क्स हैं आप उसे ई e ग्रेड देना चाहते हो राइट फिर आपने बोला सर जिसके थर्टी थ्री मार्क्स आ गए आप उसको डी ग्रेड देना चाहते हो अब क्या है किसी के जीरो से तेतीस के बीच में भी तो हो सकते हैं उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा सर जी उसको ई e ग्रेड ही मिलेगा यानी तेतीस से नीचे नीचे वालों को क्या मिलेगा ई e ग्रेड और यहाँ पे भी सर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे सर हम लोग यूज करने वाले हैं वी लुकअप का अप्रॉक्स मैच एग्जैक्ट मैच इस तरह के डेटाज में हम लोग सर यूज करते हैं ये यहाँ पे क्यों हट गया था मुझे पता नहीं चला था कुछ रेंज वेंज का पंगा होगा हाँ ये एन एस सी करता था ओके सो एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया अप्रोक्सीमेट मैच सर आप तब यूज़ करें जब आपको जो है प्लीज़ सुन लीजिए अप्रॉक्सीमेट मैच आप तब यूज़ करें जब आपको कुछ Given है, कुछ सर आपके स्लैब्स गिवन है और अप्रॉक्सिमेट मैच यूज करते समय तो गलत आ जाएगा और इसलिए कई बार लोग बोलते भी है कि वी लुकअप लगाया लेकिन डेटा सॉर्ट नहीं किया अगर आप सर एग्जैक्ट मैच कर रहे हो यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए एग्जैक्ट मैच नो सॉर्टिंग

तो ये हो गया सर हमारा अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच अब चलते सर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पे और देखने की कोशिश करते हैं कि दो शीट्स के बीच में हम लोग कैसे जो है वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जब सर ऑडिट करेंगे अकाउंटिंग करेंगे तो आपको सर एसेट रजिस्टर जरूर मिलेगा अब एसेट रजिस्टर आपको मिलेगा आपको सर क्या है ये एसेट रजिस्टर दे रखा है एसेट का कोड दे रखा है एसेट की क्लास बता रखी है एसेट का डिस्क्रिप्शन बता रखा है लेकिन एसेट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है क्लास का कोड आपको दे रखा है लेकिन एसेट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये आपको नहीं बता रखा है राइट right. और अलग से आपको सर एक मास्टर डेटा अवेलेबल है एसेट क्लास हमारे पास कुल मिला के सर ये दे रखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन क्लास दे रखे फिर से वन टू वन टू थ्री फोर छ हो गई छ थी नाइन नाइन क्लास दे रखी है सर हमें ब्रॉड क्लास दे रखी है उसके बाद जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं हमें सर उसके अंदर जो है एसेट क्लास डिस्क्रिप्शन लिखना होता है लेकिन अब लिखा नहीं है अब सर मान लो भाई यहाँ पे आपके पास जो है दस एसेट्स हैं टेन थाउजेंड एसेट्स हैं और आपको सबके आगे एसेट क्लास का डिस्क्रिप्शन लिखना है एक तो सर क्या है बनाओ दिहाड़ी लिखते रहो लिखते रहो देख देख के लिखते रहो पूछ पूछ के लिखते रहो और एक सर स्मार्ट तरीका और स्मार्ट तरीका क्या है अब देखिएगा इंटरशीट्स में मैं कैसे जो है लगाने जा रहा हूं आपकी वी लुकअप फॉर्मूला आइए आपके साथ ही ट्राई कर रहा हूं वी लुकअप वैल्यू मुझे क्या वैल्यू ढूंढनी है मुझे सर ये एसेट क्लास ढूंढनी है राइट right. कहां ढूंढनी है ओए होए 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 अब मुझे सर दूसरी शीट में जाके ढूंढनी है और दूसरी शीट की इस टेबल में मुझे ढूंढनी है ऊपर फॉर्मूले पे ध्यान बनाए रखें इस बार उसने क्या किया है ये जो आपको एसेट क्लास दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट दिस इज माय नेम ऑफ द शीट जिसके अंदर जाके मैं ये वैल्यू ढूंढ रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर फॉर्मुले में आपने बोला मुझे ये वैल्यू ढूंढनी है

रेंज को फ्रीज नहीं किया है रेंज को कैसे फ्रीज कर सकते हैं रेंज को फ्रीज करने के सर बहुत सारे तरीके हैं आप सर जाइए इस फॉर्मूले के अंदर दोबारा से और जब आप सर फॉर्मुला लगा रहे होते हैं आप यहां से भी इसको सेलेक्ट करके जो है फ्रीज कर सकते हैं देखिए यहां पे लिखा आ रहा है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार आप F4 प्रेस करेंगे हो गई सर रेंज फ्रीज राइट मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी बता रहा हूं मैंने एंटर किया अब सर मैं बस इसको एक बार स्क्रॉल कर दूंगा और देखो सर क्या जबरदस्त काम हुआ है फाइनल कट प्रो के सामने क्यों लिखा रहा है हमें एक बार ढूंढना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है ओके किन जीरो थ्री सर एग्जिस्ट ही नहीं करता और इसलिए सर यहाँ पे एन लिखा आ रहा है और यही है सर कमाल वी लुकअप का आपको एरर भी इसने साथ साथ बता दिया और आप लोग सर एरर को कैसे ढूंढ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था आप यहां सेलेक्ट कीजिए इसको करने के बाद आप लोग लगा दीजिए इसके अंदर क्या फिल्टर और फिल्टर लगाने के बाद आप यहां से डी सिलेक्ट ऑल कर दीजिए और सिर्फ और सिर्फ एनए को सिलेक्ट कर लीजिए आपको पता चल जाएगा कहां कहां पे एरर आ रहा है और फिर आप उसको जाके जो है ढूंढ सकते हैं यानी एसेट क्लास आपके मास्टर डेटा में कोई कमी है यहां पे सी वन जीरो थ्री आने के बाद और यहाँ पे सर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आती तो यहाँ पे आपका फाइनल कट प्रो भी जो है कहीं ना कहीं पे जो है एडजस्ट हो जाता यानी उसके आगे भी एसेट क्लास डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी आ जाती है तो लीजिए आपको मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी मज़ा आया होगा ये सब देखने में वी लुकअप को पूरा समझने में और अब आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस और मैं अब सर आप लोगों को ये शीट दूं या ना दूं मैं सोच रहा हूं लेकिन आप लोग अगर खुद बना के करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा मेहनत बहुत लगी भाई ये शीट बनाने में सारी चीज़ें जो वी लुकअप में हो सकती थी मैंने आपको समझा दी अब इसी तरह के एक एच लुकअप होता है एक हमारे पास इंडेक्स एंड मैच होता है और उसके बाद सर एक नया आया है फादर इन लॉ सब का एक्स लुकअप उसके बारे में बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट बुकअप लगाने के लिए आपको आपके कंप्यूटर में ऑफिस थ्री चाहिए जैसे मैं ऑफिस थ्री यूज कर रहा हूँ पुराने वर्जन में आपको ये नहीं मिलेगा अब जल्दी सर एक्सलोकप के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं देखिए यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी थ्योरी नजर आ रही होगी इस समय एक्सलो कप की एक्सलो कप का सबसे पहले तो मैं देखना है फॉमला क्या है तो एक्सलो कप सब बहुत सारे आर्गुमेंट यूज करता है जिसमें से सारी जो है मैंने यहाँ पे नंबर वाइज लिख दिए हैं राइट और आप देखेंगे कि सर इसमें से कुछ जो है वो ऑप्शनल है और कुछ जो है वो सर आपके लिए मैंडेटरी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे पास है सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू आप क्या ढूंढ रहे हैं लुकअप वैल्यू कहाँ पे ढूंढे और लुकअप वैल्यू ये हो गया लुकअप अरे या उसको ए भी बोल सकते हैं जैसे आप बोलना चाहें देन आता है मेरे पास रिटर्न है या, यानी कहाँ से आप डेटा उठा के लेके आना चाहते हैं राइट फिर आता है नॉट फाउंड ये ऑप्शनल है ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वी लुकअप को सर जो डिफीट किया गया है वी लुकअप सर जो खत्म होगा वो सर ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से होगा मैं आपको देखाऊंगा कैसे और नॉट फाउंड की वजह से आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी जो हमारा हैश एने वाला एर आता था अब आप उसको हटा सकते हैं आप उसको हार्ड कोड कर सकते हैं आप जो चाहेंगे वहाँ वो आएगा पहले वी लुकअप में भी हम हटा सकते थे लेकिन हमें जो है वो एक अलग से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था इफ़ एने करके लेकिन अब वो यूज़ करने की जरूरत नहीं है एक्स लुकअप में अपने आप वो एरर जो है हट जाएगा नाउ कमिंग टू द मैच मोड मैच मोड सर बहुत ही कमाल का है और मैच मोड में भी एक चेंज किया गया है वो मैं आपको प्रैक्टिकली जब करूंगा तो दिखाऊंगा एंड देन सर्च मोड तो आप देखेंगे लास्ट के तीन आर्ग्यूमेंट जो है हमारे ऑप्शनल चल रहे हैं तो हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एक्स लुकअप सीखते हैं और एक्स लुकअप के बेसिक्स के लिए हम लोग ये तीन चीजें देखेंगे लुकअप वैल्यू लुकअप अरे एंड रिटर्न अरे फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है एडवांस होते जाएंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा शीट है जो हमारे एक्सेल क्लब के मेंबर हैं उनको उससे डेटा हमेशा पता ही होगा मैं बहुत सारे डेटा वैसे तो हमारा मेन डेटा इससे भी बड़ा है लेकिन हम छोटे छोटे एक्सरसाइज करने के लिए अपना डेटा जो है वो मैनिकुलेट छोटा छोटा करते रहते हैं आइए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वी लुकअप कैसे काम करता था वीलूकअप की अगर मैं बात करूँ गाइज तो अब वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते थे वी लुकअप लिखने के बाद आप बोलते थे क्या वैल्यू ढूंढनी है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर काम कर देता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीरज एक एम्प्लॉय के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया अब यहाँ पे वीलूकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ और वीलूकअप में बोलता था कि मुझे ढूंढना है नीरज अब वो कहाँ ढूंढना है मुझे पूरी टेबल जो है वो सेलेक्ट करके देनी पड़ती थी कि भाई टेबल हमें मुझे जो है वो यहाँ पे ढूंढना है अब देखिए एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती थी क्या गड़बड़ हो जाती थी देखिए अभी ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है क्यों काम नहीं करने वाला है कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे बता रही नीरज की सैलरी तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे लूँगा वन टू थ्री फोर फाइव काम नहीं करेगा वी लुकअप पक्का काम नहीं करेगा और उसके बाद मैं उसके बाद जो है यहाँ पे जीरो मुझे डालना पड़ता था क्योंकि अगर ट्रू रहेगा तो वो अप्रॉक्सीमेट मैच में जाता था और फॉल्स करने के लिए मुझे जीरो डालना पड़ता था देखिए हैश एन ए आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है वी लुकअप की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज जो भी चीज़ आपको ढूंढनी है वो आपकी टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी ज़रूरी है अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ठीक करने जाऊँ तो मैं क्या करूँगा मैं बेसिकली अपने टेबल को दोबारा से सेलेक्ट करूंगा, देखिए मैं लगाता हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला दोबारा से और इस बार लुकअप वैल्यू मेरी होगी नीरज और अब जो मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ से ही मैं सिलेक्ट करने वाला हूं अब ये काम जो है सही से करेगा कॉलम इंडेक्स नंबर जो मुझे चार रखना पड़ेगा और उसके बाद मैं लाऊंगा जीरो और मैं करूंगा एंटर देखिए नीरज की सैलरी यहां पे आ गई मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाया कि अब किसी भी इम्प्लॉय का यहाँ पर नाम लिखेंगे तो यहाँ पे सैलरी जो है आपको नजर आ जाएगी राइट ना वी लुकअप के साथ जो दिक्कतें थी वो एक्स लुकअप ने खत्म कैसे करी आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए और काफ़ी सारे शॉर्टकट सर हम लोग अपने एक्सएल क्लब में सीखते रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है आएंगे और वो चीज़ें जो है सीखेंगे एनी अब देखिए एक्स लुकअप कैसे काम करता है इक्वल्स टू एक्स लुकअप हमारे पास सबसे पहले लुकअप वैल्यू मैंने नीरज को पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया चलिए मैं यहां पे लिख देता हूँ दोबारा से नीरज और फिर लगाता हूं लुकअप लुकअप देखिए सारे लुकअप काम यही करते हैं आपको डेटा ढूंढ के लेके डेटा ढूंढ के ला के देते हैं राइट लेकिन अब काम करने का तरीका कितना मेजिक होंगे लुकअप वैल्यू मुझे ढूंढना है ना लुकअप अरे ये देखिए सबसे पहली चीज आपको नीरज कहां ढूंढना है मुझे सर यहां पर ढूंढना है वेरी सिंपल वेरी 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 सिंपल कोई टेबल सेलेक्ट नहीं करनी आप रेंज सेलेक्ट कीजिए बस फिर रिटर्न जो आप रिटर्न चाहते हैं नीरज के नाम के आगे वो क्या चाहते हैं मैं यहाँ से रिटर्न चाहता हूँ वेरी सिंपल क्योंकि मुझे भी और कुछ नहीं लगाना है मैं चाहूँ तो उस यहीं पर क्लोज कर दूंगा और जैसे ही मैंने सर किया और यहाँ पर मेरा सर एक्स लुकअप का फॉर्मूला लग के मेरे पास जो है आंसर अपने आप प्यार से आ गया अभी मैंने इसके साथ तीन ही आर्ग्यूमेंट आपको यूज़ करके दिखाया एक्स लुकअप से भी आप डेटा सर्च कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए क्या फ़ायदा है मैं यहाँ पे सबसे पहले वी लुकअप का एक डिसएडवांटेज जो है वो क्या था आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ती थी और जो आप लोग की लुकअप वैल्यू होती थी वो टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना जरूरी होता था वो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है नंबर टू यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट नहीं करनी यहाँ पे आपको पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर लेना है और उसी में से सर आपका डेटा उठ के आ जाएगा नंबर थ्री आपका जो ये एक्स लुकअप है सर ये राइट right पर भी देख सकता है देखिए कैन लुक राइट Can look right. और we look आपको दे रहा हूं आप सैरी बता सकते वीलुकअप से क्योंकि ये कैसे जा रहा है जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर क्योंकि ऐसे जा रहा है मित्रों देखिए वी लुकअप आपका लेफ्ट टू राइट जाता था वी लुकअप आपका राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता था जबकि एक्स लुकअप आपका कैसे भी जा सकता है लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट होरिजोंटल वर्टिकल सब तरीके से तर वो चल सकता है ये है एक्स लुकअप की सबसे बड़ी एडवांटेज फिर से देखिए मैं जो एडवांटेज की बात करूँ कैन लुक राइट और उसके बाद एक दूसरी आपको अमेजिंग चीज़ बताता हूँ मैं एक्स लुकअप के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा एक्स लुकअप के बारे में दूसरी सबसे जो मेन चीज है वो ये है बाय डिफॉल्ट इसमें एग्जैक्ट मैच है अब बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच होने से क्या क्या फायदा होता है देखिए वी लुकअप में बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच नहीं आता मैं आपको दिखाता हूं वी लुकअप का जब हम फॉर्मला लगाते हैं लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी टेबल एरिया मैंने सेलेक्ट करी कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने सेलेक्ट किया अब देखिए रेंज लुकअप जो आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है यानी अप्रोक्सीमेट मैच होता है और अप्रोक्सीमेट मैच तभी काम करता है जब आपका डेटा पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्टेड होगा अगर आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है तो आपका अप्रॉक्सीमेट मैच काम नहीं करता और हमें स्पेसिफिकली जीरो डालना पड़ता था तब जाके सर वो जो है हमें क्या ढूंढता था एग्जैक्ट मैच ढूंढ के देता था लेकिन वी लुकअप में आप देखिए वी लुकअप सॉरी एक्स लुकअप में आप देखेंगे एक्स लुकअप में मुझे सिर्फ और सिर्फ लुकअप वैल्यू डालनी है उसके बाद मैंने लुकअप अरे सेलेक्ट किया टेबल सेलेक्ट नहीं करनी है रिटर्न अरे सेलेक्ट किया ध्यान से देखिएगा जो बात मैं करने जा रहा रिटर्न एरे सेलेक्ट किया मुझे क्या सेलेक्ट नहीं करना मैंने रिटर्न एरे सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया मुझे क्या नहीं करने का है मुझे सर कॉलम नंबर याद नहीं रखने का है राइट और उसका मुझे जीरो वन कुछ नहीं लिखा क्योंकि जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा ले बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच लेगा ले अब आप एक चीज देखिएगा मैंने यहाँ पे सर कॉलम रखा मैंने इंसर्ट कर दिया आप देखिए क्या गजब हो गया जो मेरा वी लुकअप के थ्रू आंसर आ रहा था वो मेरा बदल चुका है वो मेरा क्यों बदल चुका है क्योंकि वी लुकअप में सर कॉलम बेस्ड काम हो रहा था और जैसे ही मेरा कॉलम नंबर फोर जो मैंने चूज़ करा था अब वो कॉलम नंबर फोर जो है मेरे टेबल के हिसाब से रीजन का हो गया लेकिन आप देखेंगे जो मेरा एक्स लुकअप का आंसर था वो बिल्कुल सेम रहा क्योंकि सर वो कॉलम पर बेस्ड नहीं था उसमें मैंने रेंज सेलेक्ट कर रखी थी तो यहाँ पर सर एक और एडवांटेज भी जो है यहाँ पर आपका निकल आ जाता है कि अब वो कॉलम नंबर रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए आप कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं उसका कोई फ़र्क जो है आपके आंसर पर नहीं पड़ने वाला राइट एंड बाय डिफॉल्ट इट इज वॉट एग्जैक्ट मैच ये है सर एक्स लुकअप की कुछ खास बातें जो आपको भी बेसिक वाली वीडियो में मैंने जो है सिखा दी हैं आई होप गाइज आपको ये जो चीज है ये समझने में मजा आ रहा है अब सर इसका चौथा आर्ग्यूमेंट हम देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ऐड किया है इससे पहले जब एक्सलू कप का इन्होंने एक बेटा बीटा वर्जन जब निकाला था बीटा वर्जन जो सिर्फ ऑफिस इन के पास था तब ऐसा फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल नहीं था तब मतलब वो आर्ग्यूमेंट अवेलेबल नहीं था इसलिए आप कई वीडियोज देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको वहां पर वो आर्गूमेंट नजर नहीं आएगा एनी मैं आपको वो आर्गूमेंट का भी मकसद जो है वो समझा देता हूँ मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ नीरज और मैं यहाँ पर देता हूं एक्स लुकअप राइट और लुकऑफ वैल्यू सर मैं यहां पर डालूंगा सॉरी uh, मैं पे लिखता हूं एक्स लुकअप और लुकऑफ वैल्यू में यहां पर डालूंगा नीरज लुकअप अरे मैं डालूंगा यहां पे उठा के और उसके बाद रिटर्न अरे मैं डालूंगा सैलरी से और उसके बाद देखिए मेरे पास आ रहा है इफ नॉट फाउंड इफ नॉट फाउंड सारा गेम्स इसी का है इफ नॉट फाउंड के लिए मैं क्या करूंगा मैं अपने कोर्ट्स ओपन करता हूँ और कोर्ट्स में सर समय लिख देता हूं डेटा नॉट अवेलेबल अवेलेबल राइट तो अब मुझे इफ़ एन ए का फॉमूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है आपने अगर एक्सेल क्लब देखा है तो मैंने आपको उसमें वी लुकअप के साथ बताया था कि आप इफ एन ए का फॉर्मला यूज़ करके इस चीज़ को वी लुकअप के साथ भी कर सकते हैं लेकिन अब हम क्यों करेंगे तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई और उसके बाद बस मैं ब्रैकेट क्लोज करने वाला हूँ क्योंकि बाई डिफॉल्ट एक् एक्जैक्ट मैच लेता है देखिए अब मैं ज़रा यहाँ पे जाकर लिखता हूँ विनय और जैसे मैंने विनय लिखा विनय आप देख रहे हैं सर मेरे डेटा में है ही नहीं जब विनय मेरे डेटा में नहीं है नाम में तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया डेटा नॉट अवेलेबल तो नाउ दिस इज समथिंग अमेजिंग आप अपने हैश ऐ वाले एरर से भी अपने आप को जो है बचा सकते हैं एक्स लुकअप की मदद से राइट सो so यहाँ पे देखिए मैंने इसका एक और एडवांटेज लिखा होगा एडवांटेज ही एडवांटेज है भाई इसके आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप इन बिल्ट इफ नॉट फाउंड है इसके अंदर इन बिल्ट इफ नॉट फाउंड तो राइट पे देख सकते हैं इन बिल्ट इफ नॉट फाउंड का फायदा उठा सकते हैं कॉलम में मैटर नहीं करता डिलीट और ऐड कर सकते हैं नए कॉलम तब भी आपका आंसर नहीं चेंज होगा बाय डिफॉल्ट इट इज गेटिंग वॉट कम ऑन एग्जैक्ट मैच Right. Yes. स में, के के में भी शॉर्टिंग की जरूरत नहीं है आपने अप्रोक्सीमेट मैच का भी जो है एग्जाम्पल बना रखा है आई मैं आपको दिखाता हूं देखिए पहले जो है इसकी शॉर्टिंग कर देते हैं ढंग से ताकि जो है आपको uh, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ दस पच्चीस पचास ठीक है अभी देखिए इसकी शॉर्टिंग हो रखी है और सर क्वांटिटी के बेस पर डिस्काउंट है तो यहाँ पर सर हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं जरा वी लुकअप वी लुकअप का फॉर्मला मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझे सॉरी सॉरी सात और पंद्रह राइट चल भाई पंद्रह चाहिए बाबा ओके okay. तो वी लुकअप का फॉर्मले से सर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे करते थे अप्रॉक्सीमट मैच के केस में लुकअप वैल्यू जो है सर मुझे देखनी है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आप पे आपको सेल बता देता तो हूँ मेरी सेल है थर्टी फोर यूनिट्स की राइट सो so, अब मैं वी लुकअप लगाता हूँ यहाँ पे. वी लुकअप लगाता लगातार लुकअप वैल्यू मुझे देखने थर्टी फोर टेबल है मैंने बता दिया कि भाई मेरी टेबल जो है ये वाली है उसके बाद मैंने बोला कि सर कॉलम इंडेक्स नंबर टू में से आप मुझे डिस्काउंट बताओ और अब क्योंकि वी कप में मैं अप्रॉक्सीमेट मैच लगा रहा हूँ तो मैं सीधा ब्रैकेट क्लोज कर सकता हूँ और ये मुझे बता देगा कि कितना डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है राइट right. सो so, मैं इसका जल्दी से जो एक बार फॉर्मेट जस्ट आपको दिखाने वाले चेंज कर देता हूँ तो, तो थर्टी फोर यूनिट से आपको जो है पंद्रह का डिस्काउंट मिलेगा और ये ये चीज़ मैंने कैसे करी वी लुकअप के फॉर्मला से अब सेम काम मैं करना चाहता हूँ एक्स लुकअप के फॉर्मला से तो देखिए क्या होने वाला है सेम काम अगर मैं करना चाहता हूँ एक्स लुकअप के फॉर्मूला से मैंने बोला थर्टी फोर यूनिट है मैंने यहाँ पर जो है एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया लुकअप वैल्यू मुझे ढूंढनी है क्या थर्टी फोर ध्यान से देखते जाइएगा लुकअप अरे यहाँ पर देखेंगे सर हम लोग और उसके बाद जो है रिटर्न अरे जो है मुझे यहाँ से चाहिए इफ नॉट फाउंड सर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ नहीं तो कोई जरूरत नहीं है मैच मोड देखिए आपके पास खुल गया है एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम मैं एक्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए जाऊंगा क्योंकि क्या होगा मैं देखना चाहता हूँ थर्टी फोर की सेल हुई है तो मैं कौन से कौन से कैटेगरी में फॉल करूंगा तो भाई मैं एग्जैक्ट मैच या तो थर्टी फोर मिल जाए या उससे कम वाला मिल जाए तो मैंने माइनस वन यहाँ पे लगा दिया अब माइनस वन लगाने के बाद अभी तो सर्च मोड में नहीं जाता हूँ मैं सीधे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और देखिए यहाँ पर भी जो आंसर है वो कितना आ रहा है यहाँ पर भी आंसर आ रहा है फिफ्टीन परसेंट मैं इसको शॉर्टकट से भी चेंज कर सकता हूँ बट अभी शॉर्टकट के लिए नहीं जा रहा यहाँ पर भी आंसर आ रहा है फिफ्टीन परसेंट लेकिन अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको के जो है यहां पे शिफ्ट कर दिया मैंने इसको उठा के जो है यहां पे, पे शिफ्ट कर दिया हो जाए भाई ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा है बट कोई बात नहीं मैं आपको अभी मैनुअली करके दिखा देता हूँ पच्चीस पच्चीस पंद्रह माउस की खराबी और यहां पे कर दी मैंने दस सात अब आप देखिए क्या गड़बड़ होने वाली है लीजिए सर अब आप देखिए ये वी लुकअप का आंसर था वी लुकअप का आंसर आपको गलत बता रहा है और एक्स लुकअप का आंसर जो है आपका सही बता रहा है हाँ जी बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं क्यों वी लुकअप में गलत बता रहा है क्योंकि वी लुकअप में जब भी आप अप्रोक्सीमेट मैच करते थे तो आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए था लेकिन एक्स लुकअप में सर शॉर्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं ये देखिए सर फिर से एक्स का एक एडवांटेज मैंने आप लिखा है नो सॉर्टिंग रिक्वायर्ड for approximate match. Let me tell you again, no sorting is required for approximate match. लीजिए सर तो ये है सर हमारे पास V lookup के ऊपर कुछ फायदे X lookup के और X lookup सर जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा बहुत सारे लोगों की एक बार सर एक्स लुकअप जब जनरल पब्लिक के पास आ जाएगा यानी कि जो ऑफिस पैकेज यूजर्स हैं उनके पास आ जाएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाला है और अभी मैं सर आपको एक्स लुकअप लुकअप में टू वे भी सिखाऊंगा डोंट वरी एट ऑल कि वो कैसे काम करता है टू वे लुकअप सीखेंगे सर इससे पहले हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि एक्स लुकअप में लुक मल्टीपल लुक वैल्यूज कैसे आप ढूंढ सकते हैं तो देखिए यहां पर मैंने छोटा सा डेटा आप लोगों के लिए जो तैयार कर दिया है यहाँ कोड है फॉर एग्जाम्पल मैं इंप्लॉय कोड लिख देता हूँ एनसी जीरो अब सर मैं क्या करना चाहता हूँ इस इम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम रीजन और सैलरी जानना चाहता हूँ इस वाली टेबल से तो मैं एक्स लुकअप लगाने की कोशिश करता हूँ देखिए मैंने एक्स लुकअप लगाया लुकअप वैल्यू मुझे चाहिए सर ये और ये लुकअप वैल्यू मुझे कहाँ ढूंढनी है इस एरे में ढूंढनी है और इस एरे के बाद मुझे जो रिटर्न रिटर्न एरे चाहिए वो सब देखिए मैंने इस बार रिटर्न एरे एक कॉलम सेलेक्ट ना करके मैंने जो जो डेटा मुझे चाहिए मैंने वो सिलेक्ट कर डाला है और मैं सिंपली ब्रैकेट क्लोज करूंगा ये एग्जैक्ट मैच मोड में अपने आप चला जाएगा और देखिए एंटरप्रेस करते ही क्या हुआ मैंने फॉर्मूला सिर्फ एक सेल में लगाया बाकी मुझे कहीं पर भी जो है फॉर्मुला ना लगाने की कोशिश ना लगानी पड़ा और ना ही मुझे कॉपी करना पड़ा अब ध्यान से देखेंगे जब मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो इस फार्मूला बार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रेड आउट जो है आपको फॉमुला दिखता है बेसिकली आप इस फॉमूला को यहाँ से चेंज नहीं कर सकते आपको चेंज करना तो यहीं से चेंज वो होगा यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है आपको फिगर्स उठा के दिए हैं सो so, ये है सर एक्स लुकअप की मल्टीपल वैल्यूज निकालने का एक तरीका जो शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कि मल्टीपल वैल्यूज आप निकाल सकते हैं सो so, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं नाइन्थ एडवांटेज मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो पॉसिबल ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ एक्स लुकअप राइट बेसिकली इसे फार्मूला स्पेलिंग भी बोलते हैं स्पिल कर देना या जो भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल वर्ड यूज करना चाहता है राइट right? लीजिए अच्छा तो हम लोग सर काफी सारी चीजें आई होप इसको इंजॉय कर रहे हैं वीडियो को भी कहीं मत भी तो जो है आपको और सिखानी हैं। आ इस है इस कर्सर को के वैसे करेंगे तो अपने आप जो है वो दो सेल्स ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं बहुत आसानी से ब्रेक में वीडियो जब बीच में रोकी थी तो मैंने इसमें अपना माउस चेंज कर दिया चलिए तो अब सीखते हैं एक्सलोकअप की और नई बातें कि क्या क्या चीजें जो है माइक्रोसॉफ्ट ने और इंट्रूस

टैक्स राइट इनकम टैक्स के उसके कितने मार्क्स में पता करना चाहता हूँ तो वेरी सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ मैं एक्स लुकअप का यूज कर सकता हूँ एक्स लुकअप में क्या करूँगा लुकअप वैल्यू मुझे ए के मार्क्स ढूंढने हैं कहाँ से उठाऊंगा ए के मार्क्स यहाँ से उठाऊंगा ए के मार्क्स रिटर्न अरे क्योंकि मुझे इनकम टैक्स में मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ से उठा लूंगा उसके मार्क्स और उसके बाद जो है मैं क्या कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा अपने आप एक्जैक्ट मैक्स लग जाएगा एटी आ जाएगा अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी तक जो हमने सीख लिया एक तरह से उसके रिविजन कर लेते हैं जल्दी से मैं अगर इसमें ऐसे कर देता एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू में मैं डाल देता मैं ए के मार्क्स चाहिए मुझे ए के मार्क्स चाहिए मुझे कहाँ से चाहिए ये मुझे ए के मार्क्स ए कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा और ए के मार्क्स जो है मुझे मैंने देखिए अब क्या किया आपने नोटिस किया मैंने क्या किया ये देखिए स्पिल कर दिया अब सिर्फ इनकम टैक्स के ही नहीं मुझे यहाँ पे ऑडिटिंग के और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी मार्क्स मिल रहे हैं ऑल तो मैंने उनकी हेडिंग जो है वो नहीं बनाई है तो ये तो हो गया सर सिंपल सर्च करने का तरीका हमारा आप देखेंगे ध्यान से मैं इसमें जाके जो है डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ इसको राइट बिकॉज ऑफ वॉट फॉमूला यू कैन नॉट डिलीट दी सेल्स याद रखेगा देखिए मैं बार बार डिलीट बटन दबा रहा हूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे अपना फॉर्मूला ही जो है वो चेंज करना पड़ेगा दोबारा से एक्स लुकअप में जाता हूँ लुकअप वैल्यू लुकअप रे एंड देन हमारा रिटर्न अरे एंड दैट्स इट लीजिए अब फॉमूला सर मेरा जो है बिल्कुल सही लग गया अब क्या मजा आए देखिए मैंने इसको डायनेमिक बनाया है डायनेमिक कैसे बनाया मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इसने बी के मार्क्स बता दिए मैंने लिखा सी सी के मार्क्स बता दिए अब क्या है मैं चाहता हूं यहां पे भी मैं, जब मैं सब्जेक्ट भी चेंज करूं तो अपने आप जो है सर वो नंबर भी चेंज हो जाए फॉर एग्जाम्पल मैं, मैंने यहां पे क्या करा है सर ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है मैंने अभी यहां पे जो है सी के हिसाब से तो फॉर्मला सही लगाया मैंने लुकअप वैल्यू में इसको डाल दिया था लेकिन मेरे सब्जेक्ट चेंज करने से मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं करके कर दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने एस लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ा एक तो मैंने उसको फॉर्मूले में यूज नहीं किया प्लस पहले ये पॉसिबल नहीं था अब सर यहां पे जो है मैं टू वे लुकअप लगाने वाला हूं यानी मेरा लुकअप जो है दोनों फैक्टर को देखेगा सबसे पहले नेम को भी देखेगा और इनकम टैक्स को भी देखेगा और अकॉर्डिंगली मार्क्स बताएगा यानी नेम को भी देखेगा सब्जेक्ट को भी देखेगा और अकॉर्डिंगली मार्क्स बताएगा ये सर एक्स लुकअप में पॉसिबिलिटी है नेस्टेड एक्स लुकअप के फॉर्मुला से आप ये काम जो है कर सकते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप क्या है यानी एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप एक्सलुकअपूला लगा के आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है दो क्राइटेरिया के बेसिस पे लुकअप लगा सकते हैं यानी आप सब्जेक्ट और नाम देख यहाँ पे बताएंगे अभी आप सिर्फ नाम देख के और एक सब्जेक्ट का आप आंसर यहां पे बता रहे हैं फिर मैं ये इसे भी डायनेमिक कर दूंगा और सर ये तो मेरा डायनेमिक है और यहां है अपने आप मेरा आ जाएगा अब हम वो पॉसिबिलिटी देखने जा रहे हैं आइए तो अब देखते हैं सर वो अपना टू वे वी लुक टू वे एक्स लुकअप जो है वो कैसे काम करने वाला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मुला लगाता हूँ देखिए कैसे एक्स लुकअप के फॉर्मूला में मैं लुकअप वैल्यू सी ही रखूंगा और साथ में मैं क्या करने वाला हूँ लुकअप अरे मैं कहूँगा जी मुझे तो सारे के सारे जो है वो मार्क्स चाहिए लुक सॉरी 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 हाँ लुकअप अरे के लिए मैं क्या करूँगा सारे नेम सेलेक्ट कर लूँगा देन उसके बाद रिटर्न अरे में मैं बोलूँगा भाई मुझे तो ये पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए हमने पहले भी किया था बट डोंट वेरे एट ऑल मैं कुछ अलग करने वाला हूँ इसको मैं करके जैसे एंटर कर दूं। फिर हमारे पास सर डेटा जो पे, यहां पे सारे मार्क्स आ जाएंगे। बट अब दूंगा डिलीट अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं है बड़े काम की चीज़। एक्स लुकअप और अब लुकअप वैल्यू क्या रखूंगा अपनी लुकअप वैल्यू रखूंगा मैं यहां से अपना सब्जेक्ट ओके और इस लुकअप वैल्यू को रखते हुए मैं लुकअप अरे क्या रखूंगा मुझे ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे और रिटर्न अरे रखते समय रिटर्न अरे रखते समय मैं अपना वो पुराना फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा देखिए अब क्या जादू होने वाला है एक्स लुकअप के अंदर मैंने एक्स लुकअप लगा दिया है और इससे क्या होगा मैं मैंने अपने सब्जेक्ट को भी जो है डायनेमिक बना दिया है आप अगर ध्यान से इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है इस समय ये एक्स लुकअप का फॉर्मूला बोल रहा है कि ये सब्जेक्ट ढूंढो इनकम टैक्स ठीक है जी ढूंढ लेंगे जाके हम लोग और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद क्या करना सब्जेक्ट ढूंढने के बाद स्टूडेंट के नाम के हिसाब से उसके उसी सब्जेक्ट के मार्क्स बता देना पहले तो सब्जेक्ट ढूंढो इनकम टैक्स इनकम टैक्स ढूंढ लेगा फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम ढूंढेगा स्टूडेंट के नाम के आगे जो उस सब्जेक्ट में जो हमने सब्जेक्ट ढूंढा है वो मार्क्स ये बता देगा और लीजिए मैं कर देता हूँ उसको क्लोज और एंटर कर देता हूँ अब देखिए क्या जादू होने वाला है तो यहाँ पता है इनकम टैक्स मैं कर देता हूँ एस और ये दीजिए सेवेंटी सी के एस एम सब्जेक्ट में जो है मार्क्स कितने आए थे सेवेंटी सिक्स यहां पर मैं कर देता हूं बी तो लीजिए सर बी के एस एम में कितने मार्क्स थे सिक्सटी सेवन लेकिन बी के अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ऑडिटिंग तो बी के ऑडिटिंग में कितने मार्क्स थे एटी नाइन बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है जरूर एटी नाइनटी वन से पढ़ा होगा एनीवेज तो ये थे सर हमारे टू वे एक्स लुकअप आई होप आपको ये भी भी जो जो है है। है वो वो तो देख 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 लिया, approximate match देख लिया, लिया, लिया और हमने X लगाना भी जो है वो सीख आइए तो जल्दी से देख लेते हैं सर अब हमारे पास जो है एक और फंक्शन एक्स लुकअप का और वो सर एच लुकअप को भी रिप्लेस कर देगा बस मैं यही बताना चाहता हूँ वैसे आपको इसका अंदाजा लग गया होगा बट फिर मैं आपको एक बार जो है करके दिखा देता हूं तो आपका वी लुकअप इंडेक्स मैच एच लुकअप ये सब जो सर बेकार होने वाले हैं तो मैं बोलता हूँ सर पापा हैं पापा पापा किसके पापा वी लुकअप के पापा एच लुकअप के, के पापा इंडेक्स मैच के पापा तो एच लुकअप में क्या होता है सर हमारा डेटा बस सर हॉरिजोटली जो है हमें ढूंढना होता है तो लीजिए सर हम हॉरिजॉन्टली ढूंढ लेते हैं बस आपको बेस पता होना चाहिए फॉर्मुले का लुकअप वैल्यू मुझे इस बच्चे के मार्क्स ढूंढने हैं इस बच्चे के मार्क्स ढूंढने हैं सर बच्चा कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा इस बच्चे के इनकम टैक्स का मार्क्स कहाँ मिलेंगे यहाँ मिलेंगे लीजिए सर बन गया सर हमारा फॉर्मूला राइट और आपको पता ही है कि सर अगर मैं सब्जेक्ट को भी डायनेमिक बनाना चाहता हूँ तो मैं दो एक्स लुकअप के फार्मूलेज यूज़ कर सकता हूँ और सर आगे बढ़ सकता हूँ राइट लीजिए ये थी सर आपकी एक्सलो कप की काफ़ी बेसिक की वीडियो इसके बाद सर एक्सलो कप पर और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए सर आपको हमारे एक्सएल क्लब में आना पड़ेगा उसका मंबर बनना पड़ेगा उसका मैंबर बनना बहुत ही आसान है एडियो नाइनटी ऐप पर जाइए और एक्सएल क्लब के मेबर बन जाइए

पास्ट का भी स्किल था प्रेजेंट का, का भी स्किल है और फ्यूचर का भी स्किल है एटलीस्ट बेस लेवल जॉब्स हैं जिसमें सर आपको जो पहली जॉब्स मिलेंगी जहां पे सर आपको बहुत सारे डेटा को क्रंच करना पड़ेगा एनालाइज करना पड़ेगा उसमें बहुत काम आएगा आगे चल के आपको पावर बी सीखना पड़ सकता है और एडवांस टूल सीखने पड़ सकते हैं लेकिन एक्सेल हर किसी का बेस बने का याद रखिएगा अगर आज की डेट में कोई बोलता है मुझे पावर बी सीखना है या मुझे कोई और अच्छा सॉफ्टवेयर सीखना है तो आपको देखिए अगर उसके एक्सेल के एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होंगे तो उसको बाकी सॉफ्टवेयर जो है आसानी से समझ भी आएंगे और उसको अच्छे से यूज़ भी कर पाएगा एंड फिर भी मैं बोलूंगा कि एक्सेल की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती हुई दिख रही मुझे अभी तो एटलीस्ट अगले 10 साल 15 साल मुझे एक्सेल की इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म होती हुई नहीं दिख रही है सर हमारा ये धमाकेदार फॉर्मूला ये धमाकेदार फॉर्मूला सर मैं आपको बताता हूं प्रॉमिस कर रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले भी बोला ये आपकी सर लाइफ बदल देगा अगर आप एक्सेल यूजर हैं और आप बहुत बड़े डेटा से जो है डील करते हैं और आपको उस डेटा में से कुछ चीजों को मार्क करना होता है फ्लैग करना होता है टैग करना होता है बाहर निकालना होता है तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा जो है मदद करने वाला और सिंपल सा फॉर्मूला वो है सर इफ वाला फॉर्मूला राइट right? इक्वेज टू करके आप लोग इफ दबाएंगे तो आपके पास इफ का फॉर्मूला जो है वो शुरू हो जाएगा और आपको यहां पर सर ये बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा मदद करेगा चलिए इफ को प्रेस करने के बाद सर मैं अपना ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास पूरे फॉर्मुले का स्ट्रक्चर जो है यहां पर आ चुका है फॉर्मुले का स्ट्रक्चर बताता है कि पहले आप लॉजिकल टेस्ट बताइए फिर आप बताइए अगर उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो आप क्या करना चाहते हैं और फिर वो कहते है, सर आप उसकी हैं true, okay? अब मैं इस फॉर्मुले को आपको लगा के दिखाऊंगा सर हमारे फॉर्मुला बार के साथ में जो एफिक्स बटन होता है फॉर्मुला आर्ग्यूमेंट का जो बटन होता है उसकी मदद से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो मुझे आपको फॉर्मुला समझाने में काफी मदद करेगा कहा है वो बटन ये रहा वो बटन जो कि सर आपको बहुत 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 ज्यादा जो है वो मदद करने वाला है ओके okay, समझ जल्दी से आ जाता है तो मैं इसको प्रेस कर देता हूं आर्ग्यूमेंट का जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है वो समय खुल चुका है लॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या डालते हैं लॉजिकल टेस्ट में हम लोग वो कंडीशन डालेंगे जिसके ट्रू या फॉल्स होने पर एक पर्टिकुलर एंट्री मार्क होगी टैग होगी एक व्यक्ति जो है सिलेक्ट होगा

मेरा पहला जो फॉर्मुला का पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया मैंने लॉजिकल टेस्ट डाल दिया अब मुझे बताना है कि अगर जी टू पचास हजार से बड़ा तो क्या हो क्या करना चाहते हो बाबू तो मैं कहता हूं जी जी टू अगर पचास हजार से बड़ा हो तो उसे मार्क कर दिया जाए एज एक्सपेंसिव यानी जिस भी इंप्लॉय की सैलरी पचास हजार से ज्यादा है उसके आगे लिखा जाए एक्सपेंसिव फिर वैल्यू फॉल्स अगर पचास हजार से कम हो तो क्या लिखा है मैं पहले इसको ब्लैंक छोड़ के दिखाता हूं आपको और देखता हूं कि क्या होता है तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया और मैंने ओके प्रेस कर दिया तो आप ये देखिए क्या यहां पे फॉल्स आ रहा है क्यों क्योंकि सर ये जो हमारे एम्प्लॉई है मिस्टर नीरज अरोड़ा इनकी सैलरी जो है वो है पच्चीस यानी पचास से कम है और यहां पे फॉल्स क्यों लिखा गया क्योंकि हमने तो एक्सल को बोला नहीं भाई यहां फॉल्स लिखो तब भी एक्सल ने हमें फॉल्स लिख दिया एक्सल हमारी बात क्यों नहीं मानते तुम कह रहे मानूंगा तो सही आपकी बात लेकिन आप आर्ग्यूमेंट्स तो सही लगाओ यहां पे जब आपको लिखना होता है एक्सेल में कि कुछ ना आए आपके सेल में कुछ भी ना आए तो आपको कोटेशन मार्क जो है यूज करने पड़ते हैं ये देखिए अब मैंने इसको ऐसा कर दिया अब ये बोलता है जी वैल्यू इफ फॉल्स यानी कि जीरो कुछ नहीं आएगा ब्लैंक रहेगा अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूं इसको यानी कि मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं तो वैल्यू फॉल्स का मतलब समझ रहा है कि भैया फॉल्स लिख दूंगा मैं वहां जाके राइट right? और अगर मैं यहां पे डबल कोटेशन मार्क्स जो है यूज कर रहा हूं अब ये कह रहा है कि मुझे समझ आ गया आप चाहते हो कि अगर फॉल्स हो ये स्टेटमेंट यानी कि अगर कंडीशन ना ना हो तो वहां पे कुछ भी ना है। अब ओके okay करता हूं देखिए वो गायब हो गया वहां से अब इसी फॉर्मूले को मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूं मेरे सारे वो इंप्लॉय जो पचास से ज्यादा की सैलरी ले रहे थे वो मार्क हो गए यहां पे राइट right? बिल्कुल मार्क हो गए सर लेकिन मैं ये चाहता हूं सर जो पचास से कम ले रहे हैं उनको एक और मार्क मिले इकोनॉमिकल अब वो कैसे करूंगा फिर से, से मैंने यहां पे क्लिक किया मैं अपने सर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में गया फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में जाके मैंने बस यहां पे लिख दिया जी इकोनॉमी कल और अब मैंने इसको ओके okay कर दिया सर ये देखिए और इसको मैंने पूरे फॉमूले को नीचे जो है लाके क्या कर दिया ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मैं बड़ी आसानी से पता लगा सकता हूँ कि सर कौन से मेरे लोग एक्सपेंसिव है कौन से मेरे लोग इकोनॉमिकल है अब आएगा बोनस पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अब जो मैं करके दिखाने वाला हूँ सर इसके लिए आपको शायद दो अलग अलग वीडियोज़ देखनी पड़ती इसके लिए शायद सर आप लोग थोड़ा सा तड़पते और थोड़ा सा परेशान होते सर आंखों को रंग पसंद है मैं बता रहा हूं आपको आंखों को रंग पसंद है बाबू रंग अब वो रंग अगर सर मुझे यहां पे इकोनॉमिक एक्सपेंसिव इकोनॉमिकल एक्सपेंसिव ऐसा लग रहा है मैं कंफ्यूज हो गया यार इसे देख के मैं चाहता हूं भाई जो इकोनॉमिकल है वो ऐसे ही रहे और जो एक्सपेंसिव है वो रेड मार्क हो जाए मैं सर उनको रेड मार्क करना चाहता हूं मैंने सर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सर मैं गया अपने यहां पे एक हमारे स्टाइल्स वाले टैब में पहले तो होम के टैब में स्टाइल्स वाले ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद सर मैंने हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक कर दिया राइट फिर उसके बाद मैंने बोला सर मैं ये वाला रूल यूज करूंगा टेक्स दैट कंटेन्स राइट right? और टेक्स दैट कंटेंस में गया और मैंने यहां पे सर कुछ भी यहां पे जाए वो ढूंढ सकता हूं कि मैं रेड टेक्स करना चाहता हूँ रेड बॉर्डर कस्टम फॉर्मेट करना चाहता हूं मैंने मैं अभी यही रखता हूं लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट मैं ये रखता हूं और मैं यहां पे एक फॉर्मूला डाल देता हूँ कि भाई जिस भी मेरे सेल में एक्सपेंसिव वर्ड यूज हो रहा है प्लीज उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दो और ये लो साहब जैसे ही मैंने ये किया आप देखिए सर सारे मेरे अब बिल्कुल बाहर निकल के आ चुके हैं और मुझे पता चल रहा है कि सर ये मेरे एक्सपेंसिव इंप्लॉयज हैं और जिन पर रेड हाईलाइटेड नहीं है वो मेरे इकोनॉमिकल हैं क्या बात क्या बात, क्या बात बात लेकिन इतने से शांति नहीं पड़ेगी बाबू मुझे इतने से तो शांति बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अभी मुझे आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है सर अभी तो आपने एक ही कंडीशन देखी एक कंडीशन का ट्रू फॉल्स देखा और उसके साथ आपने क्या देख ली अः कंडीशनल uh, फॉर्मेटिंग देख ली लेकिन इतने में भाई मुझे मजा मजाका आने वाला है अभी सर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूं बहुत सारी चीजें वो क्या है जरा ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी फॉर्मूले के अंदर हम और भी काफी कुछ जो है वो सीखने वाले हैं आइए अब मैं आपको जो भी हमने काम किया था उसमें मैं आपको एक गलत चीज दिखाता हूं जो कि प्रोफेशनली हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन हाँ जब हम शुरू शुरू में सीखते हैं तो सर हम ऐसी ऐसी सीखते हैं अब मैंने यहाँ पे क्या किया था आप अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे फंक्शन आर्गुमेंट में जाके तो मैंने यहां पे मैनुअली जो है वो फिफ्टी थाउजेंड लिखा हुआ था अगर आप हमारे एक्सेल क्लब के मेंबर हैं तो आपको पता होगा सर मैं हमेशा कोशिश करता हूं हमेशा बताता हूं कि सब कुछ ऑटोमेटेड हो और ऐसा ऑटोमेटेड हो कि कभी भी किसी तरह की गलती होने के चांसेस जो है वो ना हो राइट अब हम क्या करते हैं हम इसको सब पूरे यहाँ का जो कंटेंट है इसको हम जो लोग लो जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम कर देते हैं क्लियर कंटेंट और साथ साथ में सर हमारी सारी चीजें जो है वो हट गई यहाँ से जो भी काम की नहीं थी अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और लगाने की आपके सामने कोशिश करूंगा मैं आपके लिए यहाँ पे एक सिंपल uh, सा अमाउंट लिख देता हूँ पचास हजार देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ खाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग पंद्रह पंद्रह बीस बीस हजार दोगे ना तो जाके आपको एक्सेल के ऐसे कोर्सेज मिलते हैं मार्क माई वर्ड्स मैं खुद मैंने किया है मैं तभी बता रहा हूँ आपको मैंने दिए हैं भाई राइट आप बोलोगे सर यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी आप भी सर शायद ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर जितनी वीडियोस मिलती हैं वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं स्कैटर्ड फॉर्म में जब वीडियो होती है सर उससे आप सीख नहीं पाते हो उसको फ्लो नहीं बना पाते हो राइट सो प्लीज वो क्लब में जो फायदे हैं ना सर वो अलग ही हैं आइए चलिए आगे चलते हैं मैंने पचास हजार रख दिया अब मैं फॉर्मूला जो है वो ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा कि भाई मैं बस वो पचास हजार चेंज करूं और मेरे पास अपने आप आंसर आने शुरू हो जाए मैंने सर फंक्शन आर्गुमेंट खोल दिया लॉजिकल टेस्ट मैंने बोला जी अगर मेरा दिस यानी सैलरी का जो भी मैंने जी टू सेलेक्ट कर लिया इज ग्रेटर देन दिस ओके और इस बार मैंने फिफ्टी थाउजेंड जो है सेल से किया है देन वैल्यू इफ ट्रू तो मैं बोलूंगा सर वैल्यू इफ ट्रू इज वॉट एक्सपेंसिव अभी आप बोले अभी आप चिंता मत करिए बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है और अगर वैल्यू में बोलूंगा इकोनॉमिकल राइट right. मैंने ओके प्रेस कर दिया तो सर इसका आंसर तो इकोनॉमिकल आ गया अब प्रॉब्लम क्या होगी ये देखिए मैं फॉर्मूला नीचे ले जा रहा हूँ ना ये गड़बड़ करता जा रहा है सर देखिए ये जो तो सैलरी भाई ज्यादा है तो भी भाई इकोनॉमिकल 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 इकोनॉमिकली करे जा रहा है बताइए हाँ या ना क्यों करे जा रहा है सर क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे सेल बेस्ड है और ये बार, बार 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 सर ये इसको यहां से उठाने की कोशिश करता है ये देखिए जब G4 फोर इज ग्रेटर देन आई हो गया सर ये आई थ्री कहाँ से उठाए गए भाई ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे में फॉर्मूला नीचे चलता गया आप इधर ध्यान रखिएगा प्लीज़ इधर ध्यान रखिएगा आप लोग देखिए वो क्या होता जा रहा है मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ आई फोर आई फाइव आई सिक्स आई सेवन तो भाई और वहां पे ये गड़बड़ हो गई मुझसे और जबकि हमारा जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था वहां पे पचास हजार फिक्स था अब इस पचास हजार को हमें फिक्स भी तो करना है पचास हजार फिक्स होगा ना बेटा तभी आपकी असली गेम जो है वो बनेगी अब इस पचास हजार को फिक्स कैसे करने का है मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करने वाला हूं और ये सर फिक्स हो सकता है F4 प्रेस F4 प्रेस प्रेस करके करते ही आपने देखा होगा यहां पे आपको डॉलर के जो है साइन नजर आए होंगे मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूं मैं गया अपने फंक्शन आर्ग्यूमेंट बॉक्स में और अभी देखिए यहां पे कोई डॉलर के साइन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अभी जैसे ही मैं F4 प्रेस करूंगा F4 आपको सर मेरे जो कॉलम है आई उसके साथ भी एक डॉलर का साइन दिखाई दिया और जो हमारा आ, सेल नंबर है वन उसके साथ भी आपको डॉलर का साइन नजर आया इसका मतलब सेल फिक्स हो गया इस फॉर्मले में अब ये फॉर्मुला नीचे मैं कितने स्क्रॉल कर लूं उधर से G2 मैंने फिक्स नहीं करा क्योंकि वहां तो सर मुझे वो उठाना है G2 G3 G4 G5 G6 वो चेक करने है उसको कंपेयर किससे करना है पचास हजार से अब मुझे पचास हजार को फिक्स करना है वो मैंने फिक्स कर दिया और मैंने कर दिया जी ओके अब सर आप इस फॉर्मूले का माल देखेगा अब सर आप जो है आपको बताने लग जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले से लगा रखी है और फिर से सर हमारे पास सही आंसर आ गए अब आप में से कई लोग जो हैं वो बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया आप शांतिपूर्वक तरीके से जैसा आपने पहले किया था आप यहां पे सीधा पचास हजार लिखते काम बन जाता नहीं काम बन जाता लेकिन सर वो दिहाड़ी बनाओ काम होता बेटा क्यों मैं कल को देखना चाहता हूं साहब नहीं मुझे पचास हजार नहीं लगते मुझे साठ हजार की जगह साठ हजार डाला और लीजिए तो, जिसकी सैलरी फोर्टी से ऊपर है मुझे वो बहुत एक्सपेंसिव लगता है मैंने पैतालीस हजार डाला गए सर अपने पास सारे के सारे एक्सपेंसिव एम्प्लॉय यही तो सर ऑटोमेशन है छोटा सा प्यारा तरफ से आपको एक गिफ्ट है आपके लिए और देखिए क्या कमाल की चीज सर तो सिर्फ इफ मत सीखिए इफ के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं ये भी सीखिए अगर आपको परफेक्ट बनना है अगर आपको सर कामयाब होना है तो आपको सर एक्सेल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक्सप्लोरेशन ऐसे ही होती है और एक्सेल में काम आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा राइट right. तो देखिए अच्छा ये जो डॉलर के साइन यूज हुए थे मैं आपको एक बार फिर से इन पर थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं डॉलर डॉलर से से आपका आपका सेल सेल जो है 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 फ्रीज हो जाता है, से आपका सेल फिक्स हो जाता जाता फिक्स कि अब आप कहीं भी ड्रैग कर लो आपका सर ये फिगर जो है ये ऊपर से ही उठाने वाला है और कहीं से उठाने वाला नहीं है अगर आप डॉलर नहीं लगाते तो ये वेरिएबल रहता है और जैसे जैसे मैं ड्रैग करता जाऊंगा तो अभी फॉर्मुला क्या था इस क्या था इसमें मैं क्या उठा रहा था मैं ये वाला सेल उठा रहा था मैं ये वाला सेल उठा रहा था राइट तो ये क्या करेगा अब इस वाले में ये ये वाला सेल उठाएगा आप समझे मेरी बात को मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं देखिए, मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था कि भाई ये वाला सेल उठा लेना उसने तो उठा लिया अब जब ये वाला मैं सेल इसमें जब फॉर्मूला ड्रैग करके लाऊंगा तो इसके रेफरेंस में कौन सा कौन सा सेल उठाएगा इसके जस्ट ऊपर वाला क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसे चल रहा था लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें और वो डॉलर का साइन लगाना आ जाए आपको सेल फिक्स करना आ जाए तो सर आपकी काम जो है आपका काम जो है बन जाता है राइट सो so अभी भी मैं बोलूंगा आपने इफ सीख लिया आपने इफ के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख ली आपने इफ के साथ ये भी सीख लिया कि कैसे सारा फिक्स सेल से जो है एंजॉय कर सकते हैं डेटा को आप फिक्स सेल से सर कैसे अपना काम और आसान कर सकते हैं अब सर इफ को और डिटेल में सीखेंगे मैं कह तो रहा हूं सर ये समुद्र है समुद्र ओशन है ओशन राइट तो चलिए सर इस ओशन में डूब जाते हैं और देखते हैं सर इफ के साथ हम और क्या क्या गेम कर सकते हैं आइए अब मैं आपको थोड़ा सा डेटा और स्मूथ बना के यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कर देता हूँ थोड़ा सा ना अपने पास इसको फॉर्मल कर लेता हूँ सैलरी का सर मैंने यहाँ पे जो है एक सैलरी बेंच मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी बेंच राइट सैलरी बेंच उसके बाद मैंने लिख दिया सर कैटेगरी कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई और उसके बाद सर हमारे पास आगे कैटेगरी में इसको डाल देता हूँ वन ये मतलब सिर्फ कैटेगरी डाल के छोड़ देता हूँ देन सैलरी बेंच मार्क मैंने फिक्स कर दिया फोर्टी फाइव थाउजेंड मैं यहाँ पे अलग से ही काम कर रहा हूँ कुछ फिर यहाँ पे हो गया सर एक्सपेंसिव और यहाँ पे हो गया सर हमारे पास ईकोनॉमी ई को

अब से यहां से जो है इसे सेलेक्ट कर लिया देन वैल्यू इफ ट्रू तो मैं जी एक्सपेंसिव इस से okay तो इसने बता right? अब बताने से जो है, वो काम नहीं चलेगा बेटा इकोनॉमिकल बताने से बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं चलने वाला है क्यों नहीं चलने वाला है हूं आपको क्यों नहीं चलने वाला है क्योंकि जैसे मैं फॉर्मूला ट्रैक करूंगा आप ये देखिए फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम विराट केसी राहुल अमित ये क्या आने लग गया भाई ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था हमारा तो फॉमूला बेकार हो गया आप बता सकते हैं मैंने इसमें क्या गलती करी है मैंने सेल्स को जो है वो मैंने फिक्स नहीं किया और अब मैं फिर से जाऊँगा और देखिए मैं सेल कैसे फिक्स करता हूँ यहाँ जाके मैंने एफ़ प्रेस किया ये फ़िक्स हो गया यहाँ जाके मैंने दोबारा से एफ फिक्स किया ये फिक्स हो गया यहाँ मैंने फिर से एफ किया ये फिक्स हो गया ओके कर दिया और अब ये देखिए काम होता जा रहा है सर अपना राइट right. और ये करने के बाद अपने को पता है सर हमें क्या करना है अपने को सर लगानी है इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं हाईलाइट रूल दैट कंटेन एक्सपेंसिव ओके और जैसे मैंने ओके okay क्लिक किया लीजिए सर आपका अलग से आ गए आप इस ऑब्वियसली फिल्टर लगा के एक्सपेंसिव वालों को अलग कर सकते हैं अब एक और चीज देखिए ऐसा मैंने क्यों किया मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब यहां कुछ भी चेंज करें ये आपका सर पैरामीटर uh, मैंने बना दिया यहाँ पे मैंने आपकी कंडीशन और मैंने यहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स का आंसर लिख दिया आप कंडीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं कंडीशन में जैसे मैं डालूंगा सत्तर हजार तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया सर देखिए राइट कंडीशन में जैसे ही मैं डालूंगा सर तीस हजार उसका इम्पैक्ट यहाँ पे सर आपको दिखने लग जाएगा राइट right? और एक्सपेंसिव की जगह मैं रखना चाहता हूँ कि भाई मैं लिखूंगा नॉट इकोनॉमिकल नॉट इकोनॉमिकल देखिए जैसे मैंने वहां पे लिखा सर यहाँ पे सर ये चीजें आ गई कंडीशन फॉर्मेटिंग क्यों हट गई भाई क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी थी अगर सेल में एक्सपेंसिव है तो ये काम होना चाहिए है ना तो हमने सर इसको वहां से जैसे चेंज किया यहाँ पे सर आपका नॉट इकोनॉमिकल आ गया तो ये सर ऑटोमेशन में और हमारी जो है काफी मदद कर रहा है तो अभी भी मैं बोलूंगा इफ फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है लेकिन हम सर अभी मतलब इसको बंद नहीं कर रहा हूं वीडियो को और बना रहा हूं ताकि आपको पूरा डिटेल में जो है वो चीज़ें समझाता जाऊं और अब सर हमने इफ के बारे में काफी कुछ सीख लिया क्या हम दो कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं अब मैं ये देखने जा रहा हूं yes, बिल्कुल हम लोग जो है दो कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं कई बार से उसे नेस्टेड इफ भी बोल देते हैं यानी इफ के अंदर इफ राइट right? हम दो कंडीशन डेफिनेटली एक साथ लगा सकते हम यही देखने जा रहे हैं कि हम दो कंडीशंस एक साथ कैसे लगा सकते हैं आइए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं अब सर मैं आपको एक साथ दो कंडीशन लगा के दिखाऊंगा यानी कि आप दो कंडीशन लगाने के बाद ट्रू और फॉल्स के हिसाब से आंसर डिसाइड करेंगे राइट right. सो so, मैं देखना चाहता हूं सर ऐसे इम्प्लॉयज को इम्प्लॉय वर्किंग इन ऑपरेशन ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं एंड हैविंग सैलरी अबव फिफ्टी थाउजेंड राइट सो सर फॉर्मुला लगाना शुरू करेंगे और याद रखिएगा मेरे को दो कंडीशन लगानी है मैंने इफ लगाया और इफ लगाने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करके मैं एंड लगाऊंगा और अब जरा दो मिनट के लिए आप यहाँ पर रीड करेंगे क्या लिखा है चेक वेदर ऑल दी आर ट्रू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड पे क्या है वो ये है कि सर आपको चेक करना है ऑल दी दर्ग्यूमेंट ऑल दी दर्ग्यूमेंट आर ट्रू ऑल मतलब सर आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट लगाने वाले हैं एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट जो है आप लगाने वाले हैं और जब सब के सब ट्रू होंगे तो आप जो ट्रू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आएगा यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं, मैं कहता हूं कि सर मैं ढूंढना चाहता हूं ऑपरेशन में काम करता हूँ सैलरी पचास ज्यादा हो तो दो कंडीशन लगा दी दोनों जब सेटिस्फाई होंगे दोनों लॉजिकल टेस्ट जब ट्रू होंगे तब ये आपको आपका रिजल्ट देगा आप ट्रू में आप लिख सकते हैं कि भाई यस uh, yes, या फॉल्स uh, में लिख सकते हैं नो no, या ट्रू में आप लिख सकते हैं कि ओके okay, मार्क या फिर फॉल्स मिल सकते हैं ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं मैं आपको भी करके दिखाता हूँ आइए सो so, यहाँ पे हम गए एंड लगाने के बाद मैं अपने आ, एक और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी दोनों लॉजिकल कंडीशन यहाँ पे डाल सकता हूँ फंक्शन आर्ग्यूमेंट को खोल के फंक्शन आर्ग्यूमेंट में मैंने पहली कंडीशन डाली कि भाई मुझे जो एफ चाहिए वो चाहिए ध्यान से देखिएगा और मुझे अब कोटेशन ऑन करनी पड़ेगी और कोटेशन जब मैं दो बार प्रेस करूंगा मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा और मैं इसमें ऑपरेशन लिखने जा रहा हूं लॉजिकल टू की अगर मैं बात करूं तो मैं उसमें सर जी में लगा देता हूँ फॉर्मूला और वो लगा देता हूँ इज इक्वल टू जी कॉलम के लिए इज ग्रेटर अब मैं ऐसे इंप्लॉइज को चाहता हूं कि भाई मुझे वो लोग मिले जो ऑपरेशंस में काम करते हैं उनकी सैलरी पचास हजार से ज्यादा है मैंने कहा जी ओके अब ओके नहीं करेंगे ओके करेंगे तो देखिए क्या बोलेगा ये बोलेंगे कुछ तो तो मिसिंग मिसिंग है है सर आपके में क्यों क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ और इसको दो लॉजिकल टेस्ट बताए अब हमें बताना है कि ट्रू वैल्यू क्या होगी अगर ट्रू होता है तो वैल्यू क्या लाऊं और फॉल्स होता है तो वैल्यू क्यों लाऊं मैं फिर से सर आर्ग्यूमेंट बॉक्स पे गया और याद रखिए ये एक चीज जरा मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए पूरा मैं रिपीट करता हूं मैंने इफ लगाया

फिर ब्रैकेट ओपन करें एंड करें फिर आप ब्रैकेट प्रेस करेंगे फिर आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट में जाएंगे अब आप यहाँ पे अपने लॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं और पहला लॉजिकल टेस्ट है जी मे को चाहिए ओके okay. और लॉजिकल टेस्ट मुझे टू जो चाहिए वो चाहिए कितना uh, G2 greater than, greater than 50, जी टू इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड मैं बोलता हूं जी ओके और उसके बाद ओके okay नहीं करेंगे उसके बाद यहाँ पे आके मैं अपने फॉर्मले को एक्सटेंड करता हूँ जैसे मैंने आप देखिए ये देखिए फर्क देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा डाला यानी कि अब मैं वैल्यू ऑफ ट्रू डालना चाहता हूँ तो मेरा फंक्शन आर्गूमेंट का डायलॉग बॉक्स चेंज हो रहा है जैसे मैं हटाता हूँ इसको तो वापस मैं एंड वाले पे आ जाता हूँ और जैसे मैं इसको करता हूँ इफ वाले पे आ जाता हूँ प्लीज नोट कीजिए इसको मैंने आपको बताया यहाँ पे ये देखिए एंड लिखा आ रहा है और जैसे ही यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा मैं अपने इफ वाले फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बॉक्स में पहुंच जाऊंगा राइट right. अब से मैंने ये कर दिया यहाँ पे आने के बाद इफ़ में मैं बोल रहा हूँ जी आपको अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाए तो आप क्या चाहते हो क्या लिखा आज मैं चाहता हूँ जी उनको फ्लैग कर दिया जाए राइट right. अच्छा फिर फॉल्स हो जाए तो आप क्या चाहते हो अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो फॉल्स लिख देगा अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू डालोगे तो वैल्यू डाल देगा मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और देखिए यहाँ पे इसने फॉल्स लिख दिया क्योंकि ऑपरेशन में तो है लेकिन सैलरी पचास से ज्यादा नहीं है सोमले को नीचे तक ले जाने के लिए मैं यहाँ पे आया और मैंने डबल क्लिक इस पे किया और इसने सर यहाँ पे आपके लिए लोगों को जो है फ्लैग कर दिया और ये रहे सर वो फ्लैग्ड लोग ये वो लोग हैं जो ऑपरेशन में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी पचास हजार से ज्यादा है ये आपने इफ फंक्शन का एक और यूज देखा यहां पे आपने दो कंडीशन लगाई एंड लेट मी टेल यू कि आप कितनी कंडीशन जो ऐसे लगा सकते हैं आप ऐसे दो कंडीशन लगा सकते हैं साहब देखिए मेरे को कैसे पता चले ये बात दबाया 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 इफ ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन ओपन किया किया एंड और मैं गया अपने डायलॉग बॉक्स पे और अब यह देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आप लगा सकते हैं टेस्ट करने के लिए और ये फॉर्मूला क्या करेगा ये जी चेक वेदर ऑल दी आर ऑर्ग्यूमेंट आर ट्रू जब सारे ट्रू होंगे तभी सर आपके लिए ये आपका ट्रू जो आपने वैल्यू डाली होगी वो ला, वो लेके आएगा Right, जैसे डल फ्लाग, तो फ्लाग तभी आएगा जब दोनों, दोनों आर्ग्यूमेंट जो हमने और अब इफ का एक और यूज में आपको बताने जा रहा हूं और वो भी बहुत जबरदस्त है ऑल द बेस्ट अभी देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए भाई इस वीडियो में आपको मिल रहा है रस बहुत जबरदस्त तरीके से इफ फंक्शन का पोस्टमार्टम हो रहा है और एक बात बता दूं आपको अगर और डिटेल में आपको इफ फंक्शन सीखना है तो आपको अपने आप एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे ये तो समझ लो मैंने बस एक छोटा सा दिया जलाया है अब सर इसको आप बड़ी सी आग में आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं आइए अब हम बात करेंगे सर इफ को आप एक तरीके से और यूज कर सकते हैं और वो क्या है और के साथ ओ आर वाले और के साथ अभी हमने एंड के साथ यूज करके देखा जब हम एंड के साथ यूज करते थे तो वो देखता था कि जितनी भी कंडीशन दी गई है

लॉजिकल uh, टू है uh, पचास हजार uh, ही मैं सिलेक्ट करता हूं लेस देन पच्चीस हजार राइट अच्छा इस फॉर्मूले का मैं यूज केस के बताता हूं आपको यूज केस ये है कि मैं कभी कभी देखना चाहता हूं कि बड़े आइटम्स और छोटे आइटम्स तो बड़े आइटम्स और छोटे आइटम्स को निकाल के मैं करना चाहता हूं कि भाई इन्हें चेक करें या ना करें अब मैंने एक और मैंने कॉमा डाला और सब मेरा फंक्शन जो है वो इफ में कन्वर्ट हो गया वैल्यू ट्रू मैं लिख देता हूं जी टू बी चेकड ऐसे इंप्लॉयज को मैं चेक करूंगा जिनकी सैलरी या तो पचास हजार से ज्यादा है या पच्चीस हजार से कम है ओके okay? अच्छा वैल्यू फॉल्स नॉट टू बी चेकड राइट देखिए यहाँ पे नॉट टू बी चेक आ गया क्योंकि सर जी इनकी सैलरी इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं फॉल कर रही है अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को पूरे में लगा देता हूँ सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करके लीजिए अब क्योंकि सर मुझे तो ये भाई रंगीन चाहिए रंगीन चाहिए तो सर मैं क्या करूंगा मैं सर इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगा दूंगा हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स दैट कंटेन्स टू बी चेक अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि टू बी चेक नॉट टू बी चेक दोनों में है तो मुझे सर यहाँ पे अपना कुछ जो है एक फार्मूला मैं यहाँ पे आके जाके जा, थोड़ा सा चेंज करता हूँ और चेंज करने के बाद या मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ मैं इस तरह से भी काम कर सकता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारी लॉजिकली बेस्ड है तो मैं एक काम करता हूँ ना मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंड आई विल गो टू दिस 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 दैट कंटेन नॉट देखिए तो नॉट टू बी चेक्ड वालों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ बाकी सर मेरे बन जाएंगे क्या टू बी चेक्ड ओके अब मैं सर इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से मैं जो करना चाहता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट रेड फिल करना चाहता हूँ एक कस्टम फॉर्मेट कर देता हूँ कस्टम फॉर्मेट में मैं जाके कर देता हूँ जी फिल और फिल में मुझे चाहिए क्या ये वाला कलर चाहिए ओके या मैं इसको ये कलर दे देता हूँ ग्रीन कलर दे देता हूँ ओके मैंने कर दिया जी ओके ओके क्योंकि ग्रीन कलर आ गया मतलब ये ग्रीन है इनको हमें चेक नहीं करना है बाकी होगा सर हम लोग क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे लीजिए तो ये सर मैं बोल सकता हूँ कि भाई अब मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ कि मैंने आपको इफ फॉर्मूले के बारे में इफ फंक्शन के बारे में काफी सारी चीजें बता दी अब आप एक्सपेरिमेंट करिए भर दीजिए सर फॉरम को सारा का सारा जो भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं और इंजॉय कीजिए सर इस क्लब को जय हिंद दोस्त मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सल फॉर बिगनर्स एक्सेल सीखना कितना ज्यादा जरूरी है मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात बताई है सो प्लीज एक्सेल को पूरा सीखिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जो है मार्केट वैल्यू जॉब वर्ल्ड में काफी अच्छी हो जाए और नहीं तो आप खुद अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी एक्सेल सीख के उठा सकते हैं एक्सेल में सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स ऐसे के सर आप काम को जल्दी कर पाए जल्दी कर पाए और ठीक भी कर पाए तो कुछ ऐसी चीजें सर जिन्हें शायद करने में माउस से या फिर ट्रेडिशनल तरीके से काफी समय लगता हो उनको आप चुटकी बजाते जो है कंप्लीट कर लें और एक्सेल के शॉर्टकट सर हम लोग शुरू कर रहे हैं सीखना इस वीडियो के अंदर मैं आपको दस दस ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो हैं तो बहुत छोटे छोटे लेकिन सर वो आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और आपको काफी एफिशिएंट और काफी इफेक्टिव बना सकते हैं

ज में अवेलेबल है yes, you heard it right, 399 रुपीज में। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स और आई बटन में दे रहा हूँ जरूर, जरूर 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 चेक कीजिएगा उस कोर्स को और हमारा एक्सल क्लब तो चली रहा है उसका बैच टू हम शुरू कर दिया है बिल्कुल अभी जो है आज शुरू किया है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे आपको सर एक्सल कैटेगरी में दोनों के दोनों चीजें जो है मिल जाएंगी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर जरूर एक बार उन कोर्सेज को को देखें और और ज्वाइन कर कर लें बन मेंबर जल्दी जल्दी से से जल्दी से हमारे चलिए अब इस वीडियो हम देते हैं शुरू इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद और साथ साथ में आप लोगों ने नीचे कॉमेंट में मुझे बताना है कि इस वीडियो में आपको जो शॉर्टकट बताए गए तो उसमें से सबसे अच्छा शॉर्टकट आपको कौन सा लगा ये मुझे आप जरूर बताइएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानके कि आपको कौन सा शॉर्टकट अच्छा लगा और कौन से शॉर्टकट्स हैं इनके अलावा जो सबसे ज्यादा इस लाइफ में यूज होते हैं आपकी एक्सेल की लाइफ में वो भी मुझे कमेंट से कमेंट करके बताइएगा अगर सर समय लगा तो मैं जरूर आपके लिए उनके ऊपर भी एक अच्छी वीडियो बना के दे दूंगा और एक्सेल की जो हमने आज तक की वीडियोस बनाई है को हिट करें। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप भी सीखेंगे आपके दोस्त भी सीखेंगे तभी सर हम सब जो है मिलकर इस चीज को अच्छे से बढ़ा पाएंगे और सिखा पाएंगे राइट डाइज चलो भाई आज शॉर्टकट सीखने तो एक्सेल शॉर्टकट्स में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रिबन शॉर्टकट्स रिबन क्या होता है आपको मैंने बताया था ये है आपका पूरा का पूरा रिबन ओके और इसके रिलेटेड जो भी शॉर्टकट्स हैं जो खास शॉर्टकट्स हैं वो हम सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग नौ शॉर्टकट्स सीखेंगे जिसमें से आठ आपके स्क्रीन पे इस समय सामने लिखे हुए हैं और एक आपको मैं बोनस दूंगा सबसे पहला और सबसे अमेजिंग जो मुझे लगता है शॉर्टकट वो है रिबन टॉगल वट इज़ रिबन टॉगल तो जरा स्क्रीन पर ध्यान लगा के रखिए ये देखिए इस समय आपका रिबन जो है वो गायब हो गया थोड़ा तो सा स्लो हुआ था क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही थी कुछ मे भी अपडेट हो रहा होगा देखिए फिर से आ गया फिर से गायब फिर से आ गया फिर से गायब सो तो हम लोग इस इस समय समय क्या कर रहे हैं हम लोग रिबन को टॉगल कर रहे हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं और उसके शॉर्टकट क्या है कंट्रोल एफ वन कंट्रोल एफ वन राइट तो देखिए इससे फायदा क्या है हम ये भी बात करेंगे कंट्रोल एफ वन मैंने प्रेस किया मेरे पास रिबन वापस आ गया कंट्रोल एफ वन द्वारा प्रेस किया मेरा रिबन जो है वो मिनिमाइज हो गया वाई दिस इज सो अमेजिंग मैं इस समय जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो एक थर्टीन इंच लैपटॉप है डेल एक्सपी अगर आपने सुना हो काफ़ी छोटा लैपटॉप है और काफ़ी कम स्पेस अवेलेबल होता है काम करने के लिए एक्सेल पे इवन आप कितने भी बड़े लैपटॉप पे काम कर लीजिए जब आप एक्सेल में लार्ज डेटा हैंडल कर रहे होते हैं उस समय आपके पास बहुत कम जो है जगह होती है जगह कम पड़ जाती है आई शुड से उस टाइम पे आपके रिबन टॉगल बहुत काम आता है क्योंकि जैसे रिबन मिनिमाइज होता है आपके पास वर्क स्पेस जो है वो बढ़ जाता है राइट अगर मैं बोलूं कि अभी मेरे पास इतना वर्क स्पेस है ये देख लीजिए लेकिन जब रिबन मेरा मैक्सिमाइज होता है तो मेरे पास वर्क स्पेस जो है वो काफी कम हो जाता है इन कंपेरिजन यहां से मेरा वर्क स्पेस जो है वो शुरू होता है राइट गाइज सो कंट्रोल एफ से आप लोग रिबन को हटा सकते हैं और वापिस कंट्रोल वन दबा के ही कंट्रोल एफ ऑन दबाक ही इसको ला भी सकते हैं आइए अब चलते हैं सेकेंड शॉर्टकट पे अपने वो है एक्सेस कीज एक्सेस कीज बोले तो एक तरह से शॉर्टकट कीज भी उनको बोल सकते हैं उनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है आप एक्सेल में किसी सेल में हैं आप ऑल्ट प्रेस कर दीजिए और आपके पास देखेंगे आप ऊपर आपके रिबन में कुछ अल्फाबेट्स लिखे आ गए तो दीज बिकम्स दीज आर दी एक्सेस कीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओके जैसे कि आपको फाइल के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एफ होम के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एच इंसर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा देगा एन पेज लेआउट पे पी ए एम आर डब्ल्यू वाई और ऊपर आपको दिख रहा होगा और साथ में एक बी भी आपको जो है दिख रहा होगा एनीवेज इनसे होता क्या है मैं आपको भी दिखाता हूं बहुत ही काम का लेकिन ये आते कैसे पहले आप ये सीख लीजिए ऑल्ट प्रेस करने से आते हैं एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लैपटॉप में दो जगह पे ऑल्ट होगा लेफ्ट एंड राइट ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट वाले ऑल्ट से आएगा कई लैपटॉप में राइट right वाले ऑल्ट से ये ऑप्शन जो है नहीं आते जैसे कि मैं अभी दोबारा से ऑल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ इस बार राइट right वाला प्रेस कर रहा हूँ और मेरे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है राइट right. तो हम तो इसमें एक चीज और भी लिख लेते हैं यूज लेफ्ट ऑल्ट हो सकता है किसी लैपटॉप में आ जाए लेकिन जनरली बहुत सारे लैपटॉप में राइट right, लेफ्ट से राइट right, ऑल्ट से जो है नहीं आता है लेफ्ट ऑल्ट जब आप प्रेस करते हैं तो आपके

यहां पे मैं एक चीज जो है और इंसर्ट कर देता हूं और वो मैं रख देता हूं उसका नाम टू ए राइट देन टैब सिलेक्शन टैब सिलेक्शन या एक काम करते हैं टू ए क्यों करना हम इसको पूरा लाइन में डाल देते हैं तो इस वीडियो में आप दस फॉर्मूले सीखने वाले हैं कुल मिला राइट टैब सिलेक्शन कैसे काम करेगा जैसे आपने ऑल्ट प्रेस किया ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपके ऊपर जैसे आप, आ, फाइल पे एफ लिखा है एच होम पे एच लिखा है तो जैसे मैं एच दबाऊंगा इसका मतलब होम वाला टैब जो है वो मेरा सेलेक्ट हो गया ये लीजिए राइट ये होते हैं टैब्स होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूलाज एक्सेट्रा ओके सो आप टैब सेलेक्ट कर लेते हैं अब टैब के अंदर क्या है बहुत सारे कमांड्स हैं जैसे कि होम के अंदर मैं बात करूँ तो पहले तो ग्रुप्स है ये देखिए ग्रुप वन इज ऑफ क्लिप ग्रुप टू बिलोंग्स टू फॉन्ट ग्रुप थ्री बिलोंग्स टू अलाइनमेंट ग्रुप ये सब होम टैब के अंदर जो ग्रुप सारे में उनकी बात कर रहा हूँ ग्रुप फोर बिलोंग्स टू नंबर राइट अब मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको देखिए ऑल्ट प्रेस किया एच प्रेस किया अब एच प्रेस करते ही सारे कमांड्स पे जो है एक की आ गई है और आप उस की को प्रेस करके वो कमांड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रिबन टॉगल को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट दबाया मैंने एच दबाया मैंने और उसके बाद आप ध्यान से देखें यहाँ पे फॉन्ट वाले ग्रुप में बोल्ड कमांड पे लिखा आ रहा है वन तो मैं वन प्रेस करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको ऑल्ट एच वन लीजिए ये बोल्ड हो गया कम ऑन हाँ मुझे पता है इसका डेडिकेटेड शॉर्टकट भी है मैंने आपको बताया था कि डेडिकेटेड शॉर्टकट ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप कैसे जो है टैब के अंदर के कमांड को यूज कर सकते हैं तो ऑल्ट से आपके पास एक्टिवेट हो जाती हैं आप टैब सिलेक्ट कर सकते हैं रेलिवेंट कमांड दबा के मैंने एच दबा दिया और आप कमांड सिलेक्ट कर सकते हैं अगेन इस बार जो है, दबा दिया अंडू तो इता, okay. कर करने के लिए होता है कंट्रोल और ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है, है बहुत जगहों पे विंडोज में यूज होने वाली बहुत पे काम कर जाता है राइट ओके, सो टैब टैब सिलेक्शन सिलेक्शन डन, डन। कमांड कमांड अब देखिए कि हम कैसे एक-एक एक-एक करके के एक एक पे जो है नेविगेट कर सकते हैं सो नेविगेशन ऑफ कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूं लेकिन कमांड पे नेविगेट करना चाहता हूं देखिए अब मैं बटन प्रेस कर रहा हूं आपके सामने टैब मैंने टैब प्रेस किया इस समय. टैप प्रेस करते ही आप देखेंगे ध्यान से ये पेस्ट जो है ना ये हाईलाइट हो गया है राइट पेस्ट हाईलाइट हो गया टैब ऑल्ट दबाते ही मेरे पास उन्होंने पूछा कि टैब कौन सा से सेलेक्ट करना मैंने सेलेक्ट कर लिया होम होम दबाते ही जैसे मैंने एच दबाया उन्होंने बोला कोई कमांड सेलेक्ट करना चाहते तो हैं मैंने कहा कमांड मुझे सेलेक्ट ऐसे नहीं करनी मैंने टैब प्रेस कर दिया अब देखिए जैसे जैसे मैं टैब दबा रहा हूं वैसे वैसे मूवमेंट आ रही है मेरे कर्सर में प्लीज नोटिस कीजिए और बिल्कुल सिक्वेंशल ऑर्डर में अंडरलाइन पे आ गया ये मेरे बाउंड्रीज पे आ गया देन फॉन्ट कलर पे आ गया ये बैकग्राउंड कलर पे आ गया फॉन्ट कलर पे आ गया अब नेक्स्ट ग्रुप में जंप कर गया नेक्स्ट ग्रुप में ये अलाइनमेंट है आपकी अप अलाइनमेंट मिडिल अलाइनमेंट डाउन अलाइनमेंट ये धीरे 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 एक एक करके सिक्वेंशली ग्रुप पहले तो हर कमांड पे जाएगा और कमांड के बाद नेक्स्ट ग्रुप में भी जंप कर जाएगा ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं टैब का बटन जो है प्रेस करके कर रहा हूँ राइट right. और अब आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस ना लगे जब आप एक्सेल एक्चुअली में यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाली है आईज राइट right. तो आप टैप प्रेस करके आप नेविगेट कर सकते हैं कमांड्स के बीच में सिक्वेंशली इस बात को समझ लीजिए आप टैप प्रेस करके नेविगेट कर सकते हैं कमांड्स के बीच में सिक्वेंशली ग्रेट आइए जी देन अब देखिए क्या करना है हमने मैं कहता हूं कि मैंने ऑल्ट दबाया एच दबाया मैंने ऑल्ट दबाया उप्स वहाँ पे शायद टाइप हो गया हाँ मैंने ऑल्ट दबाया एच दबाया और अब मैं आ, मुझे पता है कि भाई मैं होम के अंदर तो जा सकता हूँ ठीक है लेकिन क्या हो अगर सर मैं दूसरी टैब में जाना चाहता हूँ एक बार एच दबाने के बाद तो कुछ नहीं मैं सर अपने ये एरो की से राइट एंड लेफ्ट एरो की से आगे पीछे जा रहा हूँ और सिर्फ यही नहीं आप देखिए इससे आप शेयर पे भी चले गए कमेंट्स पे भी चले गए वापस फाइल पे भी आ गए यानी कि सारी कमांड्स आप लोग सिर्फ एरो की से जो है एक्सेस कर सकते हैं एक बात याद रखिएगा आपको ऑल्ट एच दबा के करना पड़ेगा ऑल्ट दबा के बेसिकली करना पड़ेगा जैसे आप ऑल्ट दबाते हैं आप टैब सिलेक्शन जैसे आप ऑल्ट दबाते हैं आप टैब सिलेक्शन में पहुंच जाते हैं उसके बाद आप जो है राइट लेफ्ट की कर सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सेल की शीट में रहते हो राइट लेफ्ट दबाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो सेल में मूवमेंट करेगा देखिए अभी आपको मूवमेंट दिख रही होगी सेल में राइट तो ऑल्ट दबाइए उसके बाद आप टैब्स जो हैं इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं वैसे इससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि ऑल्ट दबाइए और, और एक्सेस की एक्सेस की दबाइए एक्सेस की बोल रहे तो जैसे कि अगर इंसर्ट करना तो एन दबाइए पेज लेआउट के लिए पी दबाइए लेकिन फिर भी आपको मैं एक, एक वे बता रहा हूँ कि आप टैब्स के बीच में एरो की से भी लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं इवन लेफ्ट एंड राइट नहीं आप ऊपर भी जा सकते हैं जो इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार जो आपके रिबन के जस्ट ऊपर है इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी जो है जा सकते हैं और वहाँ पे भी काफी सारी चीजें जो है वो आप सेलेक्ट और वहाँ पर भी काफी सारी चीजें जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं राइट ओके सो इस तरह से आप नेविगेट करते हैं बिटवीन द टैब्स ऑफ द रिबन रिबन ओके अच्छा अब एक चीज और सीखते हैं छोटी सी मैंने ऑल दबाया एच दबाया अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टैब प्रेस कर करके एक एक कमांड पे आता रहा हूं देखिए इस समय मैं टैब प्रेस कर रहा हूं और मैं सीक्वेंसली एक एक कमांड पे जा रहा हूं और एक जब एक ग्रुप की जब कमांड्स खत्म हो जाती है जैसे अलाइनमेंट के ग्रुप की कमांड अब खत्म होगी ये खत्म हो गई अलाइनमेंट के ग्रुप की कमांड अब मैं टैप दबा के नंबर ग्रुप में आ गया फिर नंबर ग्रुप की कमांड खत्म हो गई अब मैं टैप दबा के स्टाइल ग्रुप में आ गया सो आर ग्रुप्स ये जो लिखे ना पे फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल्स सेल्स एडिटिंग एटसेट्रा राइट तो आप जैसे जैसे प्रेस करेंगे आप दूसरे दूसरे ग्रुप में जो है वो आते जाएंगे आप जैसे जैसे आप टैप प्रेस करते जाएंगे लेकिन क्या ग्रुप ग्रुप टू ग्रुप जंप करने का भी तरीका है कुछ हाँ बिल्कुल है सर आप देखिए हमारा सेवन नंबर का जो फॉर्मुला है वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो कंट्रोल प्लस राइट एरो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आप ग्रुप में कैसे नेविगेट कर सकते हैं तो मैंने ऑल दबाया एच दबाया और उसके बाद मैंने जो है देखिए मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबा रहा हूं जरा ऊपर ध्यान रखिएगा ये देखिए पूरा ग्रुप जंप हो गया पूरा का पूरा ग्रुप जंप, जंप हो गया पूरा का पूरा जो है ग्रुप आप जंप कर सकते हैं कंट्रोल राइट एरो से राइट सो इट्स फास्ट और जब आपका होम के जितने ग्रुप खत्म हो जाएंगे तो आपको होम वापस फाइल पे ले आया अब आप टैब्स में अब मैं टैब्स में घूम रहा हूँ क्योंकि मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया बट वंस आई एम इन होम मैं टैब दबा के आ सकता हूँ आई एम एट होम मैं देखिए टैब दबा रहा हूँ अभी तो होम के अंदर हूँ नहीं मैं तो मैं ऊपर टैब से भी मैं जो है आगे नेविगेट कर पा रहा हूँ जैसे मैंने होम पे आके टैब दबाया वापस से मैं वापस अपने जो है कमांड्स में आना शुरू हो गया और टैब से सिक्वेंस चल रहा है आपको एकदम नेक्स्ट ग्रुप में जम्प करना है कंट्रोल राइट एरो प्रीवियस ग्रुप में जाना है कंट्रोल लेफ्ट एरो नेक्स्ट ग्रुप में जाना है कंट्रोल राइट एरो और मजे की बात अगर आप देखिए और भी एक तरीका है टैब्स के बीच में मूव करने का और वो है कमांड्स uh, के बीच में मूव करने का वो है सिंपल एरो लेकिन सिंपल एरो में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको भी दिखाता हूं जैसे कि मैं गया मैंने ऑल्ट प्रेस किया एच प्रेस किया अब उसके बाद मैंने जो है डाउन एरो प्रेस कर दिया देखिए अब इस समय पेस्ट कमांड पे हूं मैं।, मैं मैं अब राइट right, राइट right करता जा रहा हूँ तो सिक्वेंशली नहीं चल रहा है और मैं यहाँ पे एरो कीज यूज करके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकता हूँ ये, ये देखिए मैं कहीं भी जा जा सकता हूँ एरो की यूज करके मैं पूरे में कहीं पे भी ट्रैवल जो है वो कर सकता हूँ देखिए मैंने जैसे डाउन एरो प्रेस किया होम टैब में में डाउन आ गया राइट 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 अप राइट डाउन राइट अप लेफ्ट मतलब बैक हो गया मैं तो मैं कुछ भी यहां से कर सकता हूं अगर मुझे ग्रुप जम्प करना है कंट्रोल एरो अगर मुझे सिक्वेंशली चलना है टैप 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 प्रेस करता जाऊंगा अगर मुझे एरो कीज के थ्रू नेविगेट करना है जल्दी जल्दी तो मैं एरो कीज का इस्तेमाल करके बिना किसी पैटर्न के जो है वो मैं मूव कर सकता हूँ राइट गाइस दिस इज ये बहुत छोटी छोटी नॉलेज है लेकिन ये बहुत 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 काम की है राइट right. अब आप किसी कमांड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है वैसे तो देखिए ऑल्ट एच किसी कमांड को सिलेक्ट करना है तो मैं उसके उसके जो उसके अगेंस्ट जो की है मैं उसको प्रेस कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल्ड करना है मैंने वन प्रेस कर दिया हो गया जी बोल्ड मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ लेकिन एक और भी तरीका है यानी कि ऑल्ट एच और अब मैं टैप प्रेस करके जो है आगे आया ये देखिए और अब मैं बी पे हूं अब मैं कोई मेरे पास कोई मेरे को ऑप्शन दिखा रहा वन प्रेस करूं टू प्रेस करूं थ्री प्रेस करूं तो आई कैन सिंपली यूज द एंटर की और द स्पेस की देखिए मैंने एंटर की यूज किया और यहां पे ब्लॉक हो गया यहां पे बोल्ड हो गया सॉरी राइट मैं दोबारा करके दिखाता हूं ऑल्ट एच टैब मैंने प्रेस किया मैं आ गया एरो की से बोल्ड पे अब मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ तो आप स्पेस की प्रेस करें या आप एंटर की प्रेस करें मेरे लिए दोनों सेम काम कर रही हैं अपने लैपटॉप में भी एक बार चेक करके बताइएगा राइट ये हो गए हमारे कितने कमांड नौ कमांड्स जो हैं हमने देखे यहाँ पे आपको एक एक जबरदस्त कमांड में बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट कमांड जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ टेंथ नंबर यहाँ पे लिख देते हैं और वो है क्रिएट टेबल फ्रॉम डेटा और इस शुरू में मैं बता रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाली है राइट सो वेरी सिंपल आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और आप प्रेस करेंगे टी राइट कंट्रोल प्लस टी दैट्स इट कैसे होगा देखिए ये मेरे पास एक डेटा है रॉ डेटा है मैं इसमें किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया

आपको इसकी यूजिबिलिटी समझ आएगी आने वाले समय में अगर आप एक्सेल क्लब के मेंबर हैं तो आपको डेफिनेटली अभी तक समझ आ चुकी होगी अगर नहीं आप एक्सेल क्लब के मेंबर तो भाई आप लोगों को ये समझ आ जाएगी जब आप एक्चुअली में काम करने उतरेंगे जब आप एक्सेल क्लब के मेंबर बन जाएंगे राइट सो दिस इज अमेजिंग हमने सर अभी अभी इसी वीडियो में हमने दस शॉर्टकट जो है वो सीख डाले जिसमें से एक बोलूंगा कि मैंने आपको दिया है बोनस स्पेशल शॉर्टकट है जो आगे काफी ज्यादा जो है काम आ सकता है Right guys, all the very best. और इसी तरह सीखते, सीखते रहे क्योंकि सीखना बन तो जीत ना बन हम सबको पता है कि एक्सेल एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी और इसके बाद मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए अपने आप जो है मंच उठा लेता है अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे और उसको अगर मैं यहाँ से ड्रैक कर देता हूँ तो ये अपने आप उठा देता है यहाँ से सारे अपने जो डेज हैं उनको राइट ऑल दो यहाँ पर एक ऑप्शन भी आता है इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए बट आप ये देखिए मेरे पास जो इम्प्लॉइज़ हैं मैं उसमें से एक का नाम लिखता हूँ यहाँ पे जो मेरी टीम मेम्बर्स हैं और उसके बाद मैं ड्रैक करता हूँ कमाल 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 करते हो पांडे जी ये कैसे हुआ तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि सर आप लोग जो है एक्सेल में कैसे अपनी जो है एक कस्टम लिस्ट बना सकते हो जिससे आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े बार बार आपको जो है नाम ना टाइप करने पड़े तो कहीं भी मुझे एम्प्लॉयज को कुछ जी डीए साइन करनी होती है कुछ भी करना हो तो मैं तुरंत इसको जो है ट्रैक कर देता हूँ ऐसे में अपने ऑफिस फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दस ऑफिसे हैं तो उनकी कस्टम लिस्ट बना सकता हूँ तुरंत एक ऑफिस का नाम लिख के नीचे ट्रैक करके सारे ऑफिस के नाम ला सकता हूँ अब ये कैसे करना है आपने बहुत सिंपल है आप लोग जाएंगे सबसे पहले फाइल में फाइल में जाने के बाद जो है आप लोग जाएंगे ऑप्शंस uh, में और ऑप्शंस में जाने के बाद आप लोग जाएंगे एडवांस में एडवांस में जाने के बाद आपको एक हेड मिलेगा जनरल का राइट right? उस जनरल के हेड में जाएंगे और आप यहाँ पे जो है कर देंगे एडिट कस्टम लिस्ट अब यहाँ पे देखेंगे पहले से ही बहुत सारी चीज जो है कस्टम लिस्ट यहाँ पे आती है जैसे कि आपको मैंने बताया मेरी इंप्लाइज की कस्टम लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है आप चाहें तो यहाँ पे जो है अपनी कस्टम लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया डेली मुंबई कोलकाता चेन्नई मेरठ एंड वाइजैग राइट right. अब मैंने इसको कर दिया ऐड तो आप देखिए यहाँ पे जो है मेरे कस्टम लिस्ट ऐड हो चुकी है और जब भी अब मैं क्या करूंगा इसको मैं ओके okay कर देता हूं डेली लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये देखिए साहब यहाँ तक मेरा जो है कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो गया है अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग एक्सेल शीट के अंदर किसी सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो पूरी शीट को जो है आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो या पूरी की पूरी वर्कबुक को भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो ध्यान से सारी बातें सीखिएगा और इसको अपने साथ साथ एक्सेल में अप्लाई करके भी देखिएगा और जो भी आपके पास डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर 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 मुझे बताइएगा अच्छा अब ज़रा देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डेटा है और ये डेटा जो है मैं अपने ऑफिस में मेरे मान लेते हैं मेरे बहुत सारे स्टोर्स हैं कोई फरीदाबाद में है कोई पानीपत में है कोई सोनीपत में है और कुछ जो है वेस्ट बंगाल में है मेरे पास चार प्रोडक्ट्स हैं चार प्रोडक्ट्स की सेल जो है मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टोर से मंगवा रहा हूँ एक पर्टिकुलर क्वार्टर की अब मैं क्या चाहता हूँ कि बस वो जिसको मैं शीट भेजूँ वो सिर्फ ये डेटा फिल कर पाए सिर्फ ये डेटा फिल कर पाए वो इन कॉलम्स को इस कॉलम को या फिर इस रो को बिल्कुल भी छेड़ ना पाए ना ही वो प्रोडक्ट्स को एडिट कर पाए ना ही वो मंथ्स को एडिट कर पाए मैं चाहता हूँ वो सिर्फ इस पार्ट को जो है एडिट कर पाए तो मुझे क्या करना होगा देखिए अच्छा एक बात जब भी आप किसी सेल को देखेंगे आप किसी भी सेल पे जाइए उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस कीजिए और उसके बाद आपको पास ना यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के नाम से एक टैब होता है जब आप फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं वहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये लॉक्ड होता है लेट मी रिपीट बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक्ड होता है ओके अच्छा अब हम क्या करेंगे हम इनको सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वन प्रेस करके देखते हैं ये भी बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो लॉक्ड है ओके अब हम क्या करना चाहते हैं अगर मैं इसको बाई डिफ़ॉल्ट लॉक्ड ही रहने दूंगा और मैं अगर शीट को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर दूंगा यहाँ पे रिव्यू ऑप्शन में जाके ये रिव्यू ऑप्शन है और यहाँ पे प्रोडक्ट शीट आ रहा है अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या होगा तो उस केस में मेरे सारे सेल्स लॉक हो जाएंगे सारे सेल्स मतलब आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ मैंने उसको लॉक रहने दिया मैंने प्रोडक्ट शीट पर गया ये मुझसे पूछता है पासवर्ड पासवर्ड पे जरा स्ट्रिक्ट रहिएगा क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपनी शीट खो देंगे और आप उसको कभी वापस नहीं पा पाएंगे अब आप किसी भी सेल में जाके कुछ एडिट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एडिट नहीं करने देगा लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये जो हमारा सेल वाला डेटा है ये एडिट कर पाए जिस व्यक्ति के साथ मैं शीट शेयर करूँ तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ पहले इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं वापस रिव्यू टैब में जाकर अनप्रोटेक्ट और मैं इसमें अपना पासवर्ड डालता हूँ अब देखिए ये यहाँ पे दोबारा प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ गया यानी कि अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है ये पर्टिकुलर शीट ओके

कि मैं पूरी शीट में सिर्फ यही सेल्स जो है एडिट कर सकता हूं देखिए मैं करके दिखाता दूं फोर फाइव सिक्स जीरो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन अगर मैं किसी और सेल पे जाके कुछ करता हूं तो ये आपको क्या बोलता है द सेल okay? और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट ओके टू मेक अ चेंज और टू मेक अ चेंज आपको क्या करना पड़ेगा अनप्रोटेक्टेड शीट और आपको एक पासवर्ड भी आपसे मांगा जा सकता है ओके okay, तो ये बात जो है आपने ध्यान रखनी है कि यहां पे आप लोगों को मैंने ये चीज सिखाई है कि आप कैसे किसी एक सेल को जो है या बहुत सारे सिलेक्टेड सेल्स को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी के भी एडिट करने से और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जब आप किसी को कोई टेम्पलेट भेजते हैं आप उससे कुछ फिल करवाना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे ही कीजिए आप सिर्फ जहां पे उससे डेटा चाहते हैं उस सेल को जो है आप एडिटेबल रहने दीजिए जस्ट टू रिपीट आप किसी भी सेल को अगर एडिटेबल रहना चाहते हैं पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ मैं शीट को आप किसी भी सेल को अगर एडिटेबल रखना चाहते हैं कंट्रोल वेन दबाइए प्रोटेक्शन में जाके उसके लॉक को अनचेक कर दीजिए फिर जाके यहां से जो है शीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए इस तरीके से आप एक सेल को क्या रख सकते हैं आप एक सेल को रख सकते हैं एडिटेबल बाकी पूरी शीट को आप लोग रख सकते हैं क्या अनएडिटेबल यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड अच्छा अब यहां पे देखिए मैंने एक शीट और इंसर्ट कर दी है और मैं यहां पे लिख देता हूं बजट बजट शीट ओके बजट शीट में मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ सेल बजट जस्ट एक आपको दिखाने के लिए सेल बजट इज इक्वल टू लेट अस से फिफ्टी एट थाउजेंड ऐसे मैंने रैंडम नंबर यहाँ पे लिख दिया और अब मैं यहाँ पे प्रोडक्टिंग सेल वाली शीट में जाता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक फार्मूला लगा देता हूँ कि बजट शीट से जो है यहाँ से यह उठ के आना चाहिए राइट अब आप अगर इस पर जाएंगे और फार्मूला बार में देखेंगे तो ये बजट शीट से यहाँ से, से इसको उठा रहा है अब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी इस शीट का नाम एडिट ना कर पाए क्योंकि यहां पे फॉर्मुला लगा हुआ है मेरी कोई भी स्ट्रक्चर को चेंज ना कर पाए जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है आप उस स्ट्रक्चर को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपने कहां जाना है आपने जाना है प्रोटेक्ट वर्क बुक में राइट और देखिए यहाँ पे आपके पास जो है स्ट्रक्चर वाले टैब में पहले से ही चेकड आ रहा है तो आप प्रोडक्ट वर्क बुक करेंगे तो मैं फिर से यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ पासवर्ड मत भूल जाइएगा गड़बड़ हो जाएगी ओके री एंटर पासवर्ड लीजिए अब आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए कोई भी ऑप्शन जो है वो ढंग से आ नहीं रहा है सारे ऑप्शन जो है वो ग्रेड आउट है ग्रेड आउट ना ही आप टैब कलर चेंज कर सकते हैं ना आप उसे हाइड अन हाइड कर सकते हैं ना ही आप इंसर्ट कर सकते हैं ना ही कोई डिलीट ना ही रीनेम ना ही मूवर कॉपी एक बार मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ ये देखिए मैं यहाँ पर गया और अनप्रोटेक्ट के लिए मैंने दोबारा से अपना पासवर्ड डाला अब आप देखिए सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे यू वॉन्ट टू डिलीट इट डिलीट इट यू वॉन्ट टू रीनेम इट रीनेम इट हम इसको रीनेम करके देखते हैं जैसे राइट right. मैंने इसको क्या कर दिया रीनेम अब यहां पे फॉर्मूला तो अपने आप उठा लेगा ये तो इंटेलिजेंट है बट कल को कोई इसको डिलीट ही कर दे लो जी अब बताओ यहां पे आपका फॉर्मूला बिगड़ गया इसलिए अब देखिए अब मजे की बात है शीट एक बार डिलीट हो जाए तो वापस भी नहीं आ सकती है राइट सो बजट शीट मैंने दोबारा डाल दी और ऐसे में यहां पे एक रैंडम नंबर लिख देता हूं सेल बजट फिफ्टी एट थाउजेंड या कुछ भी लिख दो फिफ्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड राइट अब मैं इस पे जो है ये फॉर्मूला दोबारा लगाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे सेफ कर रख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया आप इस शीट के ऊपर जाते हैं आप कहीं पर भी जाइए उसके बाद जो है प्रोटेक्ट वर्क कर दीजिए स्ट्रक्चर आपका चेक नहीं रहना चाहिए पासवर्ड डाल दीजिए ये लीजिए मैंने पासवर्ड डाल दिया और अब जो है इसको कोई भी छेड़ नहीं सकता है इसको आप उठा के यहाँ भी नहीं कर सकते आप इसको उठा के कहीं भी नहीं कर सकते आप नई शीट भी जो है वो ऐड नहीं कर सकते नथिंग डूइंग जो आपने दे दिया वही रहेगा तो इस तरह से आप जो है अपने एक्सेल की वर्कबुक के स्ट्रक्चर को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि पूरी की पूरी वर्कबुक को अगर लॉक करना है तो आप क्या कर सकते हैं तो उसके लिए भी जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस आपने जो है कैसे एक्सरसाइज करने हैं मैं आपको वो जल्दी से बता देता हूं तो अगर आप पूरी की पूरी वर्कबुक को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप फाइल टैब के अंदर जाएंगे और फाइल टैब प्रेस करने के बाद जो है आपको इन्फो टैब के अंदर जाना है टैब जैसे आप प्रेस करते हैं पहला ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्क तो प्रोटेक्ट वर्क बुक में आपको ऑलवेज ओपन रीड ओनली एनक्रिप्ट विद पासवर्ड हम लोग लगाना चाहते हैं पासवर्ड राइट सो so, uh, हम लोग जल्दी से लगा देते हैं पासवर्ड पासवर्ड फिर से एक रिक्वेस्ट पासवर्ड अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए आप भूल गए लीजिए अब मेरी जो है ये वर्कबुक हो गई है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या करता हूँ uh, अब मैं इस वर्कबुक को जो है वो क्लोज कर देता हूँ ओके okay. और मैंने इसको सेव भी कर दिया अब मैं अगर अपनी इसी वर्कबुक को एक्सेल ट्यूटोरियल्स के नाम से जो वर्कबुक है मैं इसको ओपन करना चाहता हूं तो देखिए जैसे मैं ओपन करूंगा ये मुझसे मांगेगा पासवर्ड और जब तक मैं पासवर्ड नहीं मांगूंगा पासवर्ड नहीं दूंगा तब तक ये मुझे एक्सेस नहीं करने देगा और यहां दिया मैंने पासवर्ड प्रेस किया ओके मैंने इसको कर लिया एक्सेस तो जल्दी से जो भी हमने अभी तक सीखा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अगर आप सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिन सेल्स को आप लोग एडिटेबल रखना चाहते हैं आप वहां जाइए कंट्रोल वन कीजिए प्रोटेक्शन पर जाके यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है इसे आप अनचेक कर दीजिए और उसके बाद जाके प्रोटेक्ट शीट में जाके अपना पासवर्ड डाल के आप इसे जो है क्या कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं पूरी शीट को एक्सेप्ट दीज एडिटेबल सेल्स ओके जो भी सेल्स आप सेलेक्ट करके उनका लॉक अनचेक कर देंगे कंट्रोल वन वहां पे कंट्रोल वन प्रेस करके वो सेल्स एडिटेबल रह जाएंगे बाकी सेल्स जो है आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे यानी कोई और व्यक्ति एडिट नहीं कर पाएगा अगर आप अपनी शीट का स्ट्रक्चर वर्कबुक का स्ट्रक्चर आप लोग जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे रिव्यू में जाएंगे प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे सॉरी रिव्यू में

और ये आपकी जो है पासवर्ड अनप्रोटेक्टेड हो चुकी है आप दोबारा करेंगे पासवर्ड पासवर्ड डाल दीजिए राइट तो इस तरह से आप अपने एक्सेल में काफी सारी सेफ्टी फीचर्स जो है उनको यूज कर सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा होता है रॉ और हमें वो अच्छा नहीं लग रहा होता है और फिर हम उसको जो है फॉर्मेट करने बैठते हैं फॉर्मेट करने के लिए हम अपनी जो है वो जान लगा देते हैं पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे ग्रिड लाइंस को हटाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके उसको बहुत कलर देंगे अच्छा सा बॉय वहाँ से जो है ना बड़े सा कलर ड्रॉप करेंगे और ये सारी चीज़ें हम करने लग जाते हैं बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ग्रेड लाइन्स ऑब्वियसली हमने हटानी है आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए अब टेबल में कन्वर्ट करने के दो रास्ते हैं इस पूरे डेटा में कहीं पर भी क्लिक कीजिए और उसके बाद अपने होम टैब में जाइए वहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्मेट एज़ टेबल का एक ऑप्शन स्टाइल्स वाले ग्रुप में ओके सो so, ऑपरेशन में मैं यहाँ पे कहीं पे भी हूँ और मैंने इस पर फॉर्मेट है टेबल पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए क्या होगा मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपको किस तरह की टेबल चाहिए राइट आप जो भी टेबल का तरीका चूज़ करेंगे वो आपके पास आ जाएगी जैसे कि मैं ये चूज़ करता हूँ मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है अगर आप एक्सेल क्लब में तो आपने देखा होगा कई बार मैंने यही टेबल जो है आपके लिए बनाई है ये आपका ऑप्शन आता है क्रिएट टेबल का ये आपसे पूछता है कि बताइए जी वेर इज डेटा फॉर योर टेबल तो ये आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सी थ्री देखिए यहां से आपका डेटा जो है वो शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है यहां तक जा रहा है एल ट्वेंटी थ्री तक और आप अगर देखेंगे यहां पे रेफरेंसिंग भी जो है वो कैसी हो रखी है रिलेटिव या एब्सुलट मुझे जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ओके okay, चलिए तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ येस माई टेबल हैज़ हेडर क्योंकि मेरे पास हेडर है एम्प्लॉ कोड एडसेटर वाला मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ और ये देखिए बन गई टेबल बन गया फॉर्मेट और अब ये सिर्फ टेबल ही नहीं बनी है इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पास पहले से ही फिल्टर्स जो हैं वो लगे हुए आए हैं ओके okay, और आप अगर इस टेबल में और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी इसको बस यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आपको कॉर्नर पर एक ड्रैग ऑप्शन दिख रहा है आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और अपनी टेबल को जो है और बड़ा कर सकते हैं अब इसमें और क्या क्या हो जाता है जब आप ऐसा करते हैं तो जरा सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से जैसे ही आप इसे फॉर्मेट एस टेबल कर देते हैं आपके पास देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पे भी नज़र बना के रखिए व्यू हेल्प और टेबल डिजाइन ओके मैं इससे बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए टेबल डिजाइन जो है वो गायब हो गया और जैसे मैं टेबल में क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाता है टेबल डिजाइन का और इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं कैसे अभी दिखा दें कैसे जरा इस पर क्लिक कर दो ऐसे अब आप ये देखो आपके बहुत सारे जो है ऑप्शन आ चुके हैं जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता तो हूँ बहुत सारे ऑप्शन है इसमें से चाहे वो आपके पास यहाँ पे बीविट टेबल ऑटोमेटिकली लगाने का ऑप्शन हो डुप्लीकेट से मूव करने का ऑप्शन हो रेंज यानी कि आप इसे वापस रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल से वो आपके ऑप्शन है और सबसे खास ऑप्शन अगर आप रोज़ का टोटल देखना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कर दीजिए अभी यहाँ पे आपको सेवन दिख रहा है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट फंक्शन सम है मैं इसे काउंट कर देता हूँ तो अभी देखिए अभी अपने आप इसको यहाँ पे काउंट कर लेगा अच्छा क्या अभी भी मैं ड्रैक कर सकता हूँ बिल्कुल ड्रैक कर सकता हूँ बिल्कुल ये देखिए ड्रैक कर दिया ट्वेंटी क्यों है अभी तक क्योंकि बाकी तो हमारे पास ब्लैंक है ना इसलिए अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप लोग जो है सारा का सारा काम शॉर्टकट कर तरीके से कर सकते हैं तो वापस चलते हैं हम लोग टेबल डिजाइन में कन्वर्ट टू रेंज यस अब देखिए फॉर्मेटिंग रह गई है लेकिन आपका जो है टेबल जो था यहाँ पे टेबल वाला फंक्शन था वो हट गया अब ये भी ऐसे भी देख सकते हैं कि टेबल डिजाइन ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा है ओके सो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग एक बार कंट्रोल जेड दबा के इसको वापस नॉर्मल डेटा में ले आते हैं ये देखिए ये नॉर्मल डेटा में आ गया मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी कंट्रोल टी जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं ये आपको फिर से उसी टेबल पर ले जाता है और बटन दबाते ही आपके लिए इस तरह की टेबल जो है बना के ले आता है राइट कंट्रोल टी मैजिकल शॉर्टकट है आपके पास जब डेटा हो उसको आप टेबल में तुरंत कन्वर्ट करना चाहते हैं कंट्रोल टी दबाइए और तुरंत अपने पास जो है फिल्टर्स तैयार कर लीजिए और बहुत सारे टेबल्स के आपके पास ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे अब हम आज की वीडियो के बारे में जल्दी से बातचीत करते हैं एक्सेल में हम सब जानते हैं कि कैसे जो है हम लोग ड्रैग डाउन करते हैं चीजों को जनवरी से अगर हम ड्रैग डाउन करें तो दिसंबर तक पहुंचा जा सकता है लेकिन अगर हम जनवरी के साथ सिर्फ जनवरी ही चाहें आगे हमेशा ड्रैग डाउन कर समय तो क्या करें या वन के बाद हम टू थ्री फोर चाहें तो ऑटोमेटिकली हम ऐसा क्या करें कि सर वो अपने आप ही जो है एक लिस्ट में कन्वर्ट होता जाए मुझे पता है इसके बहुत सारे बड़े तरीके भी हैं लेकिन सर मैं आपको एक छोटा सा हैक बताऊँगा इस वीडियो में जिससे आपकी लाइफ हो जाएगी सेट राइट तो चलिए सर अब हम लोग वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और हाँ एक्सेल क्लब के अगर आप लोग मेंबर बनना चाहते हैं एक्सेल कम्युनिटी के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में हर जगह पे दे दूंगा प्लीज आइए और देखिए कि एक्सेल में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं एक कम्युनिटी का पार्ट बनिए जहां पे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं उनका रिप्लाई मिलेगा और साथ साथ में आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं राइट चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं वेलकम बैक और आज हम एक्सेल में एक ऐसी गजब की चीज सीखेंगे जो है बहुत ही ज्यादा आसान लेकिन आपका बहुत सारा समय बचा सकती है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सर हम लोग ड्रैग डाउन करने की तो यहाँ पे सर अगर मैं बात करता हूँ हम लोग बात करते हैं सर जनवरी लिख देते हैं यहाँ पे और मैंने आपको कस्टम लिस्ट इंसर्ट करना सिखाया था हाँ जी बिल्कुल सिखाया था नहीं सीखा तो भाई एक बार ज़रा जाके हमारी पुरानी वीडियोज़ देख लेना इसके बाद जब आप उसको ड्रैक डाउन करते तो डिसंबर तक आ जाता है लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई वन को जब हम ड्रैक डाउन करते हैं तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइन ट्वेल लिखा है और ये बहुत परेशानी होती है क्योंकि इंसानी फितरत है जो उसके पास होता है वो उसे कम लगता है और जो उसके पास नहीं होता है उसे हमेशा उसी की चाह रहती है तो अगर आप चाहते कि आप जनवरी लिखें और जनवरी लिखने के बाद जनवरी ही आए तो आपने कुछ नहीं करना है आपने सिंपली कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको ड्रैग डाउन करना है ओ माय गॉड अगर आप लिखते हैं वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंट आए तो आपने वन लिखने के बाद जो है सिर्फ कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको ड्रैकडाउन करना है लीजिए साहब राइट right. ऐसे अगर मैं बात करता हूँ मंडे की तो आप जब भी मंडे लिख के ड्रैक डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे हमेशा वीकडेज आ जाएंगे लेकिन आप चाहते हैं आप मंडे लिखें और मंडे के बाद जो है वो सिर्फ मंडे ही आए तो कंट्रोल बटन दबाएं और प्रेस कर दें तो बेसिकली जहाँ पे सीरीज आ रही है आप उसे सीरीज़ में नहीं कॉपी करना चाहते तो भी कंट्रोल बटन दबा लीजिए जहाँ पे सीरीज़ नहीं आ रही है वहाँ पे भी आप चाहते हैं कि सर सीरीज़ आए तो कंट्रोल बटन दबा के प्रेस कर दीजिए तो जो भी करना है सर उल्टा करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस करा के कर दीजिए आपका काम हो जाएगा और तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है इससे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा आसान है कि कंट्रोल बटन का उपयोग कीजिए और छा जाइए आई होप गाइज आपको ये बात समझ आई और आपने इसको इन्जॉय किया एंजॉय किया तो भाई लाइक like कर दो वीडियो को मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे चलिए जल्दी से सर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं एक्सेल में जिसमें आप लोगों की ऑफिस में जो है काफी सारी चीजें सुधर सकती हैं और आप ऑफिस में एकदम सितारे की तरह चमक सकते हैं और याद रखिएगा ये तब बहुत यूज आता है जब आप एक अच्छी पोजिशन पर काम कर रहे हैं जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती हैं जब आपको रिपोर्ट्स बनानी होती है तब ये बहुत ज्यादा फीचर काम आता है राइट सो नॉर्मल जो अकाउंटेंट्स हैं या नॉर्मल एक्सेल यूजर्स शायद उनको इतना यूजफुल ना लगे लेकिन जो सर हाई लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है राइट right. तो कभी कभी क्या होता है सर हमारे पास एक्सेल में बहुत सारा डेटा होता है इस एक्सेल के डेटा से या तो हम वर्ड में रिपोर्ट बनाते हैं या तो हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो दिहाड़ी बनाने वाला तरीका तो यह कि सर यहां से आप लोग क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए अपना कोई स्क्रीन टूल यूज करके और उसके बाद उसे पेस्ट कर दीजिए लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है बाई चांस अगर आपको यहाँ पे एक्सेल में डेटा चेंज करना पड़ गया तो हो सकता है कि आपका वो पिक्चर में डेटा वापस रिफ्लेक्ट ना हो हो सकता है कि पक्का है कि भाई वो डेटा जो है वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा मैं इस एक्सल में मैंने कुछ चेंजेस किए थे मैं वापस कंट्रोल जेड करके जो वापस आ जाता हूं यहां पर और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे सर ये जो है जो हम चीज़ सीखने वाले वो काम करते हैं राइट तो अब आप देखिए जरा क्या कमाल का डेटा है सर मेरे पास हमें बहुत सारे एम्प्लॉज हैं उनके एम्प्लाई कोड वगैरह उनका डेटा है यहाँ पे ये यह डेटा सब भाई एकदम एकदम डमी डेटा है कि ऐसा मत समझिएगा कि यही डेटा सही है ओके एनी चलिए तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कॉपी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है वो कॉपी करना शुरू करता हूँ और मैं इतना डेटा जो है वो कॉपी कर लेता हूँ अपने धीरज अरोड़ा वाले एम्प्लॉय तक जो है मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी जो है मैंने प्रेस कर दिया आई होप ये शॉर्टकट सबको पता है अब जाके मैं डेटा जो है वो क्या करूँगा मैं जाके भाई ये डेटा जो है वर्ड के अंदर पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी करके अभी देखिए बेवकूफ़ी क्या होगी कंट्रोल वी करके मैंने पेस तो कर दिया मैंने कंट्रोल एस करके फाइल को सेव भी कर दिया लेकिन अभी यहां पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मुझसे अपने एक्सल के डेटा में गलती हो गई थी और नीरज और की सैलरी जो है वो थी मान लेते वन लैख राइट right. अब मैंने यहाँ पे वन लाख चेंज कर दी लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई वर्ड में तो मेरी रिपोर्ट बन चुकी है अब वर्ड में तो इसकी सैलरी जो है वो टू फाइव एट सेवन फाइव ही रहने वाली है अब ऐसा क्या करें कि वर्ड में भी सैलरी अपने आप अप अपडेट हो जाए येस अपने आप अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली आपको मैनुअली कुछ ना करना पड़े और आप सोचिए इसमें कोई गलती भी ना हो तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मैं इसको यहां से हटा देता हूँ कंट्रोल जेड करके मैंने इसको हटा दिया और वापस जाता हूँ अपने एक्सेल के अंदर मेरा एक्सेल कहाँ गया ये रहा राइट और मैं एक्सेल में भी एक बार कंट्रोल जेड करके सैलरी यही ले आता हूँ मैं दोबारा से डेटा कॉपी पेस्ट करूंगा और इस बार फिर से मैंने टेंथ नंबर एम्प्लॉय तक जो डेटा उठा लिया कंट्रोल सी से मैंने डेटा उठा लिया मैं गया साहब वर्ड के अंदर और वर्ड के अंदर जाने के बाद इस बार मैंने क्या किया इस बार मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ऑप्शन है पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है और उस डाउन बटन को मैंने जो है प्रेस किया अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को गाइज ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली की पावर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और ऐसी ही पावर्स मैं आपको इस चैनल में बताता रहता हूं ऐसी शॉर्टकट्स ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या ऐसी पावर पता है आपको क्या ऐसी स्ट्रेंथ पता है जिससे आप लोग एक्सल और पावर पॉइंट और वर्ड ये जो पूरी फैमिली है माइक्रोसॉफ्ट की इसको आप इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं राइट चलिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं सोर्स फॉर्मेटिंग रखिए डेस्टिनेशन स्टाइल लिंक एंड की सोर्स फॉर्मेटिंग लिंक एंड यूज डेस्टिनेशन स्टाइल वॉट इज डेस्टिनेशन स्टाइल यानी जैसा वर्ड में वैसा ही एंड कॉपी पेस्ट एज अ पिक्चर एंड देन हमारे पास आता है कीप टेक्स्ट ओनली सो हमें यहाँ पे हम जब कंट्रोल भी करते हैं तो बेसिकली वो यहां से उठा लेता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और पेस्ट कर देता है लेकिन हमें सर क्या करना है हमें ये ऑप्शन यूज करना है लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जब यहाँ पे आ गई तो क्या कमाल की चीज है सर कमियां अब देखिए इसमें क्या जो है हो सकता है अब मैं जाता हूं अपने एक्सेल शीट में और मैं वहां पे जाके जो है नीरज उड़ा की सैलरी चेंज करता हूं इस बार एक लाख कर देता हूं मैं थोड़ा सा अमीर बना देता हूं इसको ठीक है जी ये लीजिए साहब मैंने यहाँ पर सैलरी जो है चेंज कर दी है एक लाख कर दी है अब हम जाके देखते हैं वर्ड में चेंज हुई कि नहीं हुई रुकिएगा जरा वेट कीजिएगा हो सर यहां पे तो चेंज हुई नहीं हम दोबारा ट्राई करते हैं सर हमने तो यहां पर सैलरी सर एक लाख कर दी है क्या वर्ड में चेंज हुई कि नहीं हुई हो सर यहां पर तो चेंज हुई नहीं सिंपल है राइट क्लिक करने का है और राइट right क्लिक करने का है और यहाँ पे अपडेट लिंक का ऑप्शन आएगा आपने उस पर प्रेस करने का है देखिए अब नीरजरा की सैलरी जो है आपको एक लाख आराम से दिख रही होगी और आप देख सकते हैं कि हमने उसको एक्चुअली में चेंज कर दिखाया है मित्रों चेंज कर दिखाया है तो ये है तरीका आप लोगों के लिए अगर आप लोग वाकई में आ, मास्टर बनना चाहते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो इस इस मेथड को आप जरूर जरूर याद रखेगा अब आप बोलोगे कि सर क्या ये चीज़ पावर पॉइंट में भी काम करती है उसमें तो और भी स्मूथली काम करती है देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ उसमें जो है कैसे काम करती है सो so, वापस जाते हैं अपने एक्सेल के अंदर और यहां पर डेटा उठा लेते हैं फिर से वही दस इंप्लॉयज का डेटा उठा लेते हैं राइट और उसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस बार पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल सी मैंने किया और बाद मुझे बार बार कंट्रोल सी करने की भी जरूरत नहीं उसका भी एक तरीका है कि मैं क्लिप बोर्ड यूज कर सकता हूँ बट अभी के लिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक वाला ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर मिला डेस्टिनेशन स्टाइल सोर्स फॉर्मेटिंग एम्बेड और साथ में आपको मिल रहा है पिक्चर टेक्स्ट ओनली पे स्पेशल में अगर आप जाएंगे तो आपको पेस्ट लिंक में क्लिक करने का है पेस्ट लिंक में क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने का है अब ये आ तो एज अ पिक्चर रहा है लेकिन ये पिक्चर सर डायनेमिक है डायनेमिक मतलब अभी देखिए नीरज रोड नॉर्थ में काम करता है अगर सर मैं नीरज रोड को जाके यहाँ पे सेंटर में चलो साउथ में कर देता हूँ एक्सेल के अंदर अपने तो ये देखिए क्या होगा मैंने यहां पे साउथ लिख दिया नीरज नीरे के आगे याद रखिएगा पहले नॉर्थ था और मैंने सर एक्सेल फाइल को जो है सेव कर दिया मैं जाता हूं पावर पॉइंट के अंदर और अपने आप देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली जो है वो साउथ लिखा आ रहा है मैंने कुछ चेंज नहीं किया मैंने चेंज किया था सर एक्सेल के अंदर और चेंज हो गया पावर पॉइंट के अंदर अब आप ये समझ सकते हैं कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते होंगे तो ये चीजें कितनी काम आती होंगी कम ऑन बोलिए हाँ के ना ये चीजें कितनी काम आने वाली है वहां पर क्योंकि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं आप डेटा उठाते हैं डेटा उठाते हैं तो सर डेटा अगर आपका डेटा सोर्स में चेंज हो गया कितना खतरनाक काम हो सकता है और प्रेजेंटेशन अगर वो चेंज नहीं हुआ तो राइट सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क गाइज अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी आई होप आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया बोलिए हाँ के ना अगर एंजॉय किया तो वीडियो को आपने क्या करना है लाइक करना है चैनल को आपने क्या करना है सब्सक्राइब करना है बेलाइकन को हिट करना है और इसके बारे में आप इसको जब प्रैक्टिकली यूज कर लें तो आके मुझे फीडबैक देना है अगर आप चैंपियन यूजर बनना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एक्सेल क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेल क्लब के लिए आपको विजिट करना है www.ad91.org या फिर आप लोग सिंपली जो है हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं support.ad91.org पे आपको सारी हेल्प जो है वो मिल जाएगी ओके चलिए उम्मीद करता हूँ अब आप लोग सर इस फीचर को यूज़ करेंगे और यूज़ भी करेंगे और साथ में सिखाएंगे भी लोगों को जो ये फ़ीचर यूज़ करना चाहते हैं या अभी तक जो ये फ़ीचर यूज़ नहीं कर रहे थे और सिखाएंगे उनको आगे बढ़ाएंगे और याद रखिएगा जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएँ भाई अगर मेरे अगर मैं होता तो सर मैं यहाँ पे जाके एक बार अपडेट लिंक ज़रूर क्लिक कर लेता ताकि कोई भी डेटा अगर मेरी मेन फाइल में अपलोड हुआ है अब अपडेट हुआ है तो यहाँ पे भी अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाता हे गाइस इस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग तो मैं आपको एक्सेल की चार्टिंग के बारे में कुछ बताने की सोचा था चार्ट्स वगैरह के बारे में लेकिन मुझे लगा कि पहले कुछ और चीज़ जो है आपको बता देते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास अरे चार प्रोडक्ट्स हैं और ये इनकी जो है सेल्स है मान लेते हैं और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ अपने मंथ को लिख देता हूँ इस डेटा से हम लोग जो है आगे चल के चार्ट बनाने वाले हैं राइट सो so, अभी के लिए मैं आपको बेसिक डेटा के साथ कुछ खेलना सिखा देता हूं तो जनवरी को हम लोग जो है नीचे स्क्रॉल कर देंगे ये हमने लास्ट वाली वीडियो कस्टम लिस्ट वाली वीडियो में आपको समझाया था अगर आपने कस्टम लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार देख लीजिएगा जल्दी से उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा अब देखिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि देखो भाई ये एक्सल शीट अच्छी कैसे लगेगी अभी नहीं एक् एक् एक्सल शीट ऐसी लग रही है जैसे बस उठा के कचरा डाल दिया इसके अंदर सबसे पहले मैं ग्रिड लाइन को रिमूव कर देता हूँ उसके बाद सर मैं इसमें जो है अपने डेटा में जो है अगेन ये एक पर्सनल फ्लेवर है इसको सर ऑल बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ पर जा सर जो है मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा और उसके बाद इसके अंदर जो फॉन्ट का कलर है उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा एंड देखिए दो मिनट के अंदर दो मिनट से भी कम के अंदर हमारा डेटा जो है ठीक ठाक डेटा दिखने लग गया है अब मजे की बात है सर मैं इन सबका जो है टोटल करना अगर चाहता हूँ तो देखिए एक तो सर टोटल करने का तरीका क्या होता है सम के फॉर्मले से जो है आप लोग टोटल कर सकते हो ओके बट ये एक बहुत ही दिहाड़ी बना तरीका है और हमें तो सर हमेशा याद रखना है कि एक्सेल एक पावरफुल टूल है हमें इसकी पावर को जो है इस्तेमाल करना है एक तरीका है ऑल्ट इक्वल टू आप करेंगे शॉर्टकट ऑल्ट इक्वल टू तो भी लेकिन दबाने की जरूरत नहीं है, आप को प्रेस का जो है आ जाएगा। अगर आप यहां पे है तो अगर हम इक्वल टू दबाएंगे तो आपका ये जनवरी मंथ का जो है चारों प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा लेकिन फिर से वही बात हम सबको अगर सिलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल टू दबा दें तो सबका टोटल आ जाएगा लेकिन आप बोलोगे सर मैं तो क्या करना चाहता हूँ मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहता हूँ मैं सबका टोटल एक साथ करना चाहता हूँ तो आपको जहाँ टोटल चाहिए और जिनका टोटल चाहिए उसको आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी और मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर दिया आप देखिए क्या कमाल की चीज़ हो गई है सो so एक कमाल का सर ये शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू बस यूज़ करने की बात है तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पास एक डेटा है बेसिकली ऑर्डर आए हुए हैं कुछ यहाँ पर सीरियल नंबर है नेम ऑफ द कस्टमर आर्डर आई डी और पेमेंट आई है लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर जो है ऑर्डर आई या पेमेंट आई डी है राइट अब आप फिर से बोलेंगे सर ये तो छोटा सा डेटा है मैं आपको बोल रहा हूँ एज्यूम कीजिए सर यहाँ पे जो है उन स हज़ार रोज हैं और आपको सारे वाइड वाले केसेस ढूंढने हैं इनके ऊपर आपको जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है या इसका डेटा आपको जो है क्लाइंट से लेना है तो आप क्या करेंगे देखिए दो तीन तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं फिल्टर लगा लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल अगर आप दबाते हैं याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट एल इज द शॉर्टकट ऑफ फिल्टर ओके कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका वेटर लग जाता है आप यहाँ से जाकर जो है वाइड वालों को सबको सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास जो है वाइड वाला डेटा एटलीस्ट ऑर्डर आई डी का निकल जाएगा लेकिन हमारे पास पेमेंट आई डी में भी अवॉइड थे और, और हो सकता है एक आधा और कॉलम हो जिसके अंदर अवॉइड हो तब जाके जो है थोड़ी सी दिक्कत फील होती है लेकिन इससे सिंपल तरीका और है कंट्रोल एफ कीजिए यानी कि फाइंड में जाइए और फाइंड में जाने के बाद एक काम ज़रूर कर दीजिएगा मैच ऑल मैच मैच एंटायर सेल कंटेंट ये ज़रूर आप लोगों ने जो है यूज़ करना है। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो उससे गड़बड़ हो सकती है बाई चांस अगर किसी के नाम में यहाँ पे अगर किसी के नाम में अवॉइड होता तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और हमने कई बार देखा है कि जब हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं और हम ये नहीं करते हैं तो हमारे उस वर्ड उस वो जो अल्फाबेट है चाहे किसी भी ऑर्डर में कहीं भी आने तो सिलेक्ट हो जाता है इसलिए मैच एंटायर सेल कंटेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो जैसे फाइंड ऑल पे प्रेस करेंगे नीचे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन आ चुकी है कि यहाँ यहाँ पे जो है आपके पास वाइड uh, वर्ड जो है यूज़ हो रहा है अब इन सबको सेलेक्ट करने के लिए देखिए एक टेक्निक ध्यान से देखिएगा फर्स्ट वाला ऑटो सेलेक्टेड है शिफ्ट दबाइए और उसके बाद जो है आप लास्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए सारे वर्ड जो है आपके सेलेक्ट हो जाएंगे एक बार जब सारे वर्ड सेलेक्ट हो गए हैं तो आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए और इनको हाईलाइट कर दीजिए आप इनको अगर रिप्लेस ही करना चाहते थे तो रिप्लेस पर जाके आप जो है ब्लैंक छोड़ के रिप्लेस कर सकते थे रिप्लेस ऑल का बटन दबा के राइट right गाइस ये हमारा पुराना डेटा जो हम पुरानी वीडियो में यूज़ कर रहे थे और अब आपको दिखा हैं सर इस डेटा के साथ हम और क्या कमाल कर सकते हैं सो so, मैंने इसका जो है एक डुप्लीकेट डेटा भी बना लिया है जहाँ पर मैंने क्या किया है कुछ अपने पास ब्लैंक सेल्स रखें जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे बट आप ये सोचिए कि सर अगर ये हमारे पास जो है ऐसे ही हमारे पास हज़ारों रो होती तो भाई साहब क्या होता अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि चलिए इसमें से ब्लैंक को हटाइए तो एक तर, एक तरीका तो ये है कि सर आप फिल्टर लगाएंगे और एक एक कॉलम में से जाके जो है वो ब्लैंक्स को आप लोग जो रिमूव कर सकते हैं या ब्लैंक में आप लोग डेटा जो है क्लाइंट से पूछ के फिल कर सकते हैं लेकिन इसका एक आसान तरीका भी मैं आपको बताता हूँ क्या 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 आप अपने डेटा सेट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए आप इस तरह से माउस से ड्रैक करके कर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट एट प्रेस करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें ध्यान रखिएगा आपकी बाउंड्रीज में जो है डेटा ज़रूर होना चाहिए हर कॉर्नर पर डेटा ज़रूर होना चाहिए तभी कंट्रोल शिफ्ट एट का इस्तेमाल कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट एट राइट right. ये करने के बाद एक बार जब आपका डाटा डेटा सेट जो है सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद एफ आई प्रेस कीजिए एफ आई बेसिकली एक गो टू कमांड है और इसमें जो है आप किसी भी सेल में जो है वो जा सकते हैं उसके बाद आप लोग स्पेशल में जाइए स्पेशल में जाने से या तो आप क्लिक करके जा सकते हैं आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद जाके आप लोग ब्लैंक्स सेलेक्ट कर लीजिए ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक है और याद रखिएगा जब भी एक्सेल में ऐसा कुछ दिखता है तो आप लोग जो है जो भी चीज़ अंडर स्कोर होती है उसे प्रेस करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो मैंने के प्रेस कर दिया ब्लैंक सेलेक्ट हो गया और ये देखिए सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से मैंने बटन प्रेस किया सारे ब्लैंक्स अब जो है हाईलाइटेड हैं और आप क्लाइंट से जो है ये डेटा मांग सकते हैं कि डेटा यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं है सो थीना कमाल की ये टिप कि आप लोग कैसे जो है सारे ब्लैंक्स को एक साथ मार्क कर सकते हैं एक साथ एक बार में कोई फिल्टर नहीं लगाया कुछ नहीं लगाया f5 का यूज किया और जाके हमने स्पेशल का यूज किया और ब्लैंक सेलेक्ट कर लिए आया मजा तो सर वीडियो को लाइक कीजिए सबके साथ शेयर कीजिए और एक्सेल क्लब को ज्वाइन करना मत भूलिए देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अकाउंटिंग में मैं सर यहाँ पे लिखता हूँ पांच हज़ार और पांच हज़ार लिखा तो सबसे पहले तो सर ये फॉर्मेट जो है ना इसके आगे मुझे रुपया नजर नहीं आ रहा इसमें कॉमा नजर नहीं आ रहा आप चाहते हैं इसमें करेंसी सिंबल नजर आए उसके आगे कॉमा नजर आए तो दिहाड़ी बनाने वाले तरीके क्या है साहब आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप इस कॉमा बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कॉमा लग जाएगा राइट बट हम ऐसा नहीं करने वाले हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं आप इसी में यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करके करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं तो जो है वहाँ पे कॉमा भी लग जाएगा और करेंसी भी आ जाएगा हम ये भी नहीं करने वाले हैं राइट अच्छा तो सर हम लोग करने क्या वाले हैं भाई हमारा काम है हीरो बनना और हम हीरो बनेंगे यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ प्लीज फोकस कीजिएगा सर और क्या मेथड हो सकता है तो और मेथड तो सर ऑल्ट एच वाला है ही अपना ऑल्ट प्रेस कीजिए एच प्रेस कीजिए और के प्रेस कर दीजिए हम ये भी नहीं करने वाले हैं ये भी दिहाड़ी यही भी दिहाड़ी तरीका है कंट्रोल जेड कर दीजिए फिर ऑल्ट प्रेस कीजिए एच प्रेस कीजिए एन प्रेस कीजिए या तो करेंसी फॉर्मेट लिख दीजिए हम ये भी नहीं करने वाले हैं ये सब तरीके मुझे लगता है आपको आते होंगे ये सब दिहाड़ी तरीके हैं आपको मैं जो सिखाने वाला हूं उसे ध्यान से, से सुनिएगा बिल्कुल सेकंड्स में काम होने वाला है एक बात दूसरी बात गाइज वीडियो को प्लीज सबके साथ शेयर किया करो लाइक किया करो मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और कंटेंट डेवलप करूं ओके दूसरी बात कि भाई आगे मैं बढूं इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग एक काम करिए अगर आप लोग एक्सेल को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो एक्सेल क्लब हमारा जो है वो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए एक्सेल क्लब कैसे ज्वाइन करना है डब्ल्यू जाना है आपने और एडी नाइनटी वन डॉट भी जाके आप लोग एक्सेल क्लब जो ज्वाइन कर सकते हैं चलिए अब वीडियो में वापस चलते हैं गाइज और देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो सकता है काम बहुत आसानी से ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है पहले तो करंसी में चेंज करने का आपको शॉर्टकट पता करना है और उसके बाद आपको डेसिमल हटाने, जड़ से मिटाना है उन डेसिमल को। ये डेसिमल है। में हम लोगों को चेंज करना है सबसे पहले, और उसका तो, तो देखिए करेंसी में चेंज करने का शॉर्टकट क्या है आप कोई भी नंबर लिखिए कंट्रोल शिफ्ट फोर दबा दीजिए राइट आई होप गाइज आपको ये जो है बात समझ आई जल्दी बताइए मुझे तो यहां पे आप लोगों को जो है भाई साहब हजार रुपए मैंने तुरंत करेंसी में कन्वर्ट करके दिखा दी अब कहीं बच्चे बोलेंगे या कई स्टूडेंट्स या कई लोग बोल सकते हैं ये बात तो मैं पहले से बता थी ये बात आपको पहले से बता थी तो भाई यूज करते ना इसको सो हम तो यूज भी कर रहे थे आप कैसे हटवाओगे हमें ये बताओ आप अच्छा जी तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ अच्छा आप लोग बार बार पूछते हैं वैसे एक्सेल ग्रप के बारे में तो भाई इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर 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 जरू जरू देख लीजिएगा एनी अब सर मैं आपको बताता हूँ कि आप ये डेसिमल कैसे हटा सकते हैं इसमें एक्सेल की कोई गलती नहीं है एक्सेल की इसमें कोई भी गलती नहीं है इसमें गलती है विंडोज़ की आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अपने विंडोज में सर्च करना है करेंसी तो जैसे आप करेंसी सर्च करेंगे मैंने क्या किया मैंने विंडोज़ वाला बटन प्रेस किया करेंसी सर्च किया उसके बाद चेंज द वे करेंसी डिस्प्ले पे मैंने क्लिक कर दिया जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे आपके पास एक टैब आ रहा होगा एडिशनल सेटिंग्स का राइट right? तो हमें एक्चुअली में इस एडिशनल सेटिंग में जाना है एडिशनल सेटिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आ रहा होगा नंबर एंड करेंसी राइट तो अब आपको जाना है इस नंबर और करेंसी के अंदर तो सबसे पहले हम जाएंगे नंबर के अंदर और नंबर के अंदर जैसे ही आप लोग जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल जो कि बाई डिफॉल्ट जो है वो हो रखा है कितना टू हमें इसे चेंज करना है राइट हम इसे कैसे चेंज करेंगे हम लोग सर इसको सिंपली क्लिक करेंगे उप कहाँ चला गया वापस चलते हैं हम लोग सिंपली इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको जीरो कर देंगे और अभी कुछ मत करिएगा क्योंकि भी आपने सिर्फ नंबर पे जो है वो चेंज किया फिर हम चलेंगे करेंसी में करेंसी में भी आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल जो है वो कितने आ रहे हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए वो भी आ रहे हैं आपके पास टू हमें इसको भी चेंज करना है हम इसको कैसे चेंज करेंगे वेरी सिंपल इसको भी क्लिक करके जीरो कर देंगे और अप्लाई जो है वो हम बटन प्रेस करेंगे अब अप्लाई प्रेस करने के बाद हम बटन प्रेस करेंगे ओके और फिर से एक बार अप्लाई प्रेस करेंगे फिर से ओके और अब आप ये भी लिख दी मैंने पांच यहाँ पे लिख दी मैंने पांच हज़ार और कंट्रोल शिफ्ट फोर मैंने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे अब जो है आपको कभी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी मैं फिर से यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई थी ये जनरल और मैं इसको एक बार कंट्रोल शिफ्ट फोर कर देता हूँ ये अब ठीक है तो अब आप कहीं भी जब नया अमाउंट लिखेंगे और वहां पे आप कंट्रोल शिफ्ट फोर प्रेस करेंगे तो आपका करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा और करेंसी फॉर्मेट में विदाउट डेसिमल प्लेसेस जो है वो आ जाएगा राइट right, इवन अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में आएगा लेकिन विदाउट डेसिमल आएगा बताओ जी बताओ समझ आएगा नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन राइट चलिए तो ये है सर हमारा आज का हैक आप जब भी कुछ काम कर रहे हो और आपको करेंसी फॉर्मेट चाहिए हो तो आपने सिंपली 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 क्या करना है मित्रों आपको पता है कि क्या करना है आपने बस वो अमाउंट यहां पे डालना है 6000 हजार और अब इसको आपने कंट्रोल शिफ्ट फोर दबा के करेंसी में कन्वर्ट करना है डेसिमल गायब है बिल्कुल सिंपल टेक्निक आपको आज मैं बताने जा रहा हूं बट ये बहुत काम की है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रैंडम टेक्स्ट है और आप इस रैंडम टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो मार्क करना चाहते हैं हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये पावरफुल जो है आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं आप जाएंगे कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे कंट्रोल बी शॉर्टकट सबको पसंद है नहीं तो सबको पता है नहीं तो आप यहाँ से होम टैब में जाके बी वाला बटन जो है वो प्रेस कर देंगे ओके नाउ अब आपको लगता है कि भाई हर पैराग्राफ में दो दो तीन तीन वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक तो दिहाड़ी ये है कि भाई हर वर्ड के पास जाओ और लो भाई भी कंट्रोल भी लो भाई कंट्रोल भी राइट ऐसे तो हो जाएगी देर अब आपको चाहिए कि ऐसा शॉर्टकट कि कर आप बस वर्ड पे क्लिक करें और ये काम होता जाए आप लोग क्या करेंगे आप लोग पावरफुल को सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जिस भी वर्ड पे क्लिक करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा बट उसके बाद सब फिर से आपको वही परेशानी तो ठीक है अगर दो को करना था तो चलो यहाँ से उठा के यहाँ फॉर्मेट कर दिया इट्स इट्स टोटली ओके लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे तो भाई साहब कम से कम इसमें बीस वर्ड्स ढूंढने हैं तो मैं क्या करूंगा देखिए मैं क्या करूँगा मैं पावरफुल को इस बार सेलेक्ट करूंगा और इस बार फॉर्मेट पेंटर में, में डबल क्लिक करूंगा दिस इज द सीक्रेट कितना सिंपल था अब उसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे जिस भी वर्ड पर जाएंगे आप क्लिक करते जाइए और देखिए वो जो है बोल्ड होता जाएगा क्या बात क्या बात क्या बात पसंद आई ये बात हाँ या ना ये बात सर एक्सेल पावर पॉइंट में भी एप्लीकेबल है फॉर्मेट पेंटर वाली एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एडी नाइनटी वन पर हमारा एक्सेल क्लब ज्वाइन कर लीजिए उसमें एक्सेल में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है जो भी मुझे लगता है आपके काम की चीज़ है जो भी बड़े लोग सर एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ सब कुछ जो है मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ राइट एनी वेज ये हमारा फीचर जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं चीज़ों को बहुत 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 ज़्यादा आसानी से ओके अच्छा एक बात आपको यहाँ पे और बोलना चाहूंगा देखिए जब भी आप एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट को यूज करने के मूड में है और आपको लगे कि यार मुझे कुछ सीखना है तो सब कुछ इन्हीं के अंदर है देखिए फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाके जैसे मैं होवर करता हूँ तो वो बता देता है इसको कैसे यूज करना है हमने कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी और डबल क्लिक के लिए भी नीचे इन्फॉर्मेशन है टू तो अपलाई फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेस डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर Right? तो इस तरीके से आप जो है इसको ब्यूटीफुल तरीके से यूज कर सकते हैं छोटी सी टेक्निक है चलिए अब जल्दी से हम लोग जो है रिपीट फंक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो रिपीट फंक्शन के हमारे पास जो है तीन शॉर्टकट्स हैं नंबर वन आप लोग जो है क्या कर सकते हैं आप लोग F4 फोर प्रेस कर सकते हैं नंबर टू आप कंट्रोल Y प्रेस कर सकते हैं या नंबर थ्री अपने क्विक एक्सेस टूल बार में रिपीट फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं देखिए अभी ये जो क्विक एक्सेस टूल बार में रिपीट फंक्शन का आइकन है ये ग्रेड आउट आ रहा है क्योंकि अभी हमने इस शीट में जब मैंने इसको लास्ट ओपन किया था तो मैंने इसमें कुछ भी काम जो है वो नहीं किया है लेकिन अब ये देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे ये ये इसका 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 आउट खत्म हो गया गया वाइट बन है मतलब मैं यूज़ कर सकता देखिए अब मैंने यहां पे इसको क्लिक किया और अगर मैं ये रिपीट दबाता हूं तो अपने आप ही जो है एक एक कॉलम और इंसर्ट होता जा रहा है तो जो भी आपने लास्ट चीज करी होती है लास्ट एग्जीक्यूशन करी होती है उसको रिपीट करता है आप इसको जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको एफ uh, फोर से भी कर सकते हैं और साथ साथ में आप इसे कंट्रोल वाई से भी इस समय मैं कंट्रोल वाई से करके दिखा रहा हूं कंट्रोल वाई से भी कर सकते हैं और नहीं तो सिंपली स्पीकिंग आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसे अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ये नहीं होगा आपको इसे ऐड करना है तो आप क्या करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार का ड्रॉप डाउन मेन्यू चूज़ करेंगे मोर कमांड्स पे जाएंगे और मोर कमांड्स में जाने के बाद आप क्विक एक्सेस टूल बार की हेडिंग में जाएंगे नीचे और वहाँ पर आपको रिपीट का ऑप्शन जो है वो मिल रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए

ऑब्वियसली भी कहां पे काम करेगा तो यहां पे इसने जो है ये सम कर दिया देखें। आप देखेंगे ग्रेड आउट आ रहा है ओके okay? यानी कि भाई कांट रिपीट सिंपली लिखा रहा है यहाँ पे कांट रिपीट देखिएगा अभी मैं वहां पे होवर कर रहा था वहां पे सिंपली लिखा गया था कांट रिपीट ओके तो वही चीज़ जो है आपने ध्यान रखनी है फिर से देख लीजिए कांट रिपीट क्योंकि सर ये इसकी केपेबिलिटी से बाहर है आइए तो इस फंक्शन को हम कैसे समझेंगे हम जल्दी से जो है कुछ चीजें ले आते हैं यहाँ पे लोन अमाउंट ले आते हैं अपना पीरियड ले आते हैं और साथ साथ में आपका एक काम करते हैं यहाँ पे हम रख लगते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और साथ में रखते हैं अपने पास पीरियड ओके सो लोन जो है फॉर एग्जांपल अभी ज़रा साथ में जुड़े रहिएगा हम लोग क्या करेंगे लोन ले रहे हैं दस लाख रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान के चलते हैं आठ परसेंट है और पीरियड जो है मान के चलते हैं हमारे पास पच्चीस साल है राइट पच्चीस साल ईयर है अब मेरे को निकालना है कि भाई मेरी पर मंथ जो है वो कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी तो मैं कैसे निकालूंगा मैं पीएमटी के फॉर्मूले से निकालूंगा और पीएमटी का फॉर्मुला लगाते समय मैं रेट को जो है वो डिवाइड कर दूंगा किससे से ट्वेल्थ से क्योंकि मुझे पर मंथ कैलकुलेशन करनी है और पीरियड को जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा ट्वेल्थ से और अब मेरे पास जो है प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू जो मेरे पास अभी लोन का अमाउंट है वो मैंने माइनस में लिया है ताकि आपको वो रेड नजर ना आए पहले मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ ये देखिए ये जो है मेरा क्या रहने वाला है मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहने वाला है ओके आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो चेंज होता रहेगा जनरली अगर आप यहाँ माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रेड नज़र आएगा क्योंकि ये आउटफ्लो है अब एक बात को ध्यान से समझिएगा बहुत ध्यान से मैंने आपको बोला कि दस लाख का लोन लो पच्चीस साल के लिए नौ परसेंट का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है हर महीने आपकी जेब से जो है वो एट थ्री नाइन वन रुपीज जाएंगे आपने बोला सर देखो ऐसा है मैं सिर्फ छः हज़ार रुपये महीना पे कर सकता हूँ अब बताओ क्या करना है मैंने बोला ठीक है तो छः के हिसाब से मैं आपका लोन अमाउंट एडजस्ट कर दें आपने बोला कर दो तो उसके लिए आपने क्या करना है आपने सिंपली जो है एक फंक्शन यूज़ करना है और वो फंक्शन कौन सा है आइए मैं आपको दिखाता हूँ डेटा में जाएंगे राइट ये डेटा में आप गए और डेटा में जाने के बाद आप लोगों को जाना है कहाँ पे इफ एनालिसिस में इफ एनालिसिस में जैसे आप जाएंगे ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा गोल सिक का फंक्शन तो गोल सिक में गया मैं गोल सिक में कौन सा सेल आप लोग सेट करना चाहते हैं आ, ये सेल सेट करना चाहते हैं पहले मैं इसका माइनस हटा देता हूँ उसके माइनस दो तरीके से हटा सकते हैं एक तो प्रेजेंट वैल्यू के जो अमाउंट है उसके आगे आप माइनस लगा दीजिए या फिर पूरे फंक्शन के आगे ही जो है पूरे फॉर्मूले के आगे जो है माइनस लगा दीजिए ये क्यों हुआ है क्योंकि कुछ मुझसे हो गई होगी गड़बड़ राइट आइए इसको सही करते हैं कंट्रोल जी में जाते हैं एफ टू दबाते हैं और यहाँ पे आके माइनस जो है प्रेस कर देते हैं लीजिए ठीक है अब हम क्या करेंगे अब इसको हम लोग कैसे करेंगे डेटा में जाएंगे डेटा में जाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे गोल सीख मैं चाहता हूँ भाई मेरा सी सिक्स ये है मेरा सी सिक्स राइट मैं जो है इस फंक्शन को यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ इस वाले सेल को जो है यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ सी सिक्स ओके और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा अमाउंट जो है वो इतना ही अमाउंट जो है मैं डिसाइड कर लूँ पहले से तो मैंने बोला मैं पाँच हज़ार रुपये जो है वो सेट कर लेता हूँ यहाँ पे अब किस सेल को आप चेंज करना चाहते हैं आपने बोला सर मैं लोन कम लेना चाहूँगा इतना लेना चाहूँगा कि मैं पांच हज़ार की इंस्टॉलमेंट दूँ हर महीने मैंने कहा ठीक है तो बाय चेंजिंग सेल दिस अब मैं प्रेस कर देता हूँ ओके ये लीजिए तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो हज़ार महीने की तभी जाएगी जब आप क्या करेंगे जब आपका लोन होगा फाइव लैख फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट रुपीज़ का ओके okay. तो अगर आप पाँच हज़ार रुपए महीने देने में कंफर्टेबल है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा पीरियड सेम रहेगा आप लोग क्या कर सकते हैं अपना लोन अमाउंट जो है वो फाइव लैक नाइन्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट का करवा सकते हैं आइए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा यहाँ पे गए डेटा पे गए डेटा पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया गोल सीक का फंक्शन हमने क्लिक किया सी सिक्स को हम लोग फिक्स करना चाहते हैं किस वैल्यू पर फिक्स करना चाहते हैं पाँच हज़ार पे फिक्स करना चाहते हैं और इस बार हम लोग इस इंटरेस्ट को चेंज करना चाहेंगे मैंने ओके okay कर दिया लीजिए अच्छा पहले से पाँच हज़ार था तो हम इसको पहले हाँ ये हमने वो तो फिर नौ परसेंट ही रहेगा ना अगर सब कुछ हम सेम रख देंगे तो अब हम चलते हैं वापस से डेटा पे डेटा पे जाते हैं एनालिसिस गोल सीख और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सी सिक्स को हम लोग जो है सेट कर देते हैं कितने पे पाँच हज़ार पे और किसको चेंज करना चाहेंगे हम आई चेंजिंग सेल दिस वन ओके लीजिए तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि भैया कोई आपको तीन परसेंट पे लोन दे दे अगर कोई दे रहा हो तो मुझे भी बता देना ठीक है ना कोई आपको तीन परसेंट पर लोन दे दे दस लाख रुपए का पच्चीस साल के लिए तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाएगी पाँच हजार रुपये मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएगी इसलिए जो है गोल सिक यूज होता है और भी क्या सिक का कोई यूज हो सकता है बिल्कुल हो सकता है आप ये समझिए कि आपके यूनिट्स हैं ठीक है थीके? ये आपका सेल प्राइस है और ये आपका जो है वो रेवेन्यू है ओके

वैल्यू आपको कितना रेवेन्यू चाहिए आप चाहते हो जी मैं कमाऊँ फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ ओके चेंजिंग सेल चेंजिंग सेल कौन सा है चेंजिंग सेल हमारा यूनिट्स वाला हम कर देते हैं उसको कर देते हैं ओके okay. लीजिए तो आपके अप्रोसीमेटली फाइव सिक्सटी यूनिट्स बिकेंगे तो आपके आपका जो है फाइव लैख सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू निकल के आएगा ओके देन इससे आप और भी जो है थोड़ा सा आगे जा सकते हैं कि आपने अपनी इनकम टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं उसके बाद जो है आपका ये यूनिट्स फिर से चेंज हो जाएगा इनकम कैसे डिसाइड होगी जैसे कि आपका एक्सपेंस मान लेते हैं आपका एक यूनिट पर जो एक्सपेंस आता है लेटेस uh, से वो आता है टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रुपीज़ का राइट एक्सपेंस पर यूनिट एक्सपेंस एक्सपेंस बल्कि पर यूनिट ना लिख के मैं क्या करता हूँ या तो ऐसे लिख लो पर यूनिट ठीक है और टोटल एक्सपेंस आपका कितना हो जाएगा फिर टोटल एक्सपेंस आपका आ जाएगा इक्वल्स टू मैं प्रेस करूँगा और दिस यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय दिस तो मेरे पास जो है मेरा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा और अब मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा और प्रॉफिट मैं कैसे निकाल रहा हूँ प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ अपने रेवेन्यू में से अपने टोटल एक्सपेंस को माइनस करके अब मैं इस प्रॉफिट को जो है गोल सीख की मदद से भी जो है वो देख सकता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए राइट right. एक ट्राई मारते हैं मुझे भी नहीं पता होगा या नहीं होगा बट लेट सी गोल सीख गोल सी सी टेन को फिक्स करना है किस वैल्यू पे मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम आ, दस लाख रुपए का प्रॉफिट हो ओ माय गॉड ओके भाई चेंजिंग सेल चेंजिंग सेल मैं चाहता हूँ यूनिट्स चेंज मैं लीजिए दस लाख रुपए का आपका प्रॉफिट जो है निकल के आ गया आपको वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री यूनिट्स जो है सेल करने होंगे नाइन नाइन का आपका प्राइस होगा एक का इतना आपका रेवेन्यू बनेगा पर यूनिट आपकी एक्सपेंस इतनी होगी टोटल एक्सपेंस आपका ये हो गया और प्रॉफिट जो है आपका क्या निकल के आ जाएगा टेन लाख रुपीज़ तो इस तरीके से गोल सीख आप लोग यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या यूज़ केस लगते हैं आपको गोल सीख के वो मुझे जरूर 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 बताइएगा आ जाओ आज हम सीखेंगे कि कैसे आप जो है दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं एक्सेल में बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये डिफरेंस निकालेंगे ईयर्स के टर्म्स में मंथ्स के टर्म्स में और डेज़ के टर्म्स में अगर आप ईयर के टर्म्स में डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ और वो फॉर्मूला है डेट डिफ डेट डि जब आप यूज़ करते हैं तो आप लोग स्टार्टिंग डेट रखते हैं उसके बाद आप लोग एंड डेट रखते हैं और क्योंकि ईयर के टर्म्स में हमने जो है डिफरेंस निकालना है और हम उसके बाद रखते हैं अपने ईयर को ईयर को कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ ज़रा ध्यान दीजिएगा ये आगे हमारा वाई और उसके बाद हम इसको कर दिया क्लोज देखिए तो यहाँ पे जो है आपको ये एक साल का डिफरेंस यहाँ पे बता देगा राइट अब आपने देखना है कि हमारी स्टार्टिंग डेट क्या थी हमारी स्टार्टिंग डेट थी ये हमारी एंड डेट थी ये इसके बीच में कितने ईयर्स आए हैं वो आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है ओके इसी तरह से अगर आप बाकी डेट्स के बीच में भी ईयर्स का डिफरेंस निकालना चाहते हैं सिंपली इस फार्मूला को हम डाउन कर देंगे अगर आप इन दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हैं और वो भी डिफरेंस निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मंथ्स इन टर्म्स ऑफ मंथ्स तो हम लोग क्या करेंगे फिर से हम लोग यही फार्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं तभी मैंने बोला था कि सबसे आसान तरीका है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन ये तरीका अपने आप में बहुत आसान है ये देखिए स्टार्टिंग डेट और ये देखिए एंड डेट और उसके बाद बस मैंने क्या करना होगा उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है लिखना होगा एम क्योंकि अब मुझे चाहिए मंथ्स के अंदर डिफरेंस ओके और ये मैंने एंटर प्रेस किया ये मेरे पास कंप्लीट मंथ्स आ गया नीचे मैंने इसको ट्रैक डाउन कर दिया यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स आ गए इस डेट से इस डेट के बीच में ये हमारे सारे केसेस में स्टार्टिंग डेट्स हैं और ये हमारी जो है वो एंड डेट्स हैं आइए अब कंप्लीटेड डेज निकालने के लिए जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने सेम फॉर्मूला जो है हम लोग यूज कर सकते हैं डेट डिफ का और फिर से हम लोग स्टार्टिंग डेट रखेंगे एंड डेट रखेंगे और इस बार आपको क्या करना है इस बार आपको रखना है डी ओके और डी मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज करते हैं इसको और देखिए कमाल 365 डेज हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डेज आपके पास निकल गए

तो आप कैसे पता लगाएंगे रैंक वन किसका है ऑल दो यहां पे तो जो है कम नंबर्स हैं, इसलिए आपको कोई चिंता का विषय लग नहीं रहा है लेकिन अगर आपके पास सौ दो सौ तीन सौ नंबर्स होते तो आपको जो है चिंता का विषय लगता और आपको रैंक निकालने में दिक्कत होती और इसी के लिए जो है मैं आप लोगों के साथ हूँगा कि आपको बताऊंगा कि रैंक आप लोग कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे रैंक के फॉर्मुला में आएंगे मेरा एक्सल थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है तो ये रैंक को थोड़ा सा ऑप्सिलीट फॉर्मुला बता रहा है बट कोई बात नहीं आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप रैंक के फॉर्मुला प्रेस करेंगे आपसे पूछा किसका रैंक जानना चाहते हैं हम इसका रैंक जानना चाहते हैं रेंज क्या लगाना चाहते हैं तो हमने बोला साहब रेंज जो है हम लोग लगाना चाहते हैं यहां से लेके यहां तक अब इस रेंज को फ्रीज करना मत भूल जाइएगा देखिए अगर आपने फ्रीज कैसे करना है आपने F4 प्रेस कर देना है आप ये डॉलर का साइन दिख रहे हैं डॉलर E डॉलर सिक्स टू डॉलर E डॉलर थर्टीन तक अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा क्योंकि वो रेंज रेंज जो है वो हर बार हर सेल में चेंज करता जाएगा अब ऑर्डर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जीरो दबा देंगे तो जीरो का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा यानी जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसे रैंक वन देगा अगर आप वन दबा देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा यानी कि जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे उसको जो है रैंक वन देगा लेकिन मैं जीरो प्रेस करता हूँ मैंने आ, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया फॉर्मूला क्लोज कर दिया तो यहाँ पे देखिए इसने 96 को रैंक वन दे दिया क्योंकि 96 सिक्स ज्यादा किसी के मार्क्स नहीं थे जस्ट आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसको एट्थ रैंक दे देगा राइट तो आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पे जीरो रखना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है क्योंकि हम लोग हाइएसट टू लोअर्स जा रहे हैं उसके बाद इसको ड्रैक डाउन कर दीजिए ये लीजिए आपके सारे रैंक जो है यहाँ पे निकल के आ गए हैं ओके okay? तो ये आपको बहुत टाइम पे जो है यूज कर सकते हैं अभी मैं म्यूचुअल फंड का कोर्स बना रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड के कोर्स के अंदर मैंने क्या किया है मैंने म्यूचुअल फंड के कुछ पैरामीटर्स निकाल दिए और उन पैरामीटर्स को मैंने मार्क्स दे दिए अब उस पैरामीटर को मार्क्स देने के बाद क्या है मैंने रैंक निकालना शुरू कर दिया कि ये म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे बेस्ट है तो आप इस रैंकिंग वाले को बहुत सारी जगहों पर जो इसकी एप्लीकेशन हो सकती है आप कहाँ कहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं मुझे जरूर 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 देगा कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके हाँ जी गाइज क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एक्सल को एज अ टू डू टूल भी यूज कर सकते हैं यानी कि आप लोग जो है यहाँ पे अपनी लिस्ट बना सकते हैं उसके सामने

अब यहाँ पे चेक बॉक्स आपने कैसे इंसर्ट करना है आपने यूज करना है ये वाला टैब जिसे बोलते हैं डेवलपर टैब आपके एक्सेल में अगर डेवलपर टैब नहीं है तो क्या करना है आपने सबसे पहले आपने क्या करना है अपने रिबन के अंदर जाना है रिबन के अंदर कैसे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए ये आपका रिबन है आप रिबन में फॉर एग्जाम्पल आप होम टैब में है कहीं पर भी क्लिक कीजिए और उसके बाद आप लोग

डेवलपर दोबारा लाने के लिए वही कहीं पे भी रिबन पे क्लिक कीजिए कस्टमाइज पे जाइए और डेवलपर को चेक कर दीजिए ओके तो आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा अब इस डेवलपर टैब की मदद से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं डेवलपर टैब पे क्लिक कीजिए इंसर्ट पे जो है वो क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये रहा आपका चेकबॉक्स जो आपने इंसर्ट करना है जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो माउस का कर्सर है ना उससे आप चेकबॉक्स ड्रॉ कर पाएंगे तो चेकबॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है राइट इस चेक बॉक्स में कुछ चीज़ें अपने ध्यान रखनी है बाय डिफॉल्ट यहाँ चेक बॉक्स वन लिखा हुआ है वो चेक बॉक्स वन जो है आप लोग हटाना चाहते हैं अगर तो बिल्कुल हटा सकते हैं इसको सेलेक्ट कर लीजिए चेक बॉक्स वन या चेक बॉक्स जो भी नंबर होगा जितने चेक बॉक्स आप इंसर्ट कर चुके होंगे उसके हिसाब से वो नंबर होगा इसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया और उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि चेक बॉक्स चेक बॉक्स का जो साइज़ है ना वो सही रहे राइट उसकी प्लेसमेंट सही रहे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको जो है रख दिया है अब मैं यही चेक बॉक्स नीचे वाले बॉक्सेस में लाना चाहता हूं तो मैंने सिंपली सेल को पकड़ना है और ड्रैग कर देना है लीजिए गुड्डू भैया को कॉल हो चुकी है आ रहे हैं बहुत जल्दी मिर्जापुर पे कब्जा करने के लिए तो चेक कर देंगे बीना त्रिपाठी जी आज क्या कर रही है हमने पता कर लिया है चेक कर देंगे मुन्ना भैया से बात हो गई है बबलू भैया से बात हो गई थी लास्ट सीजन में ये बात खत्म नहीं होगी देख लीजिएगा तो वहां पे भी हम लोग जो है वो चेक कर देंगे इस तरीके से जो है आप लोग चेकबॉक्स का उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही सही है अगर आप लोग एक्सेल को एज अ टू डू टूल जो है वो यूज करना चाहते हैं एक बात याद चेक बॉक्स का जो आपका साइज़ है उसे आप थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कीजिएगा क्योंकि होगा क्या अगर चेक बॉक्स का साइज इतना बड़ा आपने कर दिया तो आप कहीं पे भी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी वो चेक हो रहा है इसलिए चेक बॉक्स का साइज आप लोग रखेंगे बिल्कुल उतना ही जहाँ पे आप क्लिक करना चाहते हैं राइट तो अब देखिए अगर मैंने इतना साइज रखा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है बस मेरे को यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा बीच में आके दैट्स एट कितना आसान था तो चेक बॉक्स इंसर्ट कीजिए अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और जैसे जैसे उसे आप पूरा करते जा रहे हैं वहां पे जो है आप लोग उसे मार्क कर दी जाइए ओके आई होप आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो सबके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा बेल आइकन को हिट कीजिएगा आई बटन चेकआउट कीजिएगा बहुत सारी एक्सेल की वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं उन्हें देखिएगा और हमारे एक्सेल क्लब में हमारे साथ जरूर 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 जुड़िएगा हमारे एक्सेल क्लब की जो खासियत है वो आपके सामने लिखी आ रही है स्क्रीन पे जरूर देखिए 5000 से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स इस समय एनरोल कर, कर चुके हैं यह है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सेल क्लब जहाँ पे आप लोग जो है एक्सेल सीखते हैं और सीख के जीतते हैं ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस